आमतौर पे जो ट्यूटोरियल्स वगैरह होते हैं ना उस पे रिएक्ट नेटिव हेलो वर्ल्ड से ही शुरू करवा रहे हैं आमतौर पे लोग, ठीक है। और मैंने भी ऐसा ही प्लान किया हुआ था कि हेलो वर्ल्ड से शुरू करवाऊँ मैं। अच्छा तो मैं आपको पढ़ाने के लिए, मैं खुद प्रिपरेशन कर रहा था जब, तो मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि रिएक्ट नेटिव ना असल में हेलो वर्ल्ड से शुरू नहीं हो रही है, ये शुरू हो रही है कहीं और से। तो हम आके वहाँ से शुरू करते हैं, ठीक है, गाइड पे चलते हैं। और ये हमारे पास एक इंट्रोडक्शन का पेज है, तो मेरा ये ख्याल है कि ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट आइटम है, जो शुरू में पहले ये होना चाहिए, उसके बाद हेलो वर्ल्ड होना चाहिए। अच्छा तो सब लोगों की इधर तवज्जो हो जाए, ज़रा पीछे का ये गेट ज़रा उठ के बंद कर दो यार, ताकि पीछे से कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो। इसका मॉड चेक कर लो, कूल पे है, कौन सा पे है ये, कूल पे कर दो इसका मॉड, और इसका 24 पे सेट कर दो इसको, जो सूरज बना हुआ है ना वो वाला कूल है, और 24 पे करो इसको प्लस करके। सही है, आ जाओ। अच्छा जल्दी से यार सेटल डाउन हो जाओ ताकि हम शुरू करें। आज तो यार आवाम अच्छी खासी आई हुई, आज कुछ वो चेहरे भी हैं जो नहीं आ रहे थे। चलो चलो अच्छी बात है। अच्छा यहाँ पे इन्होंने ये मेंशन भी किया हुआ है, वेलकम टू वेरी स्टार्ट ऑफ रिएक्ट नेटिव जर्नी, इफ़ यू आर लुकिंग फॉर एनवायरनमेंट सेटअप इंस्ट्रक्शन दे आर मूव टू देयर ओन सेक्शन, कंटिन्यू रीडिंग फॉर इंट्रोडक्शन डॉक्यूमेंटेशन नेटिव कंपोनेंट एंड मोर। कह रहा है भाई ये पहले इन्होंने ना गेटिंग स्टार्टेड में पहले हेलो वर्ल्ड रखा हुआ था, अब गालबन इन्होंने उसको मूव कर दिया, इसीलिए यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है, और ये सही किया है, ठीक है, क्योंकि मेरी भी यही ऑब्जर्वेशन है कि यहाँ से शुरू होना चाहिए। अच्छा तो क्या है भाई, तो कह रहे हैं कि मैनी डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल यूज़ रिएक्ट नेटिव, फ्रॉम iOS डेवलपमेंट टू रिएक्ट बिगनर्स टू पीपल गेटिंग स्टार्टेड प्रोग्रामिंग द फर्स्ट टाइम इन देयर करियर, दीज डॉक्स वर रिटर्न ऑल लर्नर्स नो मैटर देयर एक्सपीरियंस लेवल और बैकग्राउंड। कह रहे हैं कि कई तरह के लोग हैं जो रिएक्ट नेटिव को यूज़ कर रहे होंगे, ठीक है, उसमें कौन हो सकता है कि iOS का डेवलपर है पहले से वो, या रिएक्ट का पहले से डेवलपर है, या ऐसा बंदा जो प्रोग्रामिंग पहली दफ़ा कर रहा है अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। ये सब लोगों के लिए लिखा गया है ये डॉक्यूमेंट, ठीक है। शुरू में इन्होंने ये बता दिया कि टारगेट ऑडियंस इनकी कौन है, हाउ टू यूज़ दीज डॉक्यूमेंट्स, यू कैन स्टार्ट रीडिंग थ्रू लीनियरली, ठीक है, सीधा सीधा पढ़ते जाएं बुक की तरह, जैसे एक एक सेक्शन है ना ये वाला 1 2 3 4 ऐसे पढ़ते चले जाएं, ठीक है, और रीड इट लाइट रिफ्रेशर के मिसाल के तौर पे वंस पढ़ के चले गए आप, कभी दोबारा आए तो आप किसी खास सेक्शन में आके डायरेक्ट उसको पढ़ेंगे रिफ्रेश होने के लिए। प्री रिक्विजिट क्या है इसका, टू वर्क विथ रिएक्ट नेटिव यू विल नीड टू हैव अंडरस्टैंडिंग ऑफ जावास्क्रिप्ट फंडामेंटल, हमने जावास्क्रिप्ट बहुत डिटेल में पढ़ी है, ठीक है, वो भी न्यू वाली जावास्क्रिप्ट। इफ़ यू आर न्यू टू जावास्क्रिप्ट यू नीड अ रिफ्रेशर। कह रहे हैं कि अगर आप जावास्क्रिप्ट आपको अच्छे से नहीं आती है तो ये डाइव इन करके ना ये मोज़िला डेवलपर नेटवर्क MDN के डॉक्यूमेंट पे कह रहे जाओ, वहाँ से पढ़ के आना, ठीक है, हमने पढ़ा हुआ है। इंटरेक्टिव एग्जाम्पल, इन दिस इंट्रोडक्शन लेट यू स्टार्ट इमीडिएटली इन योर ब्राउजर विथ इंटरेक्टिव एग्जाम्पल लाइक दिस वन। कह रहे हैं कि आपको ना हेलो वर्ल्ड बनाए बगैर, जैसे रिएक्ट में होता था ना कोड सैंड बॉक्स, कह रहे हैं ये इस तरह इंटरेक्टिव कोड सैंड बॉक्स है इसका, इसको ये स्नैक्स कहते हैं। तो ये स्नैक आप डायरेक्ट बना के और आपको डायरेक्ट यहाँ पर रिजल्ट नजर आएगा। अच्छा और आगे क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं फंक्शन कंपोनेंट एंड क्लास कंपोनेंट विथ रिएक्ट यू कैन मेक कंपोनेंट यूजिंग देयर आइदर क्लासेस और फंक्शन। ओरिजिनली क्लास कंपोनेंट वर द ओनली कंपोनेंट दैट यू कैन हैव स्टेट, बट सिंस इंट्रोडक्शन ऑफ रिएक्ट हुक API यू कैन ऐड स्टेट एंड मोर फंक्शन टू कंपोनेंट्स। कह रहे हैं कि पहले शुरू शुरू में सिर्फ फंक्शन सिर्फ क्लास वाले कंपोनेंट्स होते थे, बट बाद में ये इन्होंने हुक्स जब इंट्रोड्यूस करवाया तो अब आपके लिए ऑप्शनल है कि आप जो कंपोनेंट है वो क्लास से बनाए या फंक्शन से बनाए। हुक्स वर इंट्रोड्यूस इन रिएक्ट नेटिव 0.59। अच्छा अभी रिएक्ट नेटिव की जो वर्जन चल रहा है वो ये 0.71 चल रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे इसने मेंशन भी कर दिया है कि हुक जो कब इंट्रोड्यूस हुए हैं, 0.59 में इंट्रोड्यूस हुए हैं, बिकॉज
hooks are future facing way to write your React component. We wrote this introduction using function component example, where useful, we also cover class component under the toggle like so. कह रहा है कि हमने मेनली जो ये इंटरेक्टिव एग्जांपल है ये फंक्शनल कंपोनेंट में किया है. फंक्शनल कंपोनेंट में करने का रीज़न इन्होंने ये बताया कि फंक्शन के साथ ही हुक्स चलते हैं और हुक्स जो है वो फ्यूचर फेसिंग है, यानी आगे हुक्स का ही इस्तेमाल होगा जो रिएक्ट की जो डेवलपमेंट आगे की तरफ जो जा रही है. और कह रहा है कि हमने साथ साथ क्लास कंपोनेंट भी लिखे हुए हैं जहाँ पर रिक्वायर्ड है. ठीक है, क्लास कंपोनेंट जहाँ पे डिफरेंट है इम्प्लीमेंटेशन क्लास और फंक्शन में, वहाँ पे इन्होंने क्लास का भी जिक्र किया है. अदरवाइज हमने फंक्शनल कंपोनेंट से रिएक्ट पढ़ी है इस क्लास में. ठीक है, उसकी रिकॉर्डिंग भी सारी मौजूद है प्लेलिस्ट के अंदर बैजेट करके. तो वो अगर बीच में कभी भी बाद में रिएक्ट नेटिव पढ़ रहे हो आप खुद ही इस वीडियो में, तो आपको पता होगा ये रिएक्ट कवर नहीं हुआ है इसके अंदर. वेल, तो हम फंक्शनल कंपोनेंट से ही हमने रिएक्ट भी पढ़ा और रिएक्ट नेटिव भी हम फंक्शनल कंपोनेंट से पढ़ेंगे और हुक्स के साथ पढ़ेंगे. अच्छा, कुछ डेवलपर नोट्स इसने लगाए. कह रहा है कि भाई पीपल मैनी डिफरेंट डेवलपमेंट बैकग्राउंड्स आर लर्निंग रिएक्ट नेटिव, सो यू मे हैव एक्सपीरियंस विद अ रेंज ऑफ टेक्नोलॉजीज फ्रॉम वेब टू एंड्रॉयड टू iOS एंड मोर. वी ट्राई टू राइट टू द डेवलपर्स फ्रॉम ऑल बैकग्राउंड. समटाइम वी प्रोवाइड एक्सप्लेनेशन स्पेसिफिक टू वन प्लेटफॉर्म और अनदर. अब इन्होंने कोई बात लिखी है ना, तो वो तीन अलग अलग ऐसे टैब में देंगे तीन अलग अलग लोगों को समझाने के लिए. तो अगर आप बाई डिफॉल्ट एंड्रॉयड के डेवलपर है, नेटिव कॉटलिन पे काम करते हैं आप, तो आप ये वाले टैब में जाके समझेंगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा क्योंकि आपकी ज़ुबान में समझाएगा. हम वेब हैं तो हम वेब वाले को देखा करेंगे. ठीक है, तो ये हर चीज़ की ना एनालॉजी वेब में भी बताएगा. मिसाल के तौर पे ये कुछ जगहों पे बोलेगा कि व्यू एक कंपोनेंट है दैट इज़ इक्वल टू डिव इन वेब, लेकिन एक्चुअल में वो डिव नहीं है, वो एनालॉजी बता रहे हैं कि डिव जैसा है कुछ. इंटरनली तो वो व्यू है, अभी वो भी आ जाएगा कि वो अंदर जाके बनता क्या है. ठीक है, अच्छा फॉर्मेटिंग करके कुछ बता रहा है. अब हम चलते हैं अगले इसके सेक्शन में, कोर कंपोनेंट एंड नेटिव कंपोनेंट. अब कंपोनेंट तो आप लोगों को पता है रिएक्ट के अंदर क्या चीज़ होते हैं. रिएक्ट नेटिव की ऐप बाय डिफ़ॉल्ट रिएक्ट की ही ऐप होती है, सही है. जस्ट कंपोनेंट उसमें क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं. वेब वाले कंपोनेंट नहीं होते, रिएक्ट नेटिव वाले कंपोनेंट होते हैं. तो सबसे पहले उसी का जिक्र हो रहा है यहाँ पे कि एक होते हैं कोर कंपोनेंट, एक होते हैं नेटिव कंपोनेंट्स. क्या फ़र्क है दोनों में? रिएक्ट नेटिव इज ओपन सोर्स फ्रेमवर्क फॉर बिल्डिंग एंड्रॉयड एंड iOS एप्लीकेशन यूजिंग रिएक्ट एंड द ऐप प्लेटफॉर्म नेटिव कैपेबिलिटीज. रिएक्ट नेटिव जो है उसकी डेफिनेशन यहाँ पे इसने बताई कि रिएक्ट नेटिव एक ओपन सोर्स फ्रेमवर्क है जो किसके लिए बनाया गया है, फॉर बिल्डिंग एंड्रॉयड एंड iOS एप्लीकेशंस. ये दो एप्लीकेशंस के लिए स्पेसिफिकली बनाया गया है. अच्छा, अब इसमें गो के विंडोज़ वगैरह की भी ऐप बन रही है, डेस्कटॉप ऐप भी बन रही है, लेकिन मेनली इसको ये जो रिएक्ट नेटिव है इसको दो के लिए बनाया गया है. वो रिएक्ट नेटिव डेस्कटॉप दैट इज़ अ डिफरेंट फ्रेमवर्क. ठीक है, एक जैसा ही लगता है लेकिन दैट इज़ अ डिफरेंट फ्रेमवर्क एक्चुअली. अच्छा, तो अच्छा किस चीज़ को इस्तेमाल करते हुए? रिएक्ट को इस्तेमाल करते हुए और उस प्लेटफॉर्म की नेटिव कैपेबिलिटीज़ को इस्तेमाल करते हुए. क्योंकि रिएक्ट में तो ब्राउज़र में जो जो चीज़ होती है वो हो जाएगी, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मोबाइल के प्लेटफॉर्म की स्पेसिफिक होती है. ठीक है, मिसाल के तौर पर वॉल्यूम का बटन प्रेस करूँ तो क्या हो, अगर फ़ोन साइलेंट पे हो तो क्या हो. ठीक है, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो प्लेटफॉर्म की कैपेबिलिटी है. तो उसको भी दोनों को यूज़ करते हुए ऐप बनाई जाए. विथ रिएक्ट नेटिव यू यूज़ जावास्क्रिप्ट टू एक्सेस योर प्लेटफॉर्म्स API. कह रहे हैं कि आप जावास्क्रिप्ट को यूज़ करते हुए ये सारी चीज़ें गेट करते हैं. मिसाल के तौर पर डिवाइस इस वक्त डार्क मोड में है या लाइट मोड में, ये आप रिएक्ट नेटिव में रहते हुए पता लगाएंगे. लेकिन करेंगे किससे अभी काम? जावास्क्रिप्ट से. API बनाकर दी हुई है उन्होंने, वो हम देख लेंगे कैसे होती है. रिएक्ट नेटिव से ही इंपोर्ट करेंगे. छोटी छोटी ना यूटिलिटीज़ उन्होंने रिएक्ट नेटिव के अंदर बना के रखी हुई है. ठीक है, तो गेट डार्क मोड करके एक फंक्शन है और रिएक्ट नेटिव से उसको हम इंपोर्ट करते हैं और चलाते हैं, हमें ट्रू फॉल्स मिल जाता है. तो अब अच्छा, तो ये हम करेंगे किससे ये काम? जावास्क्रिप्ट में रहते हुए. एज वेल टू डिस्क्राइब द अपीयरेंस एंड बिहेवियर ऑफ योर UI यूजिंग रिएक्ट कंपोनेंट्स. कह रहे हैं कि इस ऐप की जो अपीयरेंस और बिहेवियर है ना, वो भी हम रिएक्ट के कंपोनेंट के अंदर बता रहे होंगे, जैसा कि हम CSS में रिएक्ट के अंदर पहले करते रहे. बंडल्स ऑफ रीयूजेबल नेस्टेबल कोड. यू कैन लर्न मोर अबाउट रिएक्ट इन नेक्स्ट सेक्शन, बट फर्स्ट लेट्स कवर हाउ कंपोनेंट वर्क इन रिएक्ट नेटिव. कह रहे हैं कि अभी तो ये आगे आएगा और इसके बारे में भी कि अब रिएक्ट होती क्या चीज़ है, क्योंकि ये तो कहा था ना इस डॉक्यूमेंट हर बंदों के लिए लिखा है, तो हर बंदे को रिएक्ट नहीं पता, तो रिएक्ट भी थोड़ा सा कह रहा है कवर करेंगे हम. लेकिन पहले ये देख लेते हैं कि काम करता कैसे. व्यूज़ इन मोबाइल डेवलपमेंट.
In Android and iOS development, a view is a basic building block of UI. सही, एंड्रॉयड में और आई ओ एस की ऐप में, जब आप आई ओ एस की ऐप स्विफ्ट पे बना रहे होते हैं या ऑब्जेक्टिव सी में, ये दो लैंग्वेजेस हैं जिसमें आई ओ एस की ऐप बनती है, या एंड्रॉयड की ऐप बना रहे हो आप कॉटलिन में या जावा में, ये दो लैंग्वेजेस हैं जिसमें एंड्रॉयड की नेटिव ऐप बनती है, तो इसके अंदर जब आप यू आई बनाते हैं तो उस यू आई का जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है दैट इज़ व्यू. ठीक है, अच्छा हमारे पास क्या होता है बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक वेब में, कोई बता सकता है? मार्कअप्स. वेब के अंदर जितने भी मार्कअप्स हैं या जितने भी एलिमेंट्स हैं वो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं हमारे. अच्छा, उसमें डिव भी शामिल है. बॉडी इटसेल्फ एक कंटेनर का काम करता है, एक मार्कअप है, एक एलिमेंट है. तो हमारे पास ये एलिमेंट्स होते हैं. सही है. अच्छा, उनके पास ना व्यूज़ होते हैं. अब वो व्यूज़ कौन कौन से होते हैं, क्या क्या होते हैं, वो हम देखेंगे अभी. अ स्मॉल रेक्टेंगल एलिमेंट ऑन द स्क्रीन विच कैन बी यूज टू डिस्प्ले टेक्स्ट. अच्छा, अब ये व्यू होता क्या, ये बता रहा है कि भाई ये स्मॉल रेक्टेंगुलर एलिमेंट होता है, ठीक, ऑन द स्क्रीन विच कैन डिस्प्ले विच कैन बी यूज टू डिस्प्ले टेक्स्ट, इमेज और रिस्पॉन्ड टू यूजर इनपुट. कह रहे कि व्यू जो होता है वो रेक्टेंगुलर टाइप की चीज़ होती है, जैसे एलिमेंट होता है हमारे वेब में इसी तरह होता है. डिस्प्ले कर सकते हैं हम टेक्स्ट उस व्यू के जरिए, इमेज डिस्प्ले कर सकते हैं और रिस्पॉन्ड टू यूज़र इनपुट. यूज़र इनपुट रिस्पॉन्ड का मतलब है कि उस पर क्लिक कर देगा वो यूज़र शायद, या उस पर क्लिक करके वो जो अगर इन टेक्स्ट इनपुट व्यू है अगर वो, तो वो उसमें इनपुट लिख कर सबमिट कर रहा होगा. ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें वो, ये तमाम के तमाम व्यूज़ होते हैं. इवन द स्मॉलेस्ट विजुअल एलिमेंट ऑफ एन ऐप, कोई भी मोबाइल ऐप है उसका जो स्मॉलेस्ट विजुअल एलिमेंट है, लाइक अ लाइन ऑफ टेक्स्ट और अ बटन आर काइंड ऑफ यूज. कह रहे हैं कोई बटन लगा हुआ हो, कोई छोटा सा डॉट लगा हुआ हो, कोई लाइन लकीर लगी हुई हो, सब चीज़ ना एक व्यू होती है. सम काइंड ऑफ व्यू कैन कंटेन अदर व्यूज, इट्स व्यू ऑल द वे डाउन. तो कह रहे हैं कि कुछ ऐसे व्यूज़ होते हैं जिनके अंदर हम दूसरे व्यूज़ को भी रखवा सकते हैं. ठीक है, जैसे कि एक होता है स्क्रॉल व्यू. स्क्रॉल व्यू क्या होता है कि अगर उसमें जो उसके अंदर आपने 4, 5, 6 व्यूज़ रखवा दिए तो अल्टीमेटली क्या होता है, वो स्क्रॉल बार आ जाता है उसमें अगर कॉन्टेंट ज़्यादा हो तो. ठीक है, हमारे पास तो किसी भी डिव में, स्पैन में, किसी में भी रखो तो बाई डिफ़ॉल्ट स्क्रॉल बार आता है ना. मोबाइल ऐप में ऐसा नहीं होता. मोबाइल ऐप में खास तरह का व्यू है स्क्रॉल व्यू, वो होगा तभी स्क्रॉल बार आएगा, अगर वो नहीं होगा तो वो नीचे छुपता चला जाएगा कंटेंट. समझ रहे हो? तो मोबाइल ऐप के अंदर जो यूआई बनाने का एक सिस्टम होता है उसका इसने एक ब्रीफ ओवरव्यू दिया कि उसमें क्या कहानी चल रही होती है. यानी वेब से काफ़ी डिफरेंट है ये. वेब में आमतौर पर इस तरह का नहीं होता. ठीक है, हाँ, वेब में ये ज़रूरी है कि कोई भी छोटे से छोटा विजुअल एलिमेंट है दैट इज़ अ मार्कअप बिहाइंड द सीन. कोई ना कोई मार्कअप, कोई ना कोई एलिमेंट होगा, कोई ना कोई टैग होगा रिस्पॉन्सिबल. बट ये थोड़ा सा यहाँ पर डिफरेंस आ जाता है कि इसमें खास तरह के व्यू हैं जिसके अंदर आप दूसरे व्यूज़ को रखवा सकते हैं. हर व्यू के अंदर आप कोई दूसरा व्यू नहीं रखवा सकते. अब वो हम देखेंगे कि वो एरर देके खुद ही बताएगा हमें. यहाँ पर तुम देखो कि एक इसने ना ये वाला पार्ट, इतने पार्ट को मैग्नीफाई किया है कि ये एक तरफ एंड्रॉयड का फ़ोन है और एक तरफ ये आईफोन इन्होंने दिखाया हुआ है एप्पल का. अच्छा, ये कह रहा है कि एंड्रॉयड के अंदर ये जो डब्बा है ये है व्यू ग्रुप. सही है, ये डब्बे को बोल रहे हैं व्यू ग्रुप. यानी इस लिस्ट के अंदर जो एक लिस्ट आइटम का जो डब्बा है, ठीक है, ये मैं कर्सर घुमा रहा हूँ ये कितने बड़े स्क्वायर को, ये यहाँ से ये चकोर डब्बा जो है, ये जो चकोर डब्बा है इसको ये कहते हैं एंड्रॉयड में व्यू ग्रुप. इसी सेम चीज़ को iOS में कहते हैं UI व्यू. समझ रहे हो? व्यू है, दोनों में व्यू है लेकिन नाम अलग है दोनों व्यूज़ के. अच्छा, फिर अब इस व्यू ग्रुप के अंदर एक इमेज है, एक टेक्स्ट है. तो इस इमेज को लगाने के लिए एंड्रॉयड में इमेज व्यू का इस्तेमाल होता है और टेक्स्ट व्यू का इस्तेमाल होता है टेक्स्ट दिखाने के लिए. इसी चीज़ को iOS में UI इमेज व्यू और UI टेक्स्ट व्यू का नाम देते हैं. सही है, इस तरह करके उसकी UI बनती है. अच्छा, एंड्रॉयड में और iOS में दोनों में जो UI बनती है ना वो XML में ही बनती है.
ये भी एक चीज़ आप गौर से समझ लें, XML वो HTML है जो हम लिखते हैं, और क्या है। देखो किसी को ये बात समझ आई भाई दवे जो मैंने बोला है, XML और HTML का चक्कर नहीं समझ आया? कोई है जिसको ये समझ आई हो बात? XML जो है ना वो लिखने का एक तरीका होता है, JSON लिखने का एक तरीका है ना। JSON में क्या होता है, की वैल्यू पेयर होता है, एक की होगी एक वैल्यू होगा। XML में क्या होता है, एक टैग होगा, ओपनिंग टैग या क्लोजिंग टैग या सम टाइम सेल्फ क्लोजिंग टैग होगा, उस टैग के अंदर की वैल्यू पेयर्स होंगे जिसको एट्रीब्यूट हम बोलते हैं, ठीक है। XML अगर मैं तुम्हें खोल के दिखाऊँ ना, सही है, XML का इंट्रोडक्शन यहाँ पे ये बता रहे हैं। देखो दिस इज कॉल्ड XML, ये XML जो है वो लिखने का एक अंदाज है। तो HTML का जो कोड हम लिखते हैं वो हम किस में लिखते हैं, XML में लिखते हैं, सही है। HTML का कोड हम किस में लिखते हैं, XML में लिखते हैं। अच्छा HTML का कोड हम JSON में भी लिख सकते हैं, समझ रहे हो ये बात, HTML का कोड, क्योंकि देखो एट द एंड क्या है इसमें, एट द एंड कुछ डेटा ही तो दे रहे हैं ना हम। इसका एक बड़ा अच्छा नाम होता है, डेटा इंटरचेंज, पता नहीं क्या नाम होता है, देखो यहां लिखा हुआ भी है, XML वॉज डिजाइन टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट डेटा, ठीक है। JSON भी इसीलिए बना है कि डेटा को हम स्टोर करा सकें और ट्रांसपोर्ट करा सकें। कोई कॉन्फ़िगरेशन में JSON में पास कर देता हूँ, पैकेज डॉट JSON में JSON में बना के दे देता हूँ। अच्छा ये पैकेज डॉट JSON टाइप की जो चीज़ है ना, ये कुछ दूसरे प्लेटफॉर्म्स में या कुछ दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में वो भी XML में होती है। पैकेज डॉट JSON जैसा लिखा हुआ है हमारा, वो भी XML में होती है। मैनिफेस्ट फाइल जो होती है हमारी एंड्रॉयड की, नेटिव डेवलपमेंट में एक मैनिफेस्ट फाइल होती है, वो XML में होती है। काम वो सेम उसमें पैकेज डॉट जेसन वाला होता है कि कौन सी डिपेंडेंसी है, क्या टारगेट है, ये वो, इस तरह की चीज़ें होती है, लेकिन लिखा हुआ XML में होता है। तो XML जस्ट लिखने का एक तरीका है, ठीक है। अभी मैं लिखूंगा ना वो डेटा इंटरचेंज, वो मेरे अभी जहन से निकल गया, व्हाट इज XML लिखूंगा ना मैं, एक इसके लिए बड़ा अच्छा नाम यूज़ करते हैं ये, डेटा इंटरचेंज पता नहीं करके कुछ नाम करते हैं यार, डेटा इंटरचेंज फॉर्मेट्स, ठीक है, डेटा इंटरचेंज फॉर्मेट लिस्ट ये मैंने निकाला है, ठीक है। डेटा इंटरचेंज फॉर्मेट अब और कौन कौन से होते हैं देखो, एक XML है, एक CSV है, CSV भी आप सब लोगों ने देखा होगा, कॉमा सेपरेटेड होता है ये, तो मैं HTML को CSV में भी लिख सकता था, सही है, दैट वाज आल्सो पॉसिबल। JSON में भी लिख सकता हूँ मैं यही सेम डेटा, लेकिन एक्चुअल में ब्राउज़र उसको एक्सपेक्ट कर रहा होता है XML में, तो हम इसलिए XML के अंदाज में लिखते हैं। ज़रूरी नहीं है लेकिन XML में ही होगा, अगर मैं अपना ब्राउज़र लिख दूँ तो मैं उसमें ये बात JSON में ले लूँ, मैं कहूँ यार HTML का जो कोड है ना मुझे JSON में चाहिए, ठीक है। अब जियो जेसन वगैरह ये सब मैंने भी कभी सुना, ठीक है, ये एक दो तीन, ये तीन तो बहुत फेमस डेटा एक्सचेंज फॉर्मेट लिखा हुआ है यहाँ पे, लेकिन शायद ये डेटा इंटरचेंज फॉर्मेट होता है, ठीक है, डेटा एक्सचेंज फॉर्मेट लिखा हुआ है यहाँ पे। अब आई एम नॉट श्योर कि ये कौन सा वाला इसमें से सही है, डेटा इंटरचेंज है या डेटा एक्सचेंज है। वेल तो ये बात आपको समझ आई कि XML जो है वो किसी भी डेटा को लिखने का एक तरीका है। तो आमतौर पे जो एंड्रॉयड में और iOS के अंदर जो UI बनती है ना वो भी XML से ही बनती है, यानी HTML के जैसा कुछ कोड होता है, सही है। HTML के जैसा, मैं कौन सी स्क्रीन बताऊँ, गुम हो गया, हाँ ये रहा, HTML के जैसा ही कुछ कोड होता है। मिसाल के तौर पे ये जो स्क्वायर बॉक्स बना हुआ है, इसके लिए एक ओपनिंग टैग होगा व्यू ग्रुप का और एक क्लोजिंग टैग होगा व्यू ग्रुप का, और उसके बीच में ही रखा होगा, बीच में जो भी, यानी इमेज व्यू भी एक XML टैग होगा, टेक्स्ट व्यू भी एक XML टैग होगा, ठीक है। तो इस तरह करके ही होता है। अब दोनों में इसने बताया कि भाई अलग अलग नाम है,
अच्छा, अब ये तो इसने बता दिया एक तो कोर कंपोनेंट, सॉरी कोर कंपोनेंट नहीं, पहले ये नेटिव कंपोनेंट बता रहे हैं। आ जाओ नेटिव कंपोनेंट समझते हैं कि क्या चीज़ है। अच्छा, यहाँ तक बात क्लियर हुई कि एंड्रॉयड में, आईओएस में, दोनों में एक्सएमएल बेस्ड में यूआई बनती है, और दोनों के अंदर जो टेक्स्ट व्यू है उसका दोनों के अंदर नाम अलग है लेकिन काम एक ही है। इसी तरह इमेज व्यू है, उसका नाम अलग है लेकिन काम एक ही है। हाँ नहीं, हमें उसका नहीं करना, हमें अब देखो रिएक्ट क्या करता है। रिएक्ट ने चालाकी ये की कि ऐसे कॉमन कॉमन कंपोनेंट उठा के ना उसका रिएक्ट का एक कंपोनेंट बना दिया। अब इमेजिन करो कंपाइलेशन हो रही है, मैंने सारा वो रिएक्ट के कंपोनेंट का नाम लिखा हुआ है, रिएक्ट नेटिव के कंपोनेंट, एक्चुअली नॉट रिएक्ट, रिएक्ट नेटिव का जो कंपोनेंट है टेक्स्ट व्यू वो लिखा हुआ है और उससे टेक्स्ट डिस्प्ले हो रहा है। जब कंपाइल होगा ना, अगर वो मैं आईओएस के लिए कंपाइल करूँगा तो वो टेक्स्ट व्यू के कॉरेस्पॉन्डेंस में जो आईओएस का टैग होगा वो आ जाएगा उसकी जगह। सही है, अगर एंड्रॉयड के लिए कंपाइल होगा तो टेक्स्ट व्यू के कॉरेस्पॉन्डेंस में एंड्रॉयड में जो टैग इस्तेमाल होता है वो आ जाएगा उसकी जगह। तो ये चल रहा है बिहाइंड द सीन, रिएक्ट नेटिव कंपाइल टाइम पे ये काम करेगा। सही है। अच्छा, अब इट कम्स विद अ कैच, एवरीथिंग हैज इट्स प्रो एंड कॉन्स। अब कैच इसका क्या है कि आप कोई भी ऐसा कंपोनेंट इस्तेमाल नहीं कर सकते जो नेटिव एंड्रॉयड या नेटिव आईओएस में नहीं होता है। अच्छा, फिर आपको वो रूल रेगुलेशंस भी फॉलो करने पड़ेंगे कि आईओएस में फला व्यू के अंदर फला व्यू नहीं आ सकता, ठीक है, एंड्रॉयड के अंदर फला व्यू दो एक साथ नहीं आ सकता, इस तरह के रूल रेगुलेशंस। मिसाल के तौर पे BR का जो टैग होता है हमारे पास HTML के अंदर, एंड्रॉयड में BR नाम का कोई टैग नहीं होता, या इससे सिमिलैरिटी रखता हुआ कोई और दूसरा आइटम नहीं होता है, तो BR का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते। सही है, करेंगे वो कुछ इम्पैक्ट नहीं होगा उसका, इम्पैक्ट के बगैर होगा। वेल, अभी तो मैं एग्जैक्टली BR की बात नहीं कर रहा, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो हमें, जो वेब में हम कर रहे होते हैं बहुत ईजिली, लेकिन उस नाम का कोई कंपोनेंट ही नहीं है इसके अंदर नेटिव में, तो वो चीज़ हमें अवेलेबल नहीं होगी। अच्छा, उसको अवेलेबल करने के भी तरीके मौजूद हैं। वेल, अभी हम वो डिस्कस फिलहाल नहीं कर रहे, वो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। अच्छा, तो व्हाट इज़ नेटिव कंपोनेंट? तो इन्होंने कंपोनेंट, ये कंपोनेंट समझ आ गई है कि रिएक्ट नेटिव ने दोनों को उठा उठा के एक एक कंपोनेंट दोनों के कॉरेस्पॉन्डेंस में बना के रखा हुआ है। आप वो कंपोनेंट लगाएंगे रिगार्डलेस, वो पीछे खुद देखेगा कि कैसे करना है, और कोई इशू होगा तो कंपाइल टाइम पे ही बता देगा, जब आप कोड लिख रहे होंगे उसी टाइम बता देगा। इन एंड्रॉयड डेवलपमेंट यू राइट व्यूज इन कॉटलिन और जावा, इन iOS डेवलपमेंट यू यूज स्विफ्ट और ऑब्जेक्टिव सी, विथ रिएक्ट नेटिव यू कैन इन्वोक दीज व्यूज विथ जावास्क्रिप्ट यूजिंग रिएक्ट कंपोनेंट्स एट रन टाइम, रिएक्ट नेटिव क्रिएट द कॉरेस्पॉन्डिंग एंड्रॉयड एंड iOS व्यू फॉर दोज कंपोनेंट्स। हम लिखेंगे रिएक्ट, कंपाइल टाइम पे वो खुद बना देगा पीछे जो भी उसके कॉरेस्पॉन्डिंग में होगा, बिकॉज रिएक्ट नेटिव कंपोनेंट आर बैक्ड बाई द सेम व्यूज एज एंड्रॉयड एंड iOS। रिएक्ट नेटिव ऐप लुक फील एंड परफॉर्म लाइक एनी अदर ऐप। कह रहे हैं कि जो बटन, अगर कोई नेटिव ऐप बना रहा है उस पर जो बटन लगाएगा वो, तो रिएक्ट नेटिव में भी जब बटन लगाएंगे ना तो वो बटन वैसा ही होगा, क्योंकि वो असल में तो नेटिव से रिप्लेस मारेगा बाद में। तो कह रहा है कि वो लुक और फील उसकी बिल्कुल एक आम नेटिव ऐप जैसी ही होगी, ठीक है, और परफॉर्म भी वो वैसा ही करेगा, यानी बटन के क्लिक पे जो बिहेवियर होता है ना एक नेटिव ऐप के अंदर, कि भाई क्लिक पे ऐसा होगा कि क्लिक करते हुए क्या है ना, एक्टिव स्टेट में क्या कलर होगा, क्या बॉर्डर होगा, छोड़ूंगा तो कैसे आएगा, जो बिहेवियर उसका जो परफॉर्म है वो वैसे ही करेगा वो। हाँ, यहाँ पे इन्होंने ना एक वर्ड बहुत अच्छा यूज़ किया कि लुक फील एंड परफॉर्म लाइक एनी अदर ऐप। सही है, बट परफॉर्मेंस जो है रिएक्ट नेटिव की, ऑब्वियसली वो नेटिव जो ऐप है उससे थोड़ी सी कम होती है, ठीक है, और उसके कुछ रीजंस हैं कि वो क्यों कम होती है। बहुत ज़्यादा कम नहीं होती, 80% तक मैच करती है उसको, और छोटी मोटी ऐप्स में ये पता नहीं चलता है, जब आप कोई हैवी ऐप बनाते हैं तो उसमें फिर पता चलता है। ये आमतौर पे लोड टाइम इसमें थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है समटाइम, ठीक है। वेल, अगर अच्छे से बनाई हो किसी ने, चीज़ों का ख्याल रखते हुए बनाई हो अगर रिएक्ट नेटिव की ऐप, तो वो बहुत अच्छा परफॉर्म करती है मोबाइल ऐप, और अगर अच्छे से बनी हुई रिएक्ट नेटिव की ऐप हो, चीज़ों का ख्याल रखा गया हो, तो आप ऐप को खोल के ये नहीं बता सकते
यानी इंस्टॉल हुई भी ऐप को चला के आप ये नहीं बता सकते कि ये किस पे बना हुआ है, ठीक है? तो आपको उसके लिए या तो कोड देखना पड़ेगा या तो उस एपीके फाइल को इंस्पेक्ट करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ आपको एडिशनल करना पड़ेगा। तो मतलब आइकन वाइकन अगर प्रॉपर लगे हुए हैं, हर चीज़ प्रॉपर हुई भी है, किसी चीज़ में उसने एक्स्ट्रा टाइम वाइम खर्च नहीं किया हुआ, कहीं पे कोई ऐसा अलर्ट वलर्ट टाइप का कोड नहीं लगाया हुआ, ब्रेकिंग जो ब्लॉकिंग कोड होता है, सही है, एसिंक्रोनस को प्रॉपर हैंडल किया हुआ है, लोड टाइम को हैंडल किया हुआ है, ठीक है, लाइब्रेरीज़ को लेजी लोडिंग पे डाला हुआ है ताकि लाइब्रेरीज बाद में लोड हो, ऐप पहले लोड हो जाए, इस तरह की बहुत सारी सेटिंग्स होती हैं जिससे हम उसको बिल्कुल सेट कर देते हैं, हर चीज़ सेट हो जाती है। तो अगर ऐसे अच्छे से प्रॉपर बनी हुई ऐप है, तो इंस्टॉल हुई भी ऐप अगर आपको देगा कोई बंदा, तो दो ऐप होगी ना, आप दोनों में फ़र्क नहीं बता सकते कि ये नेटिव पे और ये रिएक्ट नेटिव पे, ठीक है? अब वो आप करेंगे तो आपको बेहतर अंदाज़ा होगा कि क्या चक्कर है। तो परफॉर्मेंस थोड़ी सी कम होती है, लेकिन परफॉर्म का मतलब यहाँ पे इन्होंने वो वाली परफॉर्मेंस नहीं ली है, वो परफॉर्म का मतलब है कि क्लिक पे कैसा परफॉर्म होगा, वो क्लिक काम कैसे करेगा, यानी बिहेवियर क्या होगा। जी अभी वो आ जाएगा आगे, नहीं फ़र्क नहीं है वैसे कोई, लेकिन अभी वो कवर होगा आगे। अच्छा भाई, वी कॉल दीज प्लेटफॉर्म बैक्ड कंपोनेंट नेटिव कंपोनेंट्स, ठीक है? अच्छा, ये कह रहे हैं कि इस तरह का जो कंपोनेंट होता है ना, जो हम यहाँ पे लिखेंगे रिएक्ट में और पीछे वो एंड्रॉयड या आईओएस का कोड बन जाएगा, तो इस तरह के कंपोनेंट को ये कहते हैं नेटिव कंपोनेंट। समझ आई बात? अच्छा, कह रहे हैं कि भाई रिएक्ट नेटिव कम्स विथ अ सेट ऑफ एसेंशियल रेडी टू यूज नेटिव कंपोनेंट, यू कैन यूज स्टार्ट बिल्डिंग योर ऐप टूडे, दीज आर रिएक्ट नेटिव कोर कंपोनेंट। अब रिएक्ट के अंदर और रिएक्ट नेटिव के अंदर जितने भी कंपोनेंट हैं, बाई डेफिनेशन सारे नेटिव कंपोनेंट हैं। रिएक्ट नेटिव के अंदर जितने भी कंपोनेंट हैं, बाई डेफिनेशन तो सारे नेटिव कंपोनेंट हैं, क्योंकि किसी एक में भी ऐसा तो नहीं हो रहा ना कि जो लिखा है एग्जैक्टली वही जा रहा है, वो हर केस में ट्रांसलेट होगा। इवन दो कि आपने कोई ऐसा रिएक्ट का कंपोनेंट लिख दिया जो ट्रांसलेट नहीं हो सकता, तो वो एरर वहीं दे देगा कि भाई ये ट्रांसलेट नहीं हो सकता, ठीक है? कोई ऐसा लिख दिया जो वेब में है सिर्फ और उधर नहीं है, ठीक है? तो या तो वो उसको इग्नोर कर देगा कि वो है ही नहीं सिरे से, या तो वो एरर देगा, कुछ ना कुछ करेगा बाहर। तो नेटिव कंपोनेंट सारे कंपोनेंट हैं। अब इन नेटिव कंपोनेंट में ना क्लासिफिकेशन है, एक है कोर कंपोनेंट जो आपको इंस्टॉल नहीं करने पड़ते, पहले से होते हैं। रिएक्ट में भी ऐसे ही होता है, रिएक्ट के कुछ कंपोनेंट पहले से होते हैं, लेकिन कुछ कंपोनेंट आप थर्ड पार्टी लाइब्रेरी से भी कर लेते हैं, है ना? रिएक्ट बूटस्ट्रैप या आप रिएक्ट का जो मटेरियल यूआई के ज़रिए, ठीक है, या ख़ुद का भी आप कंपोनेंट बना के उसको दूसरी फाइल में बनाते हैं, इंपोर्ट करते हैं, इधर लगाते हैं, ठीक है? तो कुछ कंपोनेंट जैसे कि डिव, इमेज, H1 से लेके 6 तक और पैराग्राफ, ये सारे जो हम रिएक्ट में लिख रहे होते हैं, ये HTML तो नहीं होता, ये होता है रिएक्ट के कंपोनेंट, लेकिन ये पहले से मौजूद होते हैं और उसको हम क्या कहते हैं, रिएक्ट के कोर कंपोनेंट कहते हैं। अब रिएक्ट नेटिव में तमाम कंपोनेंट नेटिव कंपोनेंट होंगे, तमाम कंपोनेंट कंपाइल टाइम पर ट्रांसलेट होंगे, लेकिन उसमें अब दो क्लासिफिकेशन है, एक है कोर कंपोनेंट जो आपने इंस्टॉल नहीं करना है, वो पहले से होंगे उसके अंदर, एक होंगे जो आप थर्ड पार्टी से करके लाएंगे, तो वो अभी आगे बता रहे हैं। रिएक्ट नेटिव ऑल्सो लेट्स यू बिल्ड योर ओन नेटिव कंपोनेंट फॉर एंड्रॉयड एंड आईओएस टू सूट योर ऐप बेटर। कह रहे हैं कि आपको ये भी ऑप्शन देते हैं हम कि ये नेटिव कंपोनेंट जो हमने लगाए हुए ना कोर में, वो तो हमने बना दिए, लेकिन आप कोई ऐसा कंपोनेंट बनाना चाह रहे हैं, इमेजिन करो कि आज रिएक्ट, आज एंड्रॉयड के अंदर कोई नया कंपोनेंट इंट्रोड्यूस हो जाए, मिसाल के तौर पे आईफोन में अभी हुआ है नया कंपोनेंट इंट्रोड्यूस, क्या है वो आइलैंड जो ऊपर है, हाँ वो अबे अभी जो मुन्ना नया आया है इसमें क्या नाम है उसका, क्या आइलैंड नाम है कुछ, डायनेमिक आइलैंड, राइट। अब डायनेमिक आइलैंड को हैंडल करने के लिए, ये डायनेमिक आइलैंड में ऐसे बना हुआ आ रहा है, अब मुझे मिसाल के तौर पे अपनी ऐप के अंदर ना डायनेमिक आइलैंड में कोई चीज़ दिखानी है, ऐसे दिखाना है, ठीक है? तो ये एक नया कंपोनेंट है ऑब्वियसली, ये मिसाल के तौर पे अगर आज डायनेमिक कंपोन ये लॉन्च हुआ है, तो ये थोड़ी रिएक्ट नेटिव के अंदर मौजूद होगा। तो आप अपना खुद का कंपोनेंट भी बना सकते हैं, मिसाल के तौर पर आपको आईओएस आती है, ये आप लोगों की बात नहीं हो रही, जिनको आईओएस या एंड्रॉयड आती है उनकी, या दोनों आती है उनकी बात हो रही है। अब वो क्या करेंगे, वो लोग डायनेमिक आइलैंड का, क्योंकि देखो
नेटिव कंपोनेंट क्या है असल में? नेटिव कंपोनेंट असल में ये है कि आप एक कंपोनेंट डिफाइन करते हैं और उसके कॉरेस्पॉन्डेंस में iOS में क्या कोड होता है वो लिख देते हैं, और एंड्रॉयड में उसके कॉरेस्पॉन्डेंस में क्या कोड होता है वो लिख देते हैं। यही है ना, जो रिएक्ट का कंपोनेंट लिखेगा बंदा, उसमें मिसाल के तौर पर डायनेमिक आइलैंड में दो स्पॉट्स होते हैं, स्पॉट वन स्पॉट टू। स्पॉट वन में एक फ़ोटो दिखती है, स्पॉट टू में एक फ़ोटो दिखती है, और स्पॉट वन और स्पॉट टू दोनों के क्लिक पे दो दो एक एक एक्शन होता है। तो अब जो मेरा ये कंपोनेंट बनेगा रिएक्ट का, ये चार पैरामीटर वाला कंपोनेंट होगा, है ना। चार प्रॉप्स लेंगे इसमें हम इनपुट, और चारों प्रॉप लेके iOS में वो कैसे दिखता है और एंड्रॉयड में कैसे दिखता है उसके मैं कंपोनेंट बना दूंगा। अच्छा, डायनेमिक आइलैंड के केस में ये है कि वो सिर्फ iOS में, एंड्रॉयड में वो है नहीं, है ना। तो उसमें क्या होगा, ये सिर्फ iOS का बनेगा ये नेटिव कंपोनेंट, और इसको मैं जब इस्तेमाल करूँगा तो इफ़ लगा के करूँगा कि इफ़ प्लेटफॉर्म इज़ iOS तो ये लगाओ, एंड्रॉयड वाले में उसको वो इग्नोर करेगा। सही है। तो असल में ये जो नेटिव कंपोनेंट है ये क्या है, ये एक रिएक्ट का कंपोनेंट बनेगा। चार पैरामीटर लूँगा मैं यूज़र से, उस पैरामीटर को मैं पास करूँगा वो जो नेटिव कोड है उसमें पास करूँगा, क्योंकि जाहिर है जिसने डायनेमिक आइलैंड लॉन्च किया है iOS वालों ने, तो SDK उसी दिन अपडेट हो जाता है, उससे बल्कि एक महीने पहले से हुआ हुआ होता है डायनेमिक आइलैंड, ठीक है। तो वो तो उन्होंने तो कोड बता दिया कि भाई हमारे नेटिव में ऐसे चलता है, आपने वो कोड लिख देना है, उसमें ये चारों के चारों प्रॉप्स पास कर देने हैं। डॉक्यूमेंटेशन में ये लिख देना है कि अच्छा पहले प्रॉप में ये चीज़ पास कर सकते हैं, यानी इमेज का URL, सही है। दूसरे में आप एक फंक्शन पास कर सकते हैं जो ऑन प्रेस पे उसके चलेगा, इस तरह से आपने डॉक्यूमेंटेशन बनाया। तो दिस इज कॉल्ड नेटिव कंपोनेंट। वो नेटिव कंपोनेंट आपने कहाँ पे पब्लिश कर देना है, नेटिव डायरेक्टरी के अंदर। तो उसको आप खुद या आप जैसे और डेवलपर्स, उनके लिए वो पब्लिकली अवेलेबल हो जाएगा, कोई भी उसको डाउनलोड करेगा, जस्ट लाइक NPM से जैसे हम डाउनलोड करते हैं लाइब्रेरीज, NPM से उसको इंस्टॉल करेगा, है ना। रिएक्ट बूटस्ट्रैप को कैसे करते हैं, जस्ट लाइक दैट, इंस्टॉल करेगा, उससे वो कंपोनेंट इंपोर्ट करेगा, उसको प्लेस करेगा, चलना शुरू हो जाएगा। सही है। तो दिस इज कॉल्ड नेटिव। तो इसमें नेटिव डायरेक्टरी के नाम से जो है ना ये पूरा इन्होंने बनाया हुआ है, आओ देख लेते हैं। ये मैंने क्या कर दिया, नेटिव डायरेक्टरी, हाँ खुल गया। ये है इनकी नेटिव डायरेक्टरी, एक्सपो लोकलाइजेशन, रिएक्ट नेटिव री एनिमेटेड। अब देखो ये दिखता कैसा है वो भी दिखा रहा है। ये मूव का बटन दबाऊंगा तो ये एनिमेट होके मूव करेगा, iOS में ये इस तरह का दिख सकता है, ठीक है। विजन कैमरा करके एक है, पूरा कैमरा दिखेगा एक्चुअली इसके अंदर। ठीक है, ये एक नेटिव कंपोनेंट है। अच्छा, इसको प्यार से प्लगइन भी कहते हैं, नहीं वैसे ये नेटिव कंपोनेंट है। सही है। तो अब इस तरह के ना यहाँ पे चीज़ें मौजूद हैं, अब इसको हम ज़्यादा एक्सप्लोर फिलहाल नहीं करेंगे, बस हम एक दो का रिएक्ट नेटिव UI लिब। सही है, UI की लाइब्रेरी है जिसके अंदर कुछ एडवांस किस्म के UI की चीज़ें मौजूद हैं, कुछ हर तरह के बटन वटन बना के दिखाए हैं इसने। अब देखने की बात यहाँ पे क्या है, देखने की बात यहाँ पे ये है कि हर नेटिव कंपोनेंट के साथ ये मेंशन हुआ है कि ये नेटिव, जैसे अभी मैंने जिक्र किया कि अगर डायनेमिक आइलैंड का कोई नेटिव कंपोनेंट बनेगा तो वो सिर्फ iOS के लिए होगा, वो एंड्रॉयड पे है ही नहीं। तो इसी तरीके से हर के ऊपर ना यहाँ देखो चेक लगा हुआ है कि ये एंड्रॉयड और iOS दोनों पे चलेगा, यानी इसमें जो भी हो रहा है अंदर, जैसे ये मैप लगाने का एक 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 नेटिव कंपोनेंट है ना, ठीक है, ये मैप लगाने के लिए बनाया हुआ है कि वो नेटिव जो ऐप इंस्टॉल है गूगल मैप की उसको उठा के ला के इधर दिखा रहा होगा। तो ये iOS और एंड्रॉयड दोनों पे चलेगा क्योंकि गूगल मैप दोनों पे हो सकता है। अच्छा, इसी तरह जो डायनेमिक आइलैंड होगा उसमें सिर्फ iOS पे चेक लगा होगा, एंड्रॉयड उसमें नहीं होगा। अच्छा, इसी तरीके से कुछ कंपोनेंट में आप देखेंगे कि एक्सपो गो का भी जिक्र है। ये वो कंपोनेंट है कि अगर आप एक्सपो पे अपनी ऐप बना रहे हैं तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जिसके ऊपर एक्सपो गो नहीं लिखा हुआ है उसके ऊपर आप एक्सपो पे
एक्सपो गो पे वो काम नहीं करेगा, इसका सीधा सा मतलब ये है, है? इसका कोई हल नहीं है। अच्छा वैसे तो अभी ज़्यादातर जो लाइब्रेरी है उसमें एक्सपो पे सपोर्टेड है वो जो ज़्यादातर है। वेल अभी ये आपको आहिस्ता आहिस्ता खुद ही आइडिया हो जाएगा जब आप चलाएंगे तो, कि कौन सी चीज़ अवेलेबल है कौन सी चीज़ नहीं है। हाँ टाइप स्क्रिप्ट जो है ना उसका हल ये है कि आपको जितनी आती है टाइप स्क्रिप्ट, आप जावा स्क्रिप्ट अगर प्लेन भी लिखेंगे टाइप स्क्रिप्ट तो वो एरर नहीं है, ठीक है। मैंने वैसे इसको सर्च किया था, उनके पास एक ही टेम्पलेट है जिसमें उन्होंने ये जिक्र किया है कि वो टाइप स्क्रिप्ट को फर्स्ट क्लास सिटीज़न का दर्जा दे रहे हैं रिएक्ट नेटिव के अंदर। फर्स्ट क्लास सिटीज़न का मतलब ये है कि उसको चलाने के लिए ना आपको कोई एडिशनल लाइब्रेरी नहीं करनी, कुछ भी नहीं करनी, आप बस फाइल में टीएस लिखेंगे और वो टीएस बन जाएगा, ठीक है। अदरवाइज टाइप स्क्रिप्ट के लिए काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ़िगरेशन वगैरह करनी पड़ती है, टीएस कॉन्फिग की फ़ाइल बनती है, फिर उसके बिल्ड की स्क्रिप्ट अलग होती है कि भाई पहले बिल्ड होगा फिर चलेगा, इस तरह के मामला होते हैं, तो वो सारा उन्होंने अंदर हैंडल कर लिया, तो उसको फर्स्ट क्लास सिटीज़न बना दिया। लेकिन फर्स्ट क्लास सिटीज़न होने का मतलब ये नहीं है कि आपने टाइप स्क्रिप्ट में ही लिखना है वो, ये मैंने कल देख लिया चेक करके, आप उसमें सिंपल जावा स्क्रिप्ट लिखेंगे ना। अच्छा बाय द वे एक और भी बात आप गौर से समझ लें, हमने जो जावा स्क्रिप्ट पढ़ी है ना इस क्लास में वो हमने टाइप स्क्रिप्ट वाली पढ़ी है, नई वाली, सही है, ES6 पढ़ी है ना हमने। तो असल में टाइप स्क्रिप्ट तो आज से 10 साल तो नहीं, खैर हाँ नहीं 10 साल ही हो गया, 2010-11-12 में शायद इन्होंने पहला अपना वर्जन किया था, उस टाइम पता नहीं था किसी को, ये पता चला है लोगों को 2014-15 में जाके कि अच्छा यार टाइप स्क्रिप्ट ज़रूरी है, क्योंकि शुरू शुरू में बिल्कुल नया था वो। तो 2012 में इस तरह कुछ इन्होंने पहला वर्जन लॉन्च किया था। तो उस वक्त 2015 के वक्त में जो जावा स्क्रिप्ट जो थी किसी भी ब्राउज़र में ES6 सपोर्ट नहीं था। अब लोग चाहते थे हम ES6 का कोड लिखें नया वाला, जावा स्क्रिप्ट का जो पुरानी वाली जावा स्क्रिप्ट है वो बहुत वाहियात है, उसके अंदर वेरिएबल इतने अलग तरीके से बिहेव करते हैं कि अभी आपको मैं वो बताऊंगा तो आपको समझ ही नहीं आएगा कि ये क्या हो रहा है। डिक्लेयर बाद में होगा चलेगा, पहले हर जगह अवेलेबल हो जाता है, फिर वेरिएबल की कोई प्राइवेसी नहीं है, जो अंदर बना है बाहर बना है सब एक ही है, सारे ग्लोबल वेरिएबल हैं, तो बहुत डिफरेंट था, तो लोगों को ना ये बड़ा वो होता था। अच्छा ये वो टाइम बता रहा था मैं, 2015 का टाइम वो टाइम था कि वेब एप्लीकेशन सारी जावास्क्रिप्ट पे आ रही थी। आपको पता है 2015 से पहले वेब एप्लीकेशन जावास्क्रिप्ट पे नहीं थी। ये अभी एक सवाल है कि किस पे चलती थी वेब एप्लीकेशन, .NET पे चलती थी, और भी थे फ्रेमवर्क बहुत सारे थे, लेकिन जावास्क्रिप्ट नहीं थी। जावास्क्रिप्ट बहुत मिनिमल इस्तेमाल करते थे, बस UI के ऊपर बटन के क्लिक पे ना ऑन क्लिक पे किया हो बस इतने तक, इस हद तक था, इससे ज़्यादा जावास्क्रिप्ट इस्तेमाल लोग बचते थे जावास्क्रिप्ट से, लोग कहते थे बस इससे बचो जितना हो सकता है। तो .NET के ऊपर सारी बिजनेस लॉजिक पीछे C# में होती है या जो भी उनकी लैंग्वेज है उसमें होती है, वहाँ से वो पूरा पेज बना के भेजता है। राउटिंग तो सारी ख़त्म हो गई ना, जब पेज पूरा वो बना के भेज रहे हैं वहाँ से हर रिक्वेस्ट के ऊपर, तो राउटिंग तो होगी नहीं उसके अंदर। तो अभी ये जो कुछ भी हम कर रहे हैं ये अभी की पैदावार है, ये पहले नहीं हुआ करता था। पहले सिंगल पेज वो बना के भेजता था और सिंगल पेज में ऊपर वो पांच जो बटन बने हुए ना, पांच अलग अलग पेजेस के, उसको क्लिक करने से वो पूरा रिफ्रेश होता था। तो राउटिंग कुछ नहीं थी, बस वो एक URL हुआ करता था, उस पर सारा गेम चलता था। इसी तरह फिर PHP पे लिखा जाता था, तो PHP पे यही था, PHP पे टेम्पलेटिंग इंजन हुआ करता था। जब एक्सप्रेस नई नई आई थी, एक्सप्रेस अभी की नहीं, एक्सप्रेस तो काफ़ी पुरानी है, एक्सप्रेस में भी अपना एक EJS नाम का इंजन था, जेड नाम का, उस पर करते थे लोग। मर्न स्टैक तो या मीन स्टैक तो बहुत बाद में डिवाइस किया उन्होंने, 2009 में एंगुलर फ्रेमवर्क जब 2009 में आया था तो उस वक्त मीन स्टैक इन्होंने बोला कि यार अच्छा ऐसे होना चाहिए, अच्छा REST API इसको प्रॉपर करो, REST API को तुम लोग सही से नहीं लिखते, ठीक है, क्लाइंट सर्वर को अलग अलग करो, फिर सारा लोड UI के ऊपर होना चाहिए, ये सारी चीज़ें ये एंगुलर वालों ने आके बताई थी हमें 2009 में, एंगुलर का फ्रेमवर्क जब आया था। फिर एंगुलर में कुछ ऐसे डिज़ाइन के प्रॉब्लम आ गए कि वो आउट ऑफ मार्केट हुआ, तो रिएक्ट उसकी जगह ले ली फॉरेन रिएक्ट ने, और अब उसी की लेगेसी को रिएक्ट आगे लेके चल रहा है, तो मामला काफ़ी डिफरेंट थे। तो ये 2015 वो टाइम था जब मीन स्टैक पे लोगों को बड़ा भरोसा हो गया था कि नहीं यार ये आइटम वो है जो चलेगा लॉन्ग टर्म में, यानी ये वाला जो आइटम है ना, ये फ्रंट एंड पूरा अलग से बनाओ और बैक एंड को बिल्कुल अलहदा रखो, तो लोगों को समझ आ गया कि ये करेगा काम, और काफ़ी एफिशिएंट किस्म की UI बनना शुरू हो गई थी उस पर जावास्क्रिप्ट पे। तो लोग ना नए लोग जावास्क्रिप्ट सीख रहे थे उस वक्त,
तो उनको बड़ा मसला होता था यार ये क्या बकवास है। तो वो बजाय जावा स्क्रिप्ट सीखने के माइक्रोसॉफ्ट ने उनको बना के दे दिया सुपर सेट ऑफ जावा स्क्रिप्ट टाइप स्क्रिप्ट के नाम से। वो कहते थे यार आपने, अच्छा माइक्रोसॉफ्ट ने ये क्यों किया ये भी एक समझने की बात है। उस वक्त ES6 ES7 का स्टैंडर्ड लिखा जा चुका था लेकिन फाइनलाइज नहीं हुआ था। आपको पता है ये जो मामलात होते हैं ना वर्जन वाले मामलात जो होते हैं, अच्छा जावा स्क्रिप्ट विथ एनी अदर डाउट, किसी को भी इस बात पे किसी की दो राय नहीं थी कि जावा स्क्रिप्ट एक लॉन्ग टर्म चलने वाली लैंग्वेज है। उस वक्त लोगों को ये बात समझ आ गई थी कि जावा स्क्रिप्ट अगले 20 साल तक लॉन्ग टर्म में कहीं भी नहीं जा सकती, इसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। गूगल ने बहुत जान लगाई कि किसी डार्ट वार्ट को किसी को उसकी जगह ले आए, ठीक है अभी भी लगा रहा है फ्लटर की सूरत में। वो फ्लटर असल में दूसरी तरफ से आया, गूगल ने टारगेट किया नेटिव डेवलपर्स को, क्या नेटिव डेवलपर्स के हिसाब से वो बना दिया और उनको बोला कि भाई अभी इसी लैंग्वेज में आप वेब एप्लीकेशन भी बनाओ। तो वो दूसरी तरफ से यानी बिला वजह रंग में भंग डालने वाली बात है ये, लेकिन वो कर रहा है भाई अपने कंपनी के लिए वो गूगल वाले। तो अल्टीमेट इनका जो गोल है ना वो जावास्क्रिप्ट को टक्कर दे, बोल नहीं रही है, बोलेंगे क्यों, बोल के थोड़ी करते हैं वो, तो आहिस्ता आहिस्ता उसको इंजेक्ट कर रहे हैं, इतना पैसा लगा रहे हैं फ्लटर के पीछे ये, तो उसका क्या रीज़न है, यही रीज़न है। तो वेल तो क्या चक्कर था ये, माइक्रोसॉफ्ट ने इस वजह से लिखा कि उस वक्त ES6 का और ES7 का इवन ES8 का भी स्टैंडर्ड लिखा जा चुका था कि यार ये होना चाहिए, क्योंकि इतनी सारी हज़ारों प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस मौजूद थी ना मार्केट में, स्टेट ऑफ द आर्ट सिंटैक्स लोगों को पता था। जो स्विफ्ट उस वक्त बन रही थी, नई नई आई थी स्विफ्ट, जो iOS वालों ने खुद की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाई थी ज़िंदगी में पहली बार, आईफोन की iOS की पहली अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं थी, ऑब्जेक्टिव सी को इस्तेमाल करते थे। तो उन्होंने ना बहुत रिसर्च करके और ये स्टेट ऑफ द आर्ट सिंटैक्स ये एरो फंक्शन सारा उसके अंदर ऐड किया था कि भाई एसिंक का वेट ऐसे लिखा जाएगा, इस तरह से लिखा हुआ तो अच्छा लगता है, इस तरह से लिखा हुआ तो रीडेबिलिटी होती है। फिर यही सारा काम उस C# वालों ने भी एक ज़माने से रिसर्च कर रहे थे। फिर C++ पे भी उन्होंने काफ़ी रिसर्च करके ना, जो C11 या पता नहीं C12 जो उस वक्त था स्टैंडर्ड नया, तो सारी जो मेन स्ट्रीम की लैंग्वेजेस थी उसमें ये स्टेट ऑफ द आर्ट सिंटैक्स जो था ना, ये एरो फंक्शन वगैरह और ये लेट करके फंक्शन बनाना, वो बनाना, ठीक है लेट कॉन्स्ट अलग अलग होगा, ये सब जगह आ चुका था। तो बहुत ऑब्वियस बात थी कि यही चीज़ें जावास्क्रिप्ट में भी आनी थी। तो इन्होंने ना फाइल किया बता एक्मा वालों को, एक्मा उसको कंट्रोल करता है, एक्मा नाम का ऑर्गेनाइजेशन है। अच्छा मसला ये है लेकिन उस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर इतने सारे हैं, सब लोगों को सेम पेज पे लाना कि अच्छा यार ये प्रपोजल तो आ गया ES6 का, लेकिन इस प्रपोजल को ES6 का स्टैंडर्ड रिलीज कब करें और कैसे करें। अब एक्मा के जितने मेंबर हैं सबको बुलाया जा रहा है, मोज़िला फायरफॉक्स वाले, गूगल क्रोम वाले, माइक्रोसॉफ्ट इटसेल्फ खुद, और भी जो छोटे छोटे और थे इनके बहुत सारे, कुछ बड़ी कंपनीज भी इनके साथ थी एक्मा में, अभी भी हैं। तो अब मिसाल के तौर पर अमेज़ॉन है, अमेज़ॉन जैसी बड़ी कंपनी अगर मौजूद है ना तो उसकी फिर इजाज़त के बगैर फिर आगे नहीं बढ़ पाता मामला, ठीक है। डिपेंड करता है ना कौन गोल्ड मेंबर है, कौन प्लेटिनम मेंबर है, कौन कितना माल दे रहा है कौन कितना, मतलब जाहिर है क्योंकि इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन पैसों से चलती है, तो जो सबसे ज़्यादा पैसे दे रहा है वो प्लेटिनम मेंबर है, तो प्लेटिनम मेंबर की इजाज़त के बगैर कैसे रिलीज़ हो जाएगा। तो माइक्रोसॉफ्ट ने बोला कि भाई ये तो करेंगे बहुत लंबा इंतज़ार करवाएंगे, मैं ये करता हूँ कि एक नई लैंग्वेज बना देता हूँ टाइप स्क्रिप्ट, जिसमें लिखेंगे वही नया वाला कोड जो ऑलरेडी हमने प्रपोजल भेजा हुआ है, उन्होंने भेजा था, पता नहीं किसने भेजा था, ये तो खैर 3-4 ने मिलकर ही बनाया होगा। तो उन्होंने बोला भाई हम एक नई लैंग्वेज बना देते हैं जिसमें कोड लिखा जाएगा ES6 ES7 और ES8 का, और उसको ट्रांसपाइल कर देंगे हम पुरानी वाली जावास्क्रिप्ट में, क्योंकि परफॉर्मेंस का तो मसला था ही नहीं, परफॉर्मेंस का मसला नहीं था, ऐसा नहीं था कि पुरानी जावास्क्रिप्ट में परफॉर्मेंस का कोई इशू था, परफॉर्मेंस सही थी बिल्कुल, मसला ये था कोड लिखने और पढ़ने का कि भाई कोड रीडेबल नहीं है, कोड लिखने में मसला हो रहा है। अगर वेरिएबल को एक खास जगह पर डिक्लेयर करें तो सही चलता है, किसी गलत जगह डिक्लेयर कर दें तो वो ग्लोबल हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह की प्राइवेसी वगैरह वाली चीज़ें, तो मसला असल में परफॉर्मेंस का तो था ही नहीं, क्योंकि गूगल उस वक्त तक V8 का इंजन लिख चुका था, गूगल क्रोम में V8 का इंजन आ चुका था जो उस वक्त का सबसे फास्टेस्ट इंजन था, और उसके आने के बाद ही इन्होंने एंगुलर वगैरह का फ्रेमवर्क और ये सारा लिखा था। यानी गूगल का एक एम्प्लॉय था, उसने रियलाइज़ कर लिया था कि अच्छा यार जावास्क्रिप्ट इतनी फास्ट हो गई तो फ्रंट एंड पूरा इस पर होना चाहिए, तो परफॉर्मेंस का तो इशू सॉल्व हो चुका था, सिर्फ लिखने का मसला था। तो उसने बोला लो भाई ये आ गई एक नई लैंग्वेज, इसमें लिखो कोड, नया वाला लिखो। तो सारे जो उस वक्त के नए सीखने वाले थे ना, जो जावास्क्रिप्ट फौरन फौरन सीख रहे थे, वो सारे के सारे टाइप स्क्रिप्ट सीखना शुरू हो गए, ताकि उनको वो
जावास्क्रिप्ट के ना रैबिट होल में ना जाना पड़े कि अच्छा यार इसमें चीज़ें अलग क्यों हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से वो बहुत अच्छा चला, टाइपस्क्रिप्ट को बड़ी पजीराई मिली। जितनी उस वक्त की लाइब्रेरीज थी सब ने टाइपस्क्रिप्ट की सपोर्ट देना शुरू कर दिया आहिस्ता आहिस्ता। टाइपस्क्रिप्ट वालों ने खुद भी ये काम क्या करना शुरू कर दिया कि एक ऐट द रेट टाइप करके अपनी रिपोजिटरी बना दी, और जो मेन स्ट्रीम की लाइब्रेरीज थी ना और जो नहीं देना चाह रही थी टाइपस्क्रिप्ट का सपोर्ट, उन्होंने क्या किया उसकी टाइपिंग खुद लिखना शुरू कर दी, या ओपन कर दिया कि यार कोई भी लिखो हमें भेजो हम उसको पब्लिश कर देंगे। तो टाइपिंग की एक लाइब्रेरी पूरी बना दी उन्होंने कि भाई चलो भाई कोई ऐसी जैसे मोंगोज है अब वो टाइपिंग नहीं दे रहा आपको, ठीक है, तो आप उसको क्या करोगे, जैसे एक्सप्रेस है वो टाइपिंग नहीं दे रहा, तो टाइप्ड एट द रेट टाइपिंग स्लैश एक्सप्रेस, वहाँ से टाइपिंग आ जाएगी पूरी। अब वो टाइपिंग क्या होती है, वो टाइपस्क्रिप्ट स्पेसिफिक चीज़ है, वो आपने जिसने टाइपस्क्रिप्ट नहीं पढ़ी उसको समझ नहीं आ रहा होगा। तो वो उसमें नया वाला पूरा सिंटैक्स था। अच्छा, लेकिन अब 2022 में हमने पढ़ा है, अभी तो 23 शुरू हो गया, 2022 में हमने जावास्क्रिप्ट पढ़ी है, तो 2022 तक तकरीबन तमाम जो ब्राउज़र्स हैं मेन स्ट्रीम के उसमें ES6 की पूरी सपोर्ट आ चुकी है और ES7 की भी थोड़ी बहुत आ गई है, जिसमें एसिंक का वेट है, आपका जो ट्राई कैच है, क्लास का कीवर्ड है, गो के हमने क्लास वाली चीज़ पढ़ी नहीं है लेकिन क्लास का कीवर्ड भी अब शामिल हो चुका है, ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की फुल सपोर्ट आ गई है सब जगहों पर। तो इसलिए अब हमें टाइपस्क्रिप्ट की असल में ज़रूरत नहीं है। अब इन्होंने टाइपस्क्रिप्ट क्यों दिया, ये मैं सोच रहा था कि इन्होंने क्यों दिया, वो इन्होंने इसलिए दिया है लोगों को कंफर्टेबल करने के लिए कि जिस बंदे ने मिसाल के तौर पर 2015 में टाइपस्क्रिप्ट सीख ली थी, अच्छा उसको ये नहीं पता है कि वो जावास्क्रिप्ट सेम ही चीज़ है अब, ठीक है, तो वो कह रहा है यार नहीं मुझे टाइपस्क्रिप्ट की सपोर्ट चाहिए, तो उसको कंफर्टेबल करने के लिए कि भाई टाइपस्क्रिप्ट में लिखो आप या जावास्क्रिप्ट में लिखो बात ही की है। अंदर उन्होंने करना क्या, एक छोटा सा एक उनका कंपाइलर है वो लगाना है कि अगर TS की फाइल है तो कंपाइलर से गुजार के चलाओ वरना डायरेक्ट चला दो, दैट सिंपल। तो इसलिए इन्होंने टाइपस्क्रिप्ट का जिक्र यहाँ पे किया हुआ है कि भाई जो टाइपस्क्रिप्ट का दिमाग में जिसके हुआ बैठ गया ना कि नहीं यार टाइपस्क्रिप्ट ही सही होती है, जावास्क्रिप्ट तो सही नहीं होती, ठीक है। हालांकि बात ये थी कि जावास्क्रिप्ट में सपोर्ट नहीं आई थी उस वक्त जो हम टाइपस्क्रिप्ट में उस वक्त लिख रहे थे, ठीक है। अब अगर आप मेरी आज से 4-5 साल पुरानी रिपोजिटरीज स्क्रॉल करेंगे गिटहब में जाके मेरे, तो वहाँ पे टाइपस्क्रिप्ट की कुछ फाइल मिलेगी आपको, तो उस टाइपस्क्रिप्ट की फाइल को आप जब खोल के देखेंगे ना तो उसमें वही कोड लिखा हुआ है जो अभी हम डायरेक्ट MJS की फाइल में लिखते हैं, ठीक है, वही सारा कोड है, ठीक है। उस वक्त डायरेक्ट आप MJS की एक तो फॉर्मेट ही नहीं था उस वक्त, तो बाद में अभी आया है MJS तो, ठीक है, और उस वक्त सपोर्ट वपोर्ट नहीं करता था, बड़ा मसला करता था। अच्छा जी, तो हमने अभी तक क्या देख लिया है, हमने ये देख लिया कि नेटिव डायरेक्टरी में ना कुछ हमारे पास बना के इन्होंने रखे हुए रिएक्ट नेटिव के कंपोनेंट्स, हम वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, अब आगे आ जाते हैं कोर कंपोनेंट जो है ना वो कौन कौन से हैं और क्या चक्कर है उसका। रिएक्ट नेटिव हैज मैनी कोर कंपोनेंट्स फॉर एवरीथिंग फ्रॉम कंट्रोल्स टू एक्टिविटी इंडिकेटर्स, यू कैन फाइंड देम हेयर। ये API सेक्शन में इन्होंने पूरी एक लिस्ट बनाई हुई है। यू विल मोस्टली वर्क विद द फॉलोइंग कोर कंपोनेंट्स, कह रहे हैं कि कुछ हमने यहाँ पे लिस्ट बना दी है, बाकी इस जगह पे आप जाके पूरी एक लंबी लिस्ट है वो आप देख लो। अच्छा, रिएक्ट में हमें आमतौर पे ये डॉक्यूमेंट इस तरह की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि रिएक्ट में हम कॉरेस्पॉन्डेंस कर लेते हैं कि अच्छा जो HTML में वही रिएक्ट में, लेकिन यहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि HTML तो हमने पूरी पढ़ी हुई थी ना अलग से। अब अगर किसी ने अगर एंड्रॉयड पूरा पढ़ा हुआ है तो उसको इसकी डॉक्यूमेंट वो उसको बाई डिफॉल्ट अच्छा यार जो जो एंड्रॉयड में होता है सब इसमें, ठीक है, लेकिन आपको शायद इसकी ज़रूरत पड़े। अच्छा, तो रिएक्ट नेटिव का जो कंपोनेंट होगा व्यू, अच्छा जब ये एंड्रॉइड में ट्रांसलेट होगा तो ये व्यू ग्रुप में ट्रांसलेट होगा, iOS में ये UI व्यू में ट्रांसलेट होगा। वेब एनालॉजी, वेब में तो ये होगा नहीं लेकिन एनालॉजी बताया कि भाई अ नॉन स्क्रॉलिंग डिव, ऐसा डिव जिसका कंटेंट बढ़ेगा भी तो वो स्क्रॉल नहीं होगा, नॉन स्क्रॉलिंग है। डिस्क्रिप्शन में इसके लिखा है कि कंटेनर दैट सपोर्ट लेआउट विथ फ्लैक्स बॉक्स, अच्छा इस पर डिस्प्ले फ्लैक्स पहले से लगा हुआ होता है, सही है, लगाना नहीं पड़ता हमें, लेकिन डिस्प्ले फ्लैक्स में भी कुछ अजीब वाहियात चीज़ें हुई भी होती हैं, वो अभी आप करेंगे तो पता चलेगा आपको। डिस्प्ले फ्लैक्स का जो डायरेक्शन है ना वो बाय डिफॉल्ट कॉलम हुआ हुआ होता है, ठीक है, रो नहीं हुआ हुआ होता, कॉलम हुआ हुआ होता है। अब इन्होंने ये ऐसा क्यों किया है, जानबूझ के किया है बाय द वे मेरे हिसाब से, लेकिन अच्छा बाय द वे रिएक्ट के अंदर भी अगर हम कोई चीज़ लिखते हैं बगैर फ्लैक्स बॉक्स लगाए हुए तो वो बाय डिफॉल्ट कॉलम में ही आ रहा होता है उसका जो डायरेक्शन होता है, तो मे बी शायद इस वजह से किया हो, या मे बी जो
एंड्रॉयड के जो नेटिव कंपोनेंट हैं उनको जब हम लिखते हैं तो उसमें डिस्प्ले, अच्छा क्योंकि फ्लैक्स बॉक्स जो है ना ये डिज़ाइन सिस्टम है, ये सिर्फ वेब में नहीं है, ये एंड्रॉयड iOS दोनों में मौजूद है, ठीक है। ये फ्लैक्स बॉक्स जो है, क्योंकि ये तो डिज़ाइन वाली चीज़ है, ये इसकी इम्प्लीमेंटेशन है जो हम CSS में लिख रहे होते हैं, यही फ्लैक्स बॉक्स इम्प्लीमेंट हुआ है एंड्रॉयड में भी। अच्छा उसमें मुझे नहीं पता कि उसमें लाइब्रेरी लेवल पे है या नेटिव लेवल पे है, ये मुझे नहीं पता। जैसे अभी CSS में तो नेटिव है ना, इंस्टॉल नहीं करना पड़ता। बाय द वे CSS में भी पहले हम इंस्टॉल करते थे, आज से 3-4 साल पहले तक फ्लैक्स बॉक्स यानी 2017 से पहले तक उसमें लिखा हुआ भी था उन्होंने, हम इसको एज अ लाइब्रेरी इस्तेमाल करते थे फ्लैक्स बॉक्स को। लाइब्रेरी जब तक इंस्टॉल नहीं करो फ्लैक्स बॉक्स काम नहीं करता था, अब उन्होंने CSS का पार्ट बना दिया। तो एंड्रॉयड और iOS में भी इसको लाइब्रेरी की सूरत में यूज़ किया जा सकता है। अब आई एम नॉट श्योर कि मे बी उन्होंने भी नेटिव पार्ट बना दिया हो या ना बनाया हो, ये मुझे नहीं पता। अच्छा क्या कर सकते नहीं, फ्लैक्स बॉक्स को तो करना पड़ता है ना, फ्लैक्स बॉक्स को बताना पड़ता है कि ग्रो कितना करे वो, गैप कितना ले, ठीक है, जस्टिफाई कॉन्टेंट में क्या करे वो, ये सारी चीज़ें बतानी पड़ती हैं। मीडिया क्वेरी बिल्कुल आपको लगानी पड़ेगी इसमें, जब डिफरेंट स्क्रीन साइजेस की बात आएगी तो। अच्छा तो दैट सपोर्ट लेआउट विद फ्लैक्स बॉक्स स्टाइल सम टच हैंडलिंग एंड एक्सेसिबिलिटी कंट्रोल्स। अब देखो ये वाली जो इसने बात की है ना, ये नेटिव ऐप में ना ये सारी चीज़ें होती हैं, वेब में हमें इतना इन चीज़ों का शायद अंदाज़ा नहीं हो पाता कि स्टाइल तो चलो करते हैं हम वेब में भी, सम टच हैंडलिंग। अब टच हैंडलिंग का चक्कर ये है कि वेब एप्लीकेशन में तो होता है क्लिक, कि ऑन क्लिक, ऑन की अप, ऑन माउस डाउन, ऑन माउस अप, ये वाला होता है। मोबाइल ऐप आमतौर पर टच के लिए बने हुए होते हैं, तो टच के अंदर ना थोड़े अलग तरह की चीज़ें होती हैं। मिसाल के तौर पर लॉन्ग टच, किसी टच करके मैं लॉन्ग रखूँ तो क्या हो, सही है, इस तरह की चीज़ें वो वेब में बाई डिफ़ॉल्ट नहीं होती, करनी पड़ती हैं लाइब्रेरी के थ्रू, इसमें ये बाई डिफ़ॉल्ट होती हैं। तो ये कुछ टच हैंडलिंग इस तरह की जो होती है ना बेसिक किस्म की, वो इसमें मौजूद है। अच्छा कुछ एक्सेसिबिलिटी कंट्रोल्स, अच्छा एक्सेसिबिलिटी कंट्रोल वेब में भी होता है लेकिन वो हमने बहुत ज़्यादा कवर नहीं किया, हमने जस्ट ये देखा कि अच्छा इमेज लगाओ तो अल्टरनेट का टेक्स्ट लगा दो, दैट्स इट। लेकिन मोबाइल ऐप में ना ये एक्सेसिबिलिटी के जो कंट्रोल्स हैं ये बहुत ज़्यादा क्रूशल हैं, ये बहुत ज़्यादा क्रूशल इस वजह से हैं क्योंकि कंप्यूटर तो हर बंदा यूज़ नहीं करता, लेकिन मोबाइल हर बंदा यूज़ करता है, और अगर आप कोई चीज़ मोबाइल ऐप की सूरत में पब्लिश कर रहे हैं तो अच्छा फिर ऐप कोई भी बंदा अगर खोलेगा और उसमें ये एक्सेसिबिलिटी के कंट्रोल्स अगर नहीं है, और वो बंदा मिसाल के तौर पर विजुअली इम्पेयर्ड है या इस तरह का कोई मामला है उसके साथ, तो वो बड़ा मसला होगा। अच्छा इसी तरह जैसे उस दिन मैं आपको दिखा रहा था कि फ़ोन की सेटिंग में जाके टेक्स्ट का साइज़ बड़ा छोटा हो जाता है, अब वो टेक्स्ट का साइज़ बड़ा या छोटा होने की सूरत में मेरी पूरी UI उसको कैसे रिएक्ट करती है उसके ऊपर, ठीक है। वेब में ये काम हम कैसे करते हैं, भाई नहीं भाई EM के ज़रिए, ठीक है, EM के ज़रिए हम देते हैं कि जो टेक्स्ट का साइज़ है ना उसके कॉरेस्पॉन्डेंस में हम हर चीज़ की विड्थ हाइट बता रहे होते हैं, अगर हमें ये वाली फैसिलिटेट करना है इस चीज़ को लेकर। तो इसी तरीके से बहुत सारे एक्सेसिबिलिटी वाली चीज़ें हैं वेब में हम करते हैं, वो सब चीज़ें हैं, ठीक है, लेकिन वो हम जुगाड़ वगैरह से, मतलब जैसे EM का नाम तो EM है ना, उसका नाम ये थोड़ी है कि टेक्स्ट एक्सेसिबिलिटी, ये नाम तो नहीं है ना उसका, तो वो तो EM करके हम साइज़ दे देते हैं कि अच्छा यार ये रिलेटिव है, टेक्स्ट के साइज़ से रिलेटिव है। अब उसका बेनिफिट क्या है वो तो कहीं डिस्कस भी नहीं करते लोग, जहाँ पे EM बता रहे होते हैं ना वहाँ पे ये बोलते भी नहीं है कि कभी विजुअली इम्पेयर्ड होगा या, अच्छा विजुअली इम्पेयर्ड का मतलब ये नहीं होता कि बिल्कुल ब्लाइंड हो बंदा, मोस्ट ऑफ द टाइम उसको नज़र आ रहा होता है लेकिन छोटी चीज़ें नज़र नहीं आ रही होती, उसको भी विजुअली इम्पेयर्ड कहते हैं। जिसको चश्मा लगा हुआ है वो भी एक कैटेगरी है विजुअली इम्पेयर्ड की, ठीक है, ये भी एक लेवल ऑफ इम्पेयर्ड है ये। तो वो टेक्स्ट का साइज़ अगर बड़ा कर रहा है वो, तो और आपकी पूरी UI ब्रेक हो जाती है तो फिर मसला है। लेकिन जहाँ पे ये EM का जिक्र होता है ना वहाँ पे कहीं पे भी ये बात आपको नहीं मिलेगी कि ये इसमें काम आ सकता है, वो आपको खुद अंडरस्टैंड करना होता है। यही वजह है कि HTML में जो एक्सेसिबिलिटी लिखने वाले लोग हैं वो डेवलपर और डिज़ाइनर दोनों से ज़्यादा चार्ज करते हैं, ठीक है, 300 तो स्टार्टिंग प्राइस होगी, तो $300 घंटे के वो चार्ज करते हैं, लेकिन वो काम भी उतना ही खुशका काम है, डिफरेंट डिवाइसेस पे उसको टेस्ट भी करना पड़ता है। फिर एक्सेसिबिलिटी में क्या क्या होता है आपको पूरे वो बहुत लंबी कहानी है। इमेजिन करो कि आपको एजम्पशन करनी होती है कि आप विजुअली इम्पेयर्ड हैं और आपने पूरा फ़ोन यूज़ करना है,
ठीक है। अब वो उन क्योंकि आपको पता है जो विजुअली इम्पेयर्ड लोग होते हैं या डेफ होते हैं उनकी पढ़ाई पूरी अलग होती है। विजुअली इम्पेयर्ड जो होते हैं उनको ब्रेल में पढ़ाया जाता है, ब्रेल में उनकी बुक्स किताबें कॉपियाँ लिखने का जो सारा आइटम होता है वो ब्रेल में होता है। तो फिर आपको वो पूरा उनकी वाली एजुकेशन पूरी आपके पास होनी चाहिए, उनकी वाली पूरी एजुकेशन होगी तब तो आपको पता होगा ना कि अच्छा किस चीज़ को वो समझ पा रहा है किस चीज़ को नहीं समझ पा रहा। अब जी की चड़िंग पड़िंग टूं टां से भी बहुत कुछ समझते हैं वो लोग, समझ रहे हो? मतलब किसी बटन को दबाने से अगर टी आवाज़ आ रही है, टां आवाज़ आ रही है, टूं आवाज़ आ रही है, समझ रहे हो? इसका इसका मीनिंग होता है विजुअली इम्पेयर्ड लोगों के लिए। अब हमें तो पता ही नहीं, तो जो एक्सेसिबिलिटी वाला HTML लिख रहा है उसको वो पूरी एजुकेशन होनी चाहिए उसके पास कि वो डेफ को टारगेट कर रहा है या वो किसी विजुअली इम्पेयर्ड को कर रहा है। सही है, साइन लैंग्वेज उसको पता होनी चाहिए कि साइन लैंग्वेज में क्या होता है। वैसे तो ऐप में साइन लैंग्वेज का लेना देना नहीं है कोई, तो क्या कहते हैं फिर, अब बहुत लंबी है वो कहानी है भाई दादा, ठीक है? तो लंबी कहानी है, लंबी मेहनत है, तो पैसे भी लंबे हैं। जिस चीज़ में जितनी ज़्यादा मेहनत होती है पैसे उतने ज़्यादा होते हैं भाई। अच्छा, तो अगला हमारा जो ये कंपोनेंट है रिएक्ट नेटिव का, जो कोर कंपोनेंट है वो टेक्स्ट है। जस्ट टेक्स्ट है कैपिटल टी से। ये ट्रांसलेट होगा टेक्स्ट व्यू में, ये ट्रांसलेट होगा UI टेक्स्ट व्यू में आईफोन के अंदर, और पैराग्राफ की इक्वल इसको आप समझ सकते हैं, है नहीं पैराग्राफ की इक्वल, एनालॉजी बता रहा है कि इसके इक्वल आप समझ सकते हैं। हाँ, जब वो चलेगा तो खुद ही कन्वर्ट करेगा, ठीक है? पैराग्राफ समझ सकते हैं, है नहीं पैराग्राफ ये, ना ये पैराग्राफ की तरह बिहेव करेगा, कुछ चीज़ें इसकी अलग होंगी पैराग्राफ से। अच्छा, क्या इसकी डिस्क्रिप्शन है? डिस्प्लेज स्टाइल एंड नेस्ट स्ट्रिंग ऑफ टेक्स्ट एंड इवन हैंडल टच इवेंट्स। अब देखो जहाँ पे इसने नेस्ट लिखा हुआ है ना, इसका मतलब है कि एक टेक्स्ट के अंदर एक और टेक्स्ट हो सकता है। जहाँ पे ये नेस्ट नहीं लिखा हुआ है, नेस्टेड का ऑप्शन जिक्र नहीं है, उसका मतलब है वहाँ पे आप नहीं कर सकते, ठीक है? हाँ, यहाँ पे देखो इन्होंने जिक्र नहीं किया, वेल लगा कर देखना, चल तो जाता है वैसे ये एक व्यू के अंदर दूसरा व्यू, लेकिन लगा के देखना। अच्छा, उसके बाद है कैपिटल आई से इमेज, जो कि इमेज नाम से ही जाहिर है कि IMG के इक्वल आप समझ सकते हैं उसको। डिस्प्ले डिफरेंट टाइप ऑफ इमेजेस। स्क्रॉल व्यू को आप डिव समझ सकते हैं। अ जेनेरिक स्क्रॉलिंग कंटेनर दैट कैन कंटेन मल्टीपल कंपोनेंट्स एंड व्यूज। अब ये इसके अंदर कंपोनेंट भी दूसरा आ सकता है और व्यूज भी दूसरे आ सकते हैं, यानी स्क्रॉल व्यू एक ऐसी चीज़ है जिसमें शायद हर तरह का कंपोनेंट आप उसके अंदर रखेंगे तो वो मसला नहीं करेगा। अच्छा, उसके बाद है टेक्स्ट इनपुट, ठीक है? एंड्रॉयड में इसका नाम टेक्स्ट एडिट है, iOS में इसका नाम UI टेक्स्ट फील्ड है, और इसको आप समझ सकते हैं इनपुट टाइप टेक्स्ट के तौर पर, ठीक है? अभी इसमें टाइप नंबर नहीं कर सकते आप, टाइप इस पर टेक्स्ट ही रहता है। अच्छा, अलाउ टू एंटर द यूज़र टेक्स्ट है नहीं वो वो असल में फिर कीबोर्ड कौन सा खुलवाना है आपने, वो एक अलग चीज़ होती है कि इस पर जब क्लिक हो तो कीबोर्ड कौन सा खुले। अभी मैं इसकी अगर डॉक्यूमेंटेशन में जाऊँगा ना तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें लिखी हुई होंगी। मिसाल के तौर पर ये डॉक्यूमेंटेशन है ना इसकी, यहाँ पे सारे कोर कंपोनेंट इन्होंने डिस्कस किए हैं। तो ये मैं टेक्स्ट इनपुट में जब जाऊँगा तो यहाँ पे ना ये प्रॉप्स हैं इसके सारे, ऑटो कंप्लीट, ऑटो कैपिटलाइजेशन, ऑटो करेक्ट, ठीक है, ब्लर। अभी यहाँ पे कहीं ना कहीं लिखा होगा कि कीबोर्ड कौन सा खुलवाना है, इस पर क्लिक करने पे ना कीबोर्ड कौन सा खुलवाना है, यहाँ पे कहीं ना कहीं इन्होंने ये बात लिखी होगी कि कीबोर्ड टाइप। अब कीबोर्ड टाइप में ना ये सारे हैं, नहीं ये सारे नहीं है, ये हैं, ठीक है? डिफ़ॉल्ट है, नम पैड है, डेसिमल पैड है, वो होगा टेक्स्ट ही, लेकिन कीबोर्ड क्योंकि नम पैड खुलेगा तो आप नंबर के अलावा कुछ लिख ही नहीं सकते। ये इस तरह से यहाँ पे कहानी चल रही है, समझ रहे हो? अच्छा, अगर मैंने उस इनपुट बॉक्स पे ना कीबोर्ड का टाइप लिखा ना नम पैड, आप जैसे मर्जी उस पर क्लिक कर लो नम पैड ही खुलेगा, सही है? ये अलग केस हो सकता है कि आपने माउस या कीबोर्ड उसमें लगाया हुआ है अलग से और आप कीबोर्ड से ए प्रेस कर दें, ये अलग है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है? नहीं, ये भी एक क्वेश्चन होता है लोगों का, मतलब जो नए नए होते हैं तो एक वैलिड क्वेश्चन है कि भाई जब उसमें जैसे मर्जी क्लिक कर लूँ मैं नंबर ही खुलेगा, तो ऑन क्लिक पे या ऑन सबमिट पे जब वो मुझे नंबर मिलता है तो मुझे उसको वैलिडेट करना पड़ता है कि ये नंबर है या नहीं है, ठीक है? उसका रीज़न ये है कि अगर आपने USB कीबोर्ड लगाया हुआ है अलग से, मोबाइल में लग जाता है USB कीबोर्ड, ब्लूटूथ कीबोर्ड भी लग जाता है, आप उसने ए दबा दिया आपने तो वो ए आ जाएगा वहाँ पर, ठीक है? वेल, उसको रोकने का भी कोई ना कोई तरीका यहाँ पे हो सकता है, हो। अच्छा, कुछ ऐसे कीबोर्ड्स हैं जो सिर्फ iOS में खुलते हैं, नंबर एंड पंक्चुएशन, ट्विटर कीबोर्ड, वेब सर्च कीबोर्ड, ये सिर्फ iOS में होते हैं।
विजिबल पासवर्ड कीबोर्ड ये सिर्फ एंड्रॉयड में होता है, बाकी ये वाले जो है ना ये जेनेरिक है, ये दोनों में होता है। यूआरएल कीबोर्ड कैसा होता है बता सकता है कोई? नॉर्मल कीबोर्ड की तरह होता है, स्पेस बार के पड़ोस में एट द रेट आ रहा होता है। तो सॉरी, यूआरएल में स्पेस तो आता ही नहीं है, स्पेस बार नहीं होता, उसकी जगह एट द रेट आ रहा होता है। सॉरी, एट द रेट तो ईमेल वाले में होता है, इसमें डॉट कॉम होता है, डॉट कॉम होता है। और ईमेल एड्रेस का जो पैड होता है उसमें स्पेस का बटन नहीं होता, स्पेस की जगह पे एट द रेट होता है। ठीक है, मे बी अगर मैं आपको, अच्छा ऐसे तो मैं नहीं दिखा सकता, हाँ ऐसे तो नहीं दिखेगा, क्योंकि वो मुझे कोई ऐसी ऐप चाहिए होगी जिसमें इनपुट वैसा वाला हो, तभी वो काम करेगा। हाँ गूगल पे दिखा सकता हूँ, दैट इज करेक्ट। अच्छा ये इन्होंने स्क्रीनशॉट दिया हुआ है, सी स्क्रीनशॉट ऑफ ऑल टाइप हेयर, तो हम ये हेयर पे जाके स्क्रीनशॉट देख लेते हैं इसका। ये रहा डिफॉल्ट पे, ये नम पैड ये वाला है, डेसिमल पैड ये वाला है। अच्छा नम पैड में और डेसिमल पैड में क्या डिफरेंस है? इसमें एक डॉट आ रहा है, ठीक है, डेसिमल पैड में डॉट आ रहा है, नम पैड में डॉट नहीं है। अच्छा एंड्रॉयड में लेकिन दोनों में, दोनों सेम है, नम पैड और डेसिमल पैड। न्यूमेरिक में नंबर्स हैं, डेसिमल पैड में और न्यूमेरिक में क्या डिफरेंस है यार? वेल पता नहीं क्या डिफरेंस है। ईमेल एड्रेस वाला देखो, इसमें एट द रेट बना हुआ है, ठीक है, एंड्रॉयड में भी और इसमें भी, दोनों में एट द रेट का की बना हुआ है। फोन पैड के अंदर ये प्लस स्टेरिक और हैश आ रहा है। एस की कैपेबल के अंदर सिर्फ एस की वाले कैरेक्टर्स आएंगे इसमें। एक्चुअली जब आप सिंबल का बटन दबाएंगे ना तो सिर्फ एस की कैरेक्टर्स आएंगे। कुछ ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो एस की, पता है ना आपको क्या है एस की? नहीं पता? जैसे हमने यू शुरू में पढ़ा था ना, UTF-16 होता है जावास्क्रिप्ट में, जब हम जावास्क्रिप्ट के टाइम शुरू शुरू पढ़ा था हमने, जब हम ये देख रहे थे कि डेटा मेमोरी में कैसे सेव होता है, जब आप कोई वेरिएबल बनाते हैं तो वो मेमोरी में स्टोर कैसे होता है जाके, तो हमने पहले देखा था नंबर कैसे स्टोर होता है, फिर हमने देखा था स्ट्रिंग कैसे स्टोर होता है। तो उस टाइम हमने देखा था कि हर स्ट्रिंग को एक नंबर असाइन कर देते हैं, है ना, कैपिटल ए का 65 है, स्मॉल ए का 97 है, ठीक है, स्मॉल बी का 98 है, इस तरह एक नंबर होता है। तो जो सबसे पहला जो कैरेक्टर सेट आया था दैट वाज कॉल्ड ASCII, ASCII, ठीक है, अमेरिकन स्टैंडर्ड ऑफ कोड एंड पता नहीं क्या इंटरचेंज, और बड़ा लंबा वाहियात सा नाम रखा है। वेल तो वो ASCII पहला कैरेक्टर सेट हुआ करता था, उसमें 256 ही वर्ड हुआ करते थे, 256 वर्ड होते थे उसमें, ठीक है, एक बाइट वो लेता था एक कैरेक्टर। तो ASCII के अंदर क्वेश्चन मार्क, ये एंगल ब्रैकेट ये सब है उसमें, इमोजीज नहीं है, ठीक है। तो अब ये मेरे ख्याल है ASCII कैपेबल का मतलब ये है कि सिर्फ इसमें वो 256 कैरेक्टर ही होंगे, सिंबल विम्बल सब में, कोई भी ऐसा कैरेक्टर नहीं होगा जो ASCII के अंदर मौजूद ना हो, ठीक है, क्योंकि वो ऐप तो किसी भी ज़ुबान में हो सकती है ना। मिसाल के तौर पर किसी बंदे ने चाइनीज़ में किया हुआ है फ़ोन, तो उसका कीबोर्ड तो चाइनीज़ में खुलेगा, नम पैड वेम पैड सब चाइनीज़ में खुलेगा, तो ASCII कैपेबल लगाऊंगा ना तो चाइनीज़ उसमें शो नहीं होगा, उसमें फिर ये अल्फ़ाबेट शो होंगे सारे, क्योंकि ASCII में चाइनीज़ है ही नहीं। अब ये चाइनीज़ और उर्दू, हिंदी, अरबी ये सब आया फिर UTF के अंदर, UTF-8, UTF-16 और पता नहीं UTF-32 भी शायद अब आ गया। उसके अलावा एक यूनिकोड है, इस वक्त जो सबसे ज़्यादा रिच कैरेक्टर सेट है वो यूनिकोड 2.0 है, ये इमोजी विमोजी सब उसी के अंदर है, जितनी भी चैट ऐप्स हैं वो यूनिकोड में चलती हैं, कि दुनिया की हर ज़ुबान की हर लैंग्वेज है उसमें, सिंबल्स भी हैं उसमें, जैसे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक सिंबल है वो यूनिकोड में मौजूद है, ठीक है, ज़बर ज़ेर पेश वेश ये सब उसके अंदर है, ठीक है, रहमतुल्लाह अलैह का सिंबल उसमें मौजूद है। तो दुनिया की हर ज़ुबान के हर कैरेक्टर उसके अंदर ऑलमोस्ट उन्होंने डाले हैं, ठीक है, और हर साल ये अपडेट भी होती है बाय द वे। जैसे आपने देखा होगा कुछ इमोजीज, नई नई इमोजीज आ रही हैं जो पहले नहीं थी, है ना, एवोकाडो आ गया, वो वायरस वाला इमोजी है वो आ गया, वो बियर वाला इमोजी है वो पहले नहीं था अब आया है, है ना, इस तरह की बहुत सारी इमोजीज वो वक्त के साथ साथ ऐड हो रही है, ठीक है भाई। URL का आ गया, नेम फोन पैड आ गया, सही हो गया जी। विजिबल पासवर्ड जो है वो iOS में नहीं है, सिर्फ एंड्रॉयड में।
अच्छा जी, टैक्स इनपुट के अंदर ये सारे प्रॉप्स हैं, अब इसको एक्सप्लोर कर लेना कि भाई ये टैक्स जो है वो क्या सीन है इसका, प्रेस इन प्रेस आउट, प्रेस फोकस ऑन लेआउट, प्लेस होल्डर क्या होगा, रीड ऑनली तो नहीं होगा कहीं, रोज कितनी होंगी, ठीक है, रिटर्न की टाइप क्या होगा यानी एंटर प्रेस करें तो क्या होगा उस पर, ठीक है, सेलेक्शन होगी उस पर या नहीं होगी टेक्स्ट की, ये सारे कंट्रोल होते हैं हमारे पास। टेक्स्ट अलाइन किधर होगा, पासवर्ड के क्या रूल्स होंगे, टेक्स्ट का कंटेंट का टाइप क्या होगा, बहुत सारे इसके अंदर कंट्रोल्स हैं, वो सारे आप लगा सकते हैं। ठीक है जी, वापस हम आ जाते हैं इधर और इस डॉक्यूमेंट को हम आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो कोर कंपोनेंट के कुछ बेसिक कोर कंपोनेंट थे, उनकी लिस्ट यहाँ पे आ गई। अच्छा, इन द नेक्स्ट सेक्शन यू विल स्टार्ट कंबाइनिंग दीज कोर कंपोनेंट्स टू लर्न हाउ रिएक्ट वर्क्स, हैव अ प्ले विद देम हियर नाउ। अच्छा, अब हमने क्या करना है, अब हमने ये करना है कि हेलो वर्ल्ड बनाने से पहले हमें तीन स्क्रीन कम से कम हमने इधर बनानी है, ठीक है, क्योंकि हेलो वर्ल्ड का जो सेटअप है ना वो खून खुश्क करने वाला सेटअप है, ठीक है, कर लिया है मैंने, बड़ी मुश्किल से हुआ है क्योंकि कुछ असल में हुआ ही है कि मैंने एंड्रॉयड स्टूडियो वगैरह सब नया कर लिया था, उसको एक सर्टेन स्पेसिफिक वर्जन चाहिए, रूबी का भी, JDK 11 चाहिए उसको, हालांकि JDK 19 चल रहा है नया वाला, ठीक है, वो जूलो से करवा रहे हैं, वो जूलो करके एक है उससे करवाया उन्होंने तो वो इजीली हो गया था, तो वो सब उसको ना वही वर्जन चाहिए जो उन्होंने बोला हुआ है उस। हाँ हाँ सही है, बिल्कुल, पैकेज मैनेजर है विंडोज़ का, विंडोज़ में भी पैकेज मैनेजर है, अच्छी बात है ना यार ये तो। लेकिन मसला है चॉकलेटी में हर चीज़ मौजूद नहीं है, चॉकलेटी में बहुत सारी चीज़ें मिलती नहीं है, और चॉकलेटी के अंदर ये ऑप्शन भी नहीं है कि आपके पास अगर एग्जी है तो आप उधर पब्लिश कर दें, वो जिसने बनाई है वही कर सकता है पब्लिश, कोई और नहीं कर सकता। इसमें एक चीज़ होती है ब्रिजिंग, उसकी वजह से परफॉर्मेंस में लैग आता है, सही है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट को एंटायरली कॉटलिन में या स्विफ्ट में कन्वर्ट नहीं किया जाता, कंपोनेंट्स तो रिप्लेस हो जाते हैं एक्चुअल कंपोनेंट्स से, लेकिन जावास्क्रिप्ट अपनी जगह रहती है, सही है ना। तो जावास्क्रिप्ट इटसेल्फ परफॉर्मेंस वाइज जावास्क्रिप्ट इज़ नॉट आइडियल लैंग्वेज, ये वैसे वेब के ऊपर जावास्क्रिप्ट जितनी फास्ट हो चुकी है इस वक्त कोई और लैंग्वेज नहीं है, वेब पे तो है ही जावास्क्रिप्ट ना, और तो कोई है भी नहीं, तो जैसे पाइथन है, पाइथन जावास्क्रिप्ट से ज़्यादा स्लो है, ठीक है, पाइथन, लेकिन उसकी अपनी कैपेबिलिटीज़ हैं। अच्छा, इसी तरीके से जैसे C++ है, C# है, तो जावास्क्रिप्ट इसके करीब करीब भी कहीं नहीं है, ये जावास्क्रिप्ट से बहुत फास्ट है, नेटिव कैपेबिलिटीज़ हैं, GPU का एक्सेस डायरेक्ट है और डायरेक्ट प्रोसेसर पर रन होती हैं, जावास्क्रिप्ट डायरेक्ट प्रोसेसर पर रन नहीं होता है, वो ब्राउज़र के थ्रू होता है या किसी ना किसी रन टाइम के थ्रू होता है, डायरेक्ट प्रोसेसर पर रन नहीं होता अभी, वो उस पर भी ये लगे हुए हैं, जो वेब असेंबली है वो असल में यही चक्कर है कि वो वेब का जो कोड है जावास्क्रिप्ट का वो डायरेक्ट प्रोसेसर के ऊपर चले, ठीक है, वेब असेंबली का सारा गेम यही है। फिर अभी ग्राफिक कार्ड का भी डायरेक्ट एक्सेस हो जावास्क्रिप्ट का, वो OpenGL VL के भी, वेब GL के इन्होंने स्टैंडर्ड्स लिखे हुए हैं, लेकिन वो भी बस आधे अधूरे क्या, बहुत कुछ चल रहा है वेब में, पूरी पूरी गेम बनी हुई है उसके ऊपर, ऐसा ही नहीं है बिल्कुल भी आधे अधूरे नहीं है, चल रहे हैं। तो बहुत वेल ऑर्गेनाइज नहीं है अभी, वेल डॉक्यूमेंटेड नहीं है, आम आदमी की पहुंच से थोड़े से भी दूर है वहाँ। ये कंपोनेंट ही तो कन्वर्ट होता है, पीछे की जावास्क्रिप्ट कन्वर्ट नहीं होती, वो अपनी जगह रहती है, वो ब्रिज हो जाता है कि जब वहाँ बटन पे क्लिक हो तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग में जावास्क्रिप्ट का फंक्शन चलता है, और जावास्क्रिप्ट फिर जो रिजल्ट डिस्प्ले करवाने वाला होता है वो नेटिव कंपोनेंट होता है, तो कंपोनेंट नेटिव है, अंदर जो प्रोसेसिंग है। तो मैं ये बता रहा था कि जावास्क्रिप्ट इज़ नॉट आइडियल लैंग्वेज परफॉर्मेंस वाइज, तो जो iOS की ऐप बताइए ना स्विफ्ट में, तो स्विफ्ट की जो अपनी स्पीड है, जो उनके हार्डवेयर पे जब उनकी खुद की लैंग्वेज चलती है और सारे कॉरस्पॉन्डिंग जो उसके चीज़ें हैं ना वो सब उनकी खुद की बनाई हुई है, और आपस में वो बहुत अच्छा कोलैबोरेट करते हैं, ठीक है, उनका यानी इनपुट डिवाइस से लेके, स्टोरेज डिवाइस से लेके, और जो नेटवर्क के जो प्रोटोकॉल्स हैं उनके, और फिर जो डिस्प्ले वगैरह, ये सारा उन्हीं का खुद का बनाया हुआ है, तो
उसके ऊपर स्विफ्ट जितने अच्छे से परफॉर्म करती है कोई और लैंग्वेज कर ही नहीं सकती iOS के ऊपर, ठीक है, आईफोन के ऊपर। और अल्टीमेटली अगर सी प्लस प्लस या सी शार्प से भी हम कंपेयर करें तो जावा स्क्रिप्ट एज कम्पेयर टू सी प्लस प्लस बहुत स्लो है, ठीक है। स्लो होने का एक रीज़न ये है कि ऑन द टॉप ऑफ सी प्लस प्लस बनी हुई है जावा स्क्रिप्ट। जावा स्क्रिप्ट का जो कोड है वो एक्चुअली बैकग्राउंड में उसके सी प्लस प्लस लगी हुई है, ठीक है। तो इस वजह से वो सी प्लस प्लस से ज़्यादा फास्ट तो हो ही नहीं सकती कभी भी, क्योंकि इसमें कोड लिखेंगे हम वो इंटरनली सी प्लस प्लस चलती है उसमें, तो जितनी फास्ट सी प्लस प्लस है उससे कम फास्ट है जावा स्क्रिप्ट। अच्छा, और क्या कहते हैं, अब जैसे इनका जो नया वाला हार्डवेयर है जो iOS आईफोन के अंदर ये नए वाले जो प्रोसेसर बनाए हैं इन्होंने, अब ये प्रोसेसर का जो आर्किटेक्चर है इस पे तो इनकी अपनी लैंग्वेज ही चलती है सबसे बेस्ट। अगर C++ पे चलेगा तो दो तरीके हो सकते हैं इसके चलने के, जो एकदम आर्म वाला आर्किटेक्चर है, या तो वो चले वर्चुअलाइज होके कि भाई सी प्लस प्लस का कोड है और वो आर्म के ऊपर वर्चुअलाइज होके चले, या तो अगर आर्म पे वो कन्वर्ट हो, क्योंकि सी प्लस प्लस तो हर प्लेटफॉर्म पे चलती है ना, आर्म पे x86 सब पे चलती है, वो कन्वर्ट होके चले। लेकिन दोनों सूरतों में क्या होगा, जो उनका नेटिव कैपेबिलिटी है ना, जिस तरह वो, क्योंकि उनकी लैंग्वेज के अंदर अंदर लिखा हुआ है कि कितने कोर होंगे, कैसे होंगे, कब कौन सा कोर क्या करेगा, जब ये कन्वर्ट होके जाएगा तो ये एक नॉर्मल आर्म V8 के कोड के तौर पर जाएगा, तो स्टिल वो फास्ट रहेगा, ठीक है। तो इसलिए जावास्क्रिप्ट कभी भी मैच नहीं कर सकती नेटिव कैपेबिलिटीज़ को परफॉर्मेंस वाइज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वाइज। वेल, अच्छा तो जल्दी से हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे इन्होंने क्या बनाया है, एक ऐप का कंपोनेंट है, सही है, ऐप का कंपोनेंट एक्सपोर्ट हुआ है यहाँ से, ऐसे ही होता है रिएक्ट के अंदर। अच्छा, रिटर्न इससे सबसे पहले क्या किया, स्क्रॉल व्यू। अच्छा, स्क्रॉल व्यू क्यों रिटर्न किया इसने, क्योंकि यही वो कंपोनेंट है जिसमें अगर कोई चीज़ आएगी ना स्क्रॉल, अगर ज़्यादा कंटेंट हो गया तो स्क्रॉल होना शुरू होगा। अच्छा, क्या मैं लॉगिन के पेज पे ये स्क्रॉल व्यू बनाऊंगा, नहीं, लॉगिन के पेज पे स्क्रॉल कराने की ज़रूरत ही नहीं है, उसमें सिंपल व्यू बनाऊंगा, जहाँ पे ज़रूरत होगी वहाँ पे स्क्रॉल व्यू भी बना दूंगा। अच्छा, इस स्क्रॉल व्यू के अंदर एक अदद है टेक्स्ट। अच्छा, ये टेक्स्ट आ गया मेरे पास, तो एक काम करते हैं लॉगिन स्क्रीन बना लेते हैं जल्दी से, इधर ही यहीं पे खड़े हो गए। अच्छा, तो स्क्रॉल व्यू को मैं उड़ा देता हूँ यहाँ से, सही है, और यहाँ से मैं क्या रिटर्न करूँगा, व्यू, सही है, व्यू व्यू, और ये क्लोजिंग टैग हो गया। अच्छा, इसको मैं स्टाइल भी दे सकता हूँ, ठीक है, ये सारा उन्होंने बताया हुआ है कि कैसे स्टाइल देते हैं, क्या देते हैं, तो मैं इसको बोलता हूँ बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, सही है, कहाँ तक वो था वहाँ पे मैंने, बल्कि ब्लैक नहीं, इसको मैं ब्लू कर देता हूँ, ठीक है। अभी देखो वो व्यू जो मेरा डिस्प्ले हुआ है ना, वो कहाँ डिस्प्ले हुआ है, देख रहे हो, टॉप पे बिल्कुल, क्योंकि उसमें कोई कंटेंट नहीं है, तो वो अपने कंटेंट पे टाइट होने के चक्कर में बिल्कुल छोटा सा हुआ। अच्छा, इसके अंदर मुझे अब क्या चाहिए, मुझे यहाँ पे एक लोगो बनाना है ऐसे करके गोल सा, उसके नीचे दो टेक्स्ट इनपुट्स बनाने हैं, और उसके नीचे मैंने सबमिट का बटन बनाना है, यानी लॉगिन का बटन बनाना है। तो अब मुझे क्या व्यू चाहिए यहाँ पे सबसे पहले, अच्छा ये याद रखना कि ये व्यू जो है ये फ्लैक्स बॉक्स है, ठीक है, और इसके अंदर कॉलम हुआ हुआ है फ्लो उसका। अच्छा, तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे एक और व्यू चाहिए एक्चुअली, सही है, एक और व्यू, मैं डायरेक्ट भी इमेज लगा सकता था, बट मैं क्या करूँगा, मैं एक ऊपर व्यू बनाऊँगा जिसमें मेरा सिर्फ लोगो होगा, सही है, उस व्यू के अंदर एक इमेज होगा जिसको मैं सेंटर कर दूँगा, फिर उसके नीचे मैं एक और व्यू बनाऊँगा जिसके अंदर दो इनपुट बॉक्स और एक बटन होगा, सही है, ऐसे करके मैं फ़िलहाल करना चाह रहा हूँ, कर सकता हूँ ऐसे मैं, ठीक है, एक और व्यू बना दिया मैंने इसका, इसके अंदर मैं क्या बनाऊँगा, इमेज। अच्छा, जब मैं इमेज बनाऊंगा ना, इमेज इसमें भी सेल्फ क्लोजिंग है, तो इमेज मुझे दे देगा एरर, इमेज बोलेगा भाई कहाँ, अच्छा नहीं, इमेज ऊपर इम्पोर्ट हुआ हुआ है, अगर इम्पोर्ट नहीं हुआ होगा इमेज तो क्या आपको ये दे देगा फॉरन एरर कि भाई कहाँ, इमेज तो हमको पता ही नहीं है, तो इसको इमेज फिर बताना पड़ेगा कि अच्छा आप जाओ इमेज कहाँ से उठा के लाओ आप, रिएक्ट डैश नेटिव
करके वहाँ से उठा के लाओ। अच्छा, कुछ चीज़ें रिएक्ट से भी इम्पोर्ट की हुई हैं इन्होंने, जैसे कि यूज़ इफेक्ट, यूज़ स्टेट वगैरह, वो रिएक्ट से करेंगे हम, वो रिएक्ट नेटिव से नहीं करेंगे हम। अच्छा, तो अब इमेज में मैं लगाऊं कैसे आइटम, आ जाते हैं उसके लिए हम ज़रा। इसका जो क्या है, जो कोर कंपोनेंट, कहाँ गई वो लिस्ट, ये रही डॉक्यूमेंटेड इन दिस एपीआई ना, ये वाली, ये आ गया इमेज, सही है, ये इमेज ऐसे लगता है भाई, ऐसे इन्होंने बताया है। अच्छा, आ जाओ भाई नीचे, ये सारे इसके प्रॉप्स हैं, ठीक है। अल्टरनेट टेक्स्ट लग जाता है इसके अंदर, हाइट लग जाती है, ठीक है, एसआरसी करके जो है ना वो सोर्स लग जाता है एसआरसी करके, ठीक है। बाय द वे, इसमें एसआरसी और सोर्स दो अलग अलग चीज़ें हैं, ये क्या बकवास है। अच्छा, एसआरसी करके यूआरएल दे सकते हैं सिर्फ, और सोर्स करके क्या दे सकते हैं, सोर्स करके भी यूआरएल। वाह, वेल कोई डिफरेंस होगा इसके अंदर। अच्छा, तो वेल हम अभी सोर्स लगा लेते हैं इज्जत से, बिल्कुल बेहतरीन करके। ये मैं कहाँ चला गया, गुम हो गया मैं। अच्छा, ये रहा। तो मैंने ये इमेज सोर्स, इमेज के अंदर मैंने ये सोर्स लगा दिया, ठीक है। डिस्प्ले नहीं हुआ ये। अच्छा, ये डिस्प्ले इसलिए नहीं हुआ कि बाय डिफ़ॉल्ट जो है ना, इसका जो विड्थ और हाइट है इमेज का, वो क्या है। अच्छा, विड्थ का शायद इसमें वो भी है, विड्थ का ना एक इसमें प्रॉप भी है, तो मैं विड्थ का इसको प्रॉप दे देता हूँ। जब तक मैं इसको विड्थ का प्रॉप नहीं दूंगा, जब तक इसको समझ नहीं आएगा, और हाइट भी देना पड़ेगा, हाइट अभी, अब तो डिस्प्ले हो जाए भाई। अच्छा, मुझे लग रहा है ये यूआरएल जो है ना इनवैलिड है, इस यूआरएल को ज़रा अलग से खोल के देखते हैं, इस यूआरएल पे कोई इमेज है भी पीछे या नहीं है। है तो सही यार इमेज, नहीं इसको मैं ये विर्थ हाइट ना स्टाइल करके दूंगा तो ये आ जाएगा नज़र। स्टाइल, मैंने कहा भाई विर्थ आपकी जो है ना वो क्या हो जाए, 200 हो जाए, और हाइट जो है वो 200 हो जाए, सही है यार। ये नज़र क्यों नहीं आ रहा, ये क्या बोल रहा है। हाँ, देख लेते हैं एसआरसी में, एसआरसी में इसको स्ट्रिंग चाहिए, ऐसे करके चाहिए, बोल तो रही है, सही दिया हमने। हाँ, लोगो है ये, इमेज सही है। अगर मैं पूरा सोर्स लिख दूँ इसको, अरे पूरा सोर्स लिखा तो आ गया, पूरा सोर्स लिखा तो आ गया सही, ये पता नहीं क्या चक्कर है। हालांकि एसआरसी में भी उन्होंने यही बताया हुआ था। ओके, आई गॉट इट। ये पता है क्या चक्कर था, हम सोर्स लिखेंगे, सोर्स में पूरा ऑब्जेक्ट लेता है ये, और उस ऑब्जेक्ट की होती है एसआरसी, जिसमें मुझे यूआरएल देना होता है, ये मुझे अभी याद आया। इसमें सोर्स जो है वो एक ऑब्जेक्ट होता है पूरा, उसमें एसआरसी के अलावा भी चीज़ें होती हैं। तो एक्चुअली आई एम सपोज टू डू इट लाइक दिस, सही है, इसमें एक ऑब्जेक्ट दूंगा मैं ऐसे करके, सही है, और इसकी एक की होगी एसआरसी, कुछ इस तरह का कुछ मामला है इसके अंदर, सही है। जहाँ पे इन्होंने एग्जांपल बताई है ना इमेज की, ऊपर टॉप पे, वहाँ पे भी इन्होंने इस तरह करके ही बताया, ये ऐसे करके बताया इन्होंने कि भाई सोर्स और यूआरआई, सही है, सोर्स और यूआरआई ऐसे करके बताया है, ठीक है। तो हम इसको ऐसे ही दे देते जैसे इन्होंने एग्जाम्पल में बताया, यूआरआई। यार एक ही है वैसे तो, बेसिकली तो एक ही है, कोई माइनर सा कोई फ़र्क होगा वो मुझे पता नहीं है, वो गूगल कर लेना ईजिली तो मैं नज़र आ जाएगा क्या है, वैसे बेसिकली तो एक ही है वो। अच्छा भाई, तो हमने ये लगा दिया, इसकी जो हाइट है वो शायद 200 थोड़ी ज़्यादा हो गई है,
इसको मैं 150 कर देता हूँ, सही है 150। ओ भाई ओ ओ ओ अब क्या मसला है उसको। अच्छा वो एक यहाँ से ब्रैकेट मिस हो गई, सही है। अच्छा ये जो ब्लू कलर का बॉक्स है ये क्या है, मेरा व्यू है, ये मेन जो मेरा व्यू है ना ये उसकी उसकी बात हो रही है। अच्छा उसके बाद मेरे पास जो ब्लू बॉक्स है वो मेन व्यू है जो अपने कंटेंट पे टाइट है ऑब्वियसली। उसके बाद जो मेरा दूसरा व्यू है ना उसको भी मैं ज़रा एक स्टाइल दे के उसको भी मैं डिस्प्ले कर देता हूँ यहाँ पे। मैं कहता हूँ बॉर्डर 1 pixel सॉलिड रेड, सही है। तो अब इसके अंदर जो सिर्फ जिसमें इमेज रखनी थी मैंने वो ये वाला व्यू आ गया। अच्छा इस इमेज को अब मैंने क्या करना है, इसमें सेंटर करना है। अच्छा ये वाला जो व्यू है ये बाय डिफॉल्ट फ्लैक्स बॉक्स है, तो फ्लैक्स बॉक्स का ये चाइल्ड है ना। अभी फ्लैक्स बॉक्स को मैं क्या बोलूँगा इसका चाइल्ड सेंटर में हो जाए, अलाइन आइटम, तो हाँ लाइन आइटम क्योंकि वो चेंज हुआ है। सही बोला, सही बोला बिल्कुल तुमने, वेल डन, यही एक्सपेक्ट कर रहा था मैं, सही है। जस्टिफाई कंटेंट जब होता है जब ये रो में होता है, लेकिन बाय डिफॉल्ट ये कॉलम है ऊपर से नीचे की तरफ। अलाइन आइटम्स सेंटर, सही है। ये इमेज मेरी क्या हो गई, सेंटर में हो गई। अच्छा अगर मुझे इस इमेज को कुछ मार्जिन वार्जिन एक्स वाई जेड कुछ देना है तो वो भी मैं यहीं पर दे सकता हूँ। मैंने कहा भाई मार्जिन हाँ 20, सही है। तो ये थोड़ा चारों साइड से दूर दूर हो गया मार्जिन मेरा, ठीक है। नहीं देखो अभी मेरे पास क्या होगा, एक मेरा मेन व्यू होगा यानी पूरी एक्टिविटी होगी मेरी, इस पूरी पूरी स्क्रीन को ना एक्टिविटी कहते हैं ना ये, तो एक मेरा मेन व्यू है, मेन डिव है, उसके अंदर एक व्यू मेरे पास टॉप पे होगा जिसमें सिर्फ आइकन होगा, उसके नीचे मैं अभी एक और व्यू बनाने लगा हूँ ना। अभी देखो मैं बनाऊंगा तो तुम्हें आइडिया हो जाएगा कि क्या चक्कर है। ये लो हाँ हाँ बाय डिफॉल्ट पूरी विर्थ ले रहा था ये, हाँ बाय जैसे वेब में तो ये होता है ना बाय डिफॉल्ट, यानी विर्थ जो है वो डिव होता है क्या करता है वो पूरी विर्थ लेता है, ठीक है। हाँ स्ट्रेच हुआ वो होता है यानी फ्लैक्स की जो जो अलाइन आइटम है ना, अलाइन आइटम बाय डिफॉल्ट क्या होता है, स्ट्रेच होता है, स्ट्रेच होता है ना अलाइन आइटम। अभी जो मैंने इसको सेंटर किया है ये सेंटर तो नहीं होता बाय डिफॉल्ट, बाय डिफॉल्ट ये स्ट्रेच होता है, तो स्ट्रेच का मतलब है खींच के वो पूरा कर देगा उसको, ठीक है। अच्छा इसको मैं कर देता हूँ ग्रीन, ठीक है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने वो आइकन बना दिया ऊपर, अब मैंने यहाँ पे अंदर आके इसी तरह का एक व्यू बनाया है, और इस व्यू के अंदर अब मैं क्या बनाऊंगा, टेक्स्ट इनपुट बनाऊंगा मैं 2 अदद। आ जाते हैं जी टेक्स्ट इनपुट कैसा होता है इसका, टेक्स्ट इनपुट ये आ गया मेरे पास, ठीक है। इंपोर्ट शायद ये हुआ है, हाँ इंपोर्ट हुआ है ये। अच्छा अब हम क्या करना है हमें, अच्छा एक इसने ना यहाँ पे और भी टैग का इस्तेमाल किया जो हमने भी करना था, सेफ एरिया व्यू। अब सेफ एरिया व्यू क्या होता है, वो कुछ स्क्रीन्स ऐसी होती है ना जो कर्व वर्व होती है थोड़ी आड़ी जड़ी तिरछी वरछी होती है, तो उसमें ना वो ऑपरेटिंग सिस्टम बताता है कि कहाँ तक का एरिया सेफ है, ठीक है। वो किस कॉन्टेक्स्ट में सेफ है, वो अभी सेफ एरिया व्यू को ना हम डिटेल में पढ़ेंगे जब, तो फिर हमें पता चल जाएगा कि क्या है। लेकिन फिलहाल के लिए हम क्या करते हैं, हम सिर्फ यहाँ पे से ना 2 अदद ये टेक्स्ट इनपुट है ना जो, ये उठा लेते हैं यहाँ से, ठीक है। तो मेरा जो ये नेक्स्ट वाला व्यू था इसके अंदर आके मैंने ये दोनों के दोनों टेक्स्ट इनपुट क्या कर दिए, पेस्ट कर दिए। जैसे ही मैंने पेस्ट किया तो मेरे पास एरर आ गया। क्यों एरर आया, क्योंकि ऑन चेंज टेक्स्ट के ऊपर इस पर एक फंक्शन लगा हुआ था जो मेरे पास मौजूद नहीं है, तो मैं इसको उड़ा देता हूँ, ठीक है। उसके अलावा स्टाइल के ऊपर ना इसमें एक स्टाइल का ऑब्जेक्ट बना के वहाँ से स्टाइलिंग दी हुई थी जो मैं अभी इन चक्रों में पढ़ना नहीं चाहता, तो मैं स्टाइल भी क्या कर दूंगा इसको ऐसे वाला दे दूंगा, ठीक है। वैल्यू में इसमें एक वेरिएबल दिया हुआ था टेक्स्ट के डिफॉल्ट वैल्यू शो करे, जो मेरे पास वेरिएबल टेक्स्ट नहीं है तो उसको भी मैं उड़ा दूंगा, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे भी स्टाइल जो है इसको मैं नॉर्मलाइज करूँगा। अच्छा ये कैसे स्टाइल का ऑब्जेक्ट बना के दे रहे हैं वो हम देखेंगे,
और अच्छा तरीका है, आसान तरीका है, रिएक्ट में भी अब लोग वैसे ही कर रहे हैं ये वाले तरीके से। टेक्स्ट चेंज कुछ नहीं करना मुझे, वैल्यू पे नंबर नहीं दिखाना। प्लेस होल्डर में मुझे यहाँ पे क्या एंटर करना है, प्लेस होल्डर में के एंटर योर पासवर्ड, ठीक है। कीबोर्ड की टाइप में यहाँ पे लगाऊंगा पासवर्ड इनपुट, ठीक हो गया जी। तो मेरे पास जो है वो दो अदद यहाँ पे टेक्स्ट इनपुट आ चुके हैं, जिन पे कोई ज़्यादा ख़ास किस्म की स्टाइलिंग नहीं लगी हुई है, ठीक है। और यहाँ पे मेरे पास ये देखो टेक्स्ट इनपुट आ गया, जिस पे कोई बॉर्डर शॉर्डर कुछ भी नहीं है, सही है। ये बॉर्डर भी मुझे क्या करना होगा, लगाना होगा। तो मैं यहाँ पे क्या बोलूँगा, यहाँ पे आके मैं क्लास नेम बना लेता हूँ, सही है। लेकिन चलो फिलहाल अलग अलग ही लगा लेते हैं। मैंने कहा भाई बॉर्डर 1 pixel सॉलिड ब्लैक, सही है। साथ में मैं क्या लिख देता हूँ कि भाई बॉर्डर रेडियस भी थोड़ा ले लो, गोल मेटल चाहिए मुझे, बॉर्डर रेडियस। और मैंने कहा बॉर्डर रेडियस जो है ना वो 5 pixel ले लो बस आप, सही है। थोड़ा गोल हो गया मेरा टेक्स्ट इनपुट। उसके अलावा मैंने कहा भाई पैडिंग ले लो, मैंने कहा पैडिंग ले लो 10 pixel, चाहे कॉमा नहीं दिया मैंने यहाँ पे, ये देख रहे हो कैसे होता जा रहा है, ये 10 pixel की पैडिंग के बाद ये इसका सिचुएशन है। लेबल भी लगेगा बिल्कुल, क्यों नहीं लगेगा लेबल, लेकिन लगाने की ज़रूरत नहीं होती। प्लेस होल्डर लगाऊंगा ना मैं, प्लेस होल्डर, और प्लेस होल्डर करके मैं इसको बोलूँगा कि एंटर योर ईमेल। तो ये यहाँ पे एंटर योर ईमेल लिखा आ रहा होगा, हाँ ये स्टाइल में लगा दिया मैंने, ये स्टाइल में नहीं लगता, ये प्रॉप के तौर पे लगेगा। प्रॉप में ऐसे इक्वल करके लगेगा, सही है। एंटर योर ईमेल लिखा हुआ आ गया, एंटर का ई कैपिटल कर देता हूँ मैं, ठीक है। एंटर योर ईमेल, एंटर योर पासवर्ड। अच्छा ये बॉर्डर वाला और ये पैडिंग वाला जो जो स्टाइलिंग थी, ये सारी की सारी स्टाइलिंग मैं इधर भी कॉपी कर देता हूँ। तो ये दोनों मेरे इनपुट बॉक्सेस क्या हो गए, एक जैसे हो गए। अच्छा इन दोनों को मुझे थोड़ा थोड़ा जाहिर है दूर भी करना है आपस में, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इन पे कुछ पैडिंग वो डाल देता हूँ, उस पर मार्जिन डाल देता हूँ। मैंने कहा मार्जिन भाई 5, सही है। इस पर नीचे वाले पे भी डाल देता हूँ 5, सही है। दोनों पे 5-5 मार्जिन डाल दिया। अच्छा ये वाला डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो गया है, तो मैं इसको 15 कर देता हूँ, बल्कि इसको मैं 10 कर देता हूँ, ठीक है। वो जो टॉप से जो कितना डिस्टेंस है ना, उसको मैंने कम कर दिया, ठीक है जी। एंटर योर ईमेल, एंटर योर पासवर्ड, दीज टू थिंग्स, राइट। अगला काम मुझे क्या करना है, इसमें और तो कुछ नहीं रह गया स्टाइलिंग स्टाइलिंग से मुतालिक। अच्छा कलर का मुझे इस पर जो, चलो कलर सही है ब्लैक है, लेकिन प्लेस होल्डर बहुत ज़्यादा डार्क लिखा पा रहा है ना। प्लेस होल्डर का कलर मुझे जो है ना थोड़ा डिम चाहिए था एक्चुअली, इसमें मैं ज़रा कलर तलाश करूं। कर्सर कलर, प्लेस होल्डर टेक्स्ट कलर ये मौजूद है इसके अंदर, तो मैं प्लेस होल्डर का जो टेक्स्ट कलर है ना उसको थोड़ा सा चेंज करना चाहूँगा मैं यहाँ मेरे केस में। तो मैं अपने पहले टेक्स्ट इनपुट पे आता हूँ और मैं कहता हूँ प्लेस होल्डर टेक्स्ट कलर जो है ना वो क्या हो जाए, वो ग्रे हो जाए, सही है, ग्रे हो गया, और यह लाइट ग्रे बोल देता हूँ इसको मैं, सही है, लाइट ग्रे कर दिया मैंने इसको। यही सेम चीज़ उठा के मैं यहाँ पे भी लगा दूँगा। हाँ भाई हेलो वर्ल्ड बनाने में इतना मज़ा आया था है? नहीं मैं कह रहा हूँ हेलो वर्ल्ड बनाने में फील आई थी कि हम वाकई मोबाइल ऐप बना रहे हैं, आ गई थी गुड यार। मुझे तो हेलो वर्ल्ड बनाते हुए लगा कि ये मैं स्टैक करके बनाई थी तुमने, हाँ वो भी सही है, लेकिन अभी तो हम ये बेसिक जो इन्होंने बताया ना, बिल्कुल बेसिक जो कोई भी बना सकता है बहुत इजीली, ये जस्ट आपको कंफर्टेबल कर रहा हूँ मैं कि अच्छा यार ये ऐसे स्क्रीन बन जाती है।
हमारे पास अभी है 15 मिनट, तो 15 मिनट में होपफुली हम ये लॉगिन की स्क्रीन कंप्लीट करके जाएंगे कि भाई टैक्स लिख के बटन दबाएं और वो मेरे पास दोनों इनपुट आ जाए। सर वो आप एंड्रॉइड की कौन-कौन सी एसडीके वो बता देना, पहले से डाउनलोड करके रख लेंगे। कौन कौन सी एसडीके? यार वो उनके जो गेटिंग स्टार्टेड में जो इंस्टॉलेशन का पार्ट है ना, एनवायरनमेंट सेटअप का पार्ट, उसमें वो वर्ड टू वर्ड उन्होंने जो लिखा है ना वही करना है, वर्ड टू वर्ड फॉलो करना है उसको। ज़रा सा भी ऊपर ही नीचे हुआ कोई वर्जन तो वो नहीं चलेगा। नहीं, गेटिंग स्टार्टेड में नहीं, एनवायरनमेंट सेटअप का इसमें एक सेक्शन बना हुआ है, ये रहा एनवायरनमेंट सेटअप है ना, सेटिंग अप योर डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, इसको आपने वर्ड टू वर्ड फॉलो करना है, वो एनवायरनमेंट सेट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा एनवायरनमेंट सेट करना मैं थोड़ा सा बताऊंगा हेलो वर्ल्ड करवाते हुए कि उसमें क्या क्या चीज़ों का आपने ख्याल रखना है, मैं बताऊंगा वो, बट एनवायरनमेंट सेट करके दिखाना शायद पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि वो बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है। ठीक है, वो मैं करके दिखा नहीं पाऊंगा, मैं बता दूंगा जस्ट कि अच्छा यार ऐसे ऐसे करना है आपने। नहीं अभी क्यों होंगी क्लासेस भाई, तो ये कोई बहुत रॉकेट साइंस थोड़ी ना, ये तो हो गया रिएक्ट नेटिव, बचा गया इसमें अभी रिएक्ट नेटिव में और क्या बचा। नहीं वो मैं बना के दिखा दूंगा ना, ये हमें चैट एप्लीकेशन इस पर हम बना लेंगे इंशाल्लाह कल। नहीं नहीं, नेक्स्ट क्लास जो है हमारी जुम्मे को, हाँ तो बस नेक्स्ट क्लास तो है ना हमारे पास 2 फरवरी छोड़ के 3 फरवरी को होगी। ठीक है ना, तो चैट ऐप इंशाल्लाह हम बना लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। CSS की फाइल भी बना सकते हैं यहाँ पे, ज़्यादा बेहतर है। जो इन्होंने डॉक्यूमेंटेशन में तो इधर ही स्टाइल का ऑब्जेक्ट बनाया है। बोलो बोलो, एक्स कोड में मैं बिल्ड बना के दिखा दूंगा जब हम चैट एप्लीकेशन कंप्लीट करेंगे ना, तो मैं एक्स कोड में बिल्ड कैसे निकलता है वो मैं बता दूंगा। ठीक है, और वो बहुत कोई रॉकेट साइंस नहीं है, वो इजी है वो भी ना। हाँ, एपीके की फाइल, हाँ एंड्रॉयड में एपीके, उसमें आईपीए बनता है, मगर वो आईओएस में केस कुछ ऐसा है कि वो आईपीए। बेटा बातें नहीं करो इधर, जरा कोई आपका दोस्त बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछ रहा है, तवज्जो से सुनो उसका जवाब, आपके भी काम की बात है ये। एंड्रॉयड में कुछ ऐसा होता है कि आईपीए फाइल बनती है, लेकिन केस ऐसा है कि वो आईपीए फाइल आपको देता नहीं है, आप चाहें ज़बरदस्ती एक्सट्रैक्ट करना तो कर सकते हैं, वो पड़ा होता है अंदर फोल्डर में, लेकिन वो आपको मिलता नहीं है। वो आमतौर पर ये होता है कि दो चीज़ें कर सकते हैं ना उस फाइल से, करना क्या है आपने, दो चीज़ें करनी है, या तो उसको करना है पब्लिश, वो उधर ही एक्स कोड या एडिटर से ही पब्लिश हो जाता है, सारा फॉर्म आता है, फॉर्म फिल करो आप और बटन दबाओ, वो बिल्ड बना के पीछे खुद ही भेज देता है आपको, कुछ मतलब ज़्यादा आपको तकलीफ नहीं होनी पड़ेगी। आपसे कहता है डिटेल विटेल लिखो, आइकन लगाओ, स्क्रीनशॉट लगाओ और पब्लिश पीछे से खुद कर देता है। दूसरा काम आपने ये करना है कि किसी को टेस्टिंग के लिए देना है, तो टेस्टिंग के लिए जैसे एक्सपो का अकाउंट बनता है ना, अभी थोड़ा तुम लोगों ने देख लिया होगा एक्सपो का अकाउंट कैसे बनता है, इसी तरह एप्पल डेवलपर अकाउंट बनता है और उस पर आपको एक्सेस दे देता है वो। आप मिसाल के तौर पर मैं एक्सकोड खोल के बैठा हूँ, मैंने एक ऐप बना ली है, अच्छा आपको मैंने टेस्ट करने के लिए देना है, तो आप एप्पल डेवलपर अकाउंट बनाओगे और यहाँ पे मैं वो ईमेल लिख दूंगा आपको कि यार शहजाद को ये अलाउ कर दो 90 डे के लिए टेस्ट फ्लाइट, इसका नाम उन्होंने रखा है टेस्ट फ्लाइट। ठीक है, तो मैंने आपकी ईमेल ऐड कर दी। अच्छा, आपकी ईमेल ऐड जैसी की मैंने, तो अब मैं जब जब बिल्ड बनाऊँगा तो मैं ये कर सकता हूँ कि ये जो बिल्ड है ना, इसको मैं टेस्ट फ्लाइट पर अपलोड कर दूँ। सही है, अपलोड करने से क्या होगा, वो असल में आईपीए फाइल होती है, वो अपलोड हो जाती है क्लाउड में एक जगह पे, उसका एक्सेस सिर्फ मुझे और जो भी मेरे डेवलपर ऐड है, जैसे कि मैंने शहजाद को ऐड किया तो उसके पास आ रहा होगा। शहजाद उसको टेस्ट कैसे करेगा, शहजाद अपने पास एक टेस्ट फ्लाइट की एक ऐप होती है, मोबाइल ऐप जो इनके प्ले स्टोर, इनके ऐप स्टोर के अंदर पड़ी होती है पहले से, वो टेस्ट फ्लाइट की ऐप इंस्टॉल करेगा, उस टेस्ट फ्लाइट को लॉगिन करेगा सेम ईमेल से जो मुझे प्रोवाइड किया था इसने, जैसे ही करेगा अंदर वो 2 ऐप या 3 ऐप जितनी भी मैंने उसको दी हुई है ना, उसका एक्सेस आ रहा होगा, उस पर क्लिक करेगा ना, वो ऑटोमेटिकली मोबाइल में इंस्टॉल हो जाएगी और उसके ऊपर एक डॉट भी बना हुआ होगा कि ये टेस्ट फ्लाइट की ऐप है, ये रियल ऐप नहीं है, और बस क्लिक करेगा वो मोबाइल में इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद जब आप नॉर्मली जैसे ओपन करते हैं आपको वैसे ओपन होगी वो ऐप, जब जब मैं नया वर्जन अपलोड करूँगा टेस्ट फ्लाइट पर, उसके पास नोटिफिकेशन आएगी कि भाई न्यू वर्जन अवेलेबल फॉर दिस टेस्टिंग ऐप, तो वो उसको क्लिक करेगा तो नया वर्जन आ जाएगा, वरना पुराना ही इंस्टॉल हुआ रहेगा। अच्छा, 90 डे के बाद ऑटोमेटिकली वो फ़ोन से भी गायब हो जाएगा, टेस्ट फ्लाइट से भी गायब हो जाएगा, यानी जब मैं अभी अपलोड किया मैंने तो 90 डे तक वो रहता है।
ठीक है, 90 डे खत्म होने से पहले मैंने दोबारा अगर नया वर्जन अपलोड कर दिया तो वो 90 डे और बढ़ जाएगा उसका, ठीक है, तो परमानेंट नहीं होता वो, 90 डे में वो ऑटोमेटिकली वैनिश हो जाता है सब जगह से, ठीक है, मोबाइल में इंस्टॉल हुआ वो भी गायब हो जाता है, टेस्ट फ्लाइट पे से भी वो नज़र आना बंद हो जाता है, ठीक है, अगर 90 डे के बाद वो दोबारा चाहिए तो मैं दोबारा से यहाँ से इनेबल करूँगा जब चलता है वो। हाँ सर, ये जो प्ले स्टोर iOS स्टोर पे ऐप भेजते हैं तो वो टेस्ट करते हैं फिर अप्रूव करते हैं? iOS में तो ह्यूमन टेस्टर बिठाए हैं, वो अप्रूव करते हैं। गूगल में भी कुछ लोग अब कह रहे हैं कि उन्होंने ह्यूमन टेस्टर बिठा दिए, लेकिन मोस्टली वो ऑटोमेटेड कोई सिस्टम है उनका, उससे टेस्ट होती है उसमें। और कोई सवाल? क्राइटेरिया क्या हाई होता है? नहीं, असल में देखो डिज़ाइन गाइडलाइंस होती हैं, वो तो सब जगह होती है। मिसाल, मैं तुम्हें एक मिसाल देकर समझाता हूँ। एक आपने चैट ऐप बनाई, अब चैट ऐप आपने बना के पब्लिश कर दी ऐप स्टोर में, अब वो आपकी चैट ऐप को ना चला के देखते हैं, वो कहते हैं यार एक अकाउंट आप बनाओ, अगर तो पब्लिक अकाउंट है तो आप लिख दो कि पब्लिक अकाउंट है, खुद साइन अप कर लेगा वो। अगर पब्लिक अकाउंट नहीं है, सिर्फ आप साइन अप करवा सकते हो, पेड अकाउंट है, तो वो कहता है मुझे एक अकाउंट बना के दो टेस्टर, टेस्टिंग इंस्ट्रक्शन में वो अकाउंट से लॉगिन करेगा, वो चला के देखेगा। अच्छा, अगर 1-to-1 चैट है तो फिर 2 या 3 अकाउंट बना के दो उसको आप, जो दो बंदे 2 अलग अलग डिवाइसेस में वो लॉगिन करके बैक टू बैक मैसेज करके देखेगा। समझ रहे हो ना, ये ऑब्वियस बात है ना, ये तो वो आप नहीं दोगे अगर अकाउंट उसको, तो वो देखते रिजेक्ट मारेगा कि अच्छा यार 1-to-1 चैट की ऐप है, इसने 2 अकाउंट नहीं दिए, रिजेक्ट, वो रिमार्क्स लिख देगा कि ऐप नहीं। अब वो अंदर खुलेगा, अंदर क्या है वो बाद में चेक होगा। आपने ये अकाउंट लगा दिया, फिर आपने दोबारा पब्लिश किया, उसने चैट जब की दो लोगों ने आपस में, तो आपके पास डिलीट का ऑप्शन होना ज़रूरी है। किसी भी चैट ऐप में जो iOS के स्टोर में मौजूद है, उनकी ये डिज़ाइन गाइडलाइन है, उनका ये रेगुलेशन है कि अगर मिसाल के तौर पे मैंने आपको कोई इनअप्रोप्रिएट मैसेज भेज दिया, आपको भेज दिया मैंने, तो आपको वो नज़र आता रहेगा, तो आपके पास ये ऑप्शन होना चाहिए कि आप उसको हाइड कर दें या डिलीट कर दें। ये अगर ऑप्शन नहीं होगा वो चैट ऐप को अप्रूव नहीं करेंगे। ये एक छोटी सी बात है और ये ऑब्वियस बात है ना। अच्छा, वो लिख के भेजेंगे आपके पास कि भाई चैट ऐप के अंदर डिलीट का ऑप्शन अगर नहीं होगा तो हम रिजेक्ट कर देते हैं, डॉक्यूमेंट में फला जगह जाके देख लो, हमने ये बताया है, और भी सब देख लो, पूरी लिस्ट है वहाँ पर, उसको पूरे को अच्छे से रीड कर लो, सही है ना। तो वो एक दो बार रिजेक्ट करेंगे, आप जो जो चीज़ें बताते जा रहे हैं आप उसको फिक्स करते जाओ, वो अल्टीमेटली आपको खुद ही पता चल जाएगा वक्त के साथ साथ कि अच्छा यार क्या चीज़ कैसे होती है, सही है। तो ये और बिल्कुल सही बात है ये, क्योंकि आपकी ऐप का एक्सपीरियंस अच्छा होने से आपकी ऐप का भी भला है इसमें, और उस इकोसिस्टम में जो यूज़र है, असल में तो एप्पल को तो अपना यूज़र बचाना है। एप्पल का यूज़र जो है, मिसाल के तौर पे अगर मैं एक एप्पल का यूज़र हूँ, मैं कोई ऐप डाउनलोड करता हूँ और मेरा एक्सपीरियंस बहुत बैड रहता है उस ऐप के साथ, तो मैं इवेंचुअली एप्पल का इकोसिस्टम छोड़ के जा सकता हूँ। इतना बड़ा रिस्क है उनके लिए, ये उन्होंने बहुत सालों लगा के और बहुत मेहनत से ना ये इकोसिस्टम तैयार किया, लोगों को पकड़ पकड़ के इसके अंदर डाला है, सही है। तो मार्केटिंग के ज़रिए पैसे लगा के और डिज़ाइन को थोड़ा चमक धमक वाला डिज़ाइन करके और पैसे बढ़ा के और पता नहीं क्या किया, वो तो आइकन बना दिया है कि ठीक है भाई आईफोन होगा बंदे के पास तो बंदा है, वरना बंदर है ना। तो बड़ी मुश्किलों से उन्होंने ये किया। तो वो आपके किसी बेवकूफ़ी की ऐप की वजह से उसका यूज़र उसका इकोसिस्टम छोड़ के चला जाए, ये तो बहुत अजीब सी बात है। तो वो एक तो ये बचा रहा है, दूसरा आपकी ऐप जब आपका यूज़र यूज़ करेगा ना, उसका एक्सपीरियंस अच्छा होगा, अगर अच्छा नहीं हुआ तो आपकी ऐप छोड़ के जाएगा, तो दोनों का स्टेक है इसमें। तो जो उन्होंने बंदा बिठाया हुआ है वो दोनों के स्टेक पर बिठाया हुआ है, कि आपका यूज़र अगर जैसे मिसाल के तौर पर OLX है ना, आईफोन पर सही नहीं चलता, सही है, एंड्रॉयड पर पता नहीं, मुझे नहीं पता, iOS पर सही नहीं चलता, क्योंकि जब से मैं आईफोन पर मूव हुआ हूँ, जब से मैंने देखा है कि वो OLX गड़बड़ है, वेब में बिल्कुल सही चलता है, वेब में कोई मसला नहीं है, और इसमें जर्क मारता है OLX। अच्छा, इस तरह कुछ और भी कुछ ऐप्स हैं, जैसे WhatsApp ना कुछ जगहों पे iOS में पागल हो जाता है, जैसे अगर मैंने अचानक लैंडस्केप से वापस किया ना, तो समटाइम अभी जो नई रिलीज़ आई है उसमें ये मसला है, जब मैं लैंडस्केप में कर दूँ अचानक और अचानक सीधा करूँ ना, तो वो लैंडस्केप में ही अटक जाता है, यानी पोर्ट्रेट हो जाता है और मुझे आधी स्क्रीन दिख रही होती है लैंडस्केप वाली, इस तरह की उसमें प्रॉब्लम्स हो रहे हैं इस वक्त।
ठीक है, अब पता नहीं मेरे पास मैसेज बहुत ज़्यादा फुल है इस वजह से या कोई और रीज़न है, तो अगर इवेंचुअली मैं व्हाट्सएप छोड़ के जा सकता हूँ इस वजह से, तो दोनों का स्टेक है इसके अंदर, इसलिए वो जितना सख्त हो उनका क्राइटेरिया उतना अच्छा है। ठीक है, फिर जो यूज़र है ना और कंपनीज हैं, जो जितने भी गेम्स बनते हैं आपको पता है वो पहले iOS पर रिलीज़ होते हैं, पहले iPhone पर रिलीज़ करते हैं, क्योंकि उनको पता है कंपनी वाले कंफर्टेबल हैं कि iPhone पे जो मैं ऐप रिलीज़ करूँगा उसको कोई हैक नहीं करेगा, वो सेफ है वहाँ पे, लोग पैसे देंगे, पायरेट नहीं हो सकता वहाँ पे से वो, और मेरा जो यूज़र है वो भी कंफर्टेबल है, वो उसको अगर मैं कुछ दिखा रहा हूँ कि यार ये पेमेंट होती है, तो वो ये नहीं समझेगा कि स्कैम है, वो समझेगा हाँ यार जेन्युइन है, क्योंकि पेमेंट का स्कैम आईफोन की ऐप में नहीं हो पाता। ठीक है, तो वो सिक्योर फील करता है यूज़र, और इसलिए कंपनियां आती हैं, कंपनी भी अट्रैक्ट होती है, यूज़र सिक्योर फील करता है, वो भी अट्रैक्ट होता है, ये पूरा इकोसिस्टम बना ही इसी तरीके से, उस सिक्योरिटी की वजह से, उस स्ट्रिक्टनेस की वजह से। वेल, जल्दी से आके हम बटन लगाते हैं यहाँ पे, क्योंकि हमारा जो टाइम है ना वो ऑलमोस्ट ख़त्म शुद है। अच्छा, बटन के ऊपर आ जाते हैं जी हम, और जल्दी से हम क्या कर लेते हैं, बटन का जो है ना यहाँ पे एक मुन्ना अटैच कर देते हैं। अच्छा, ऑन प्रेस के ऊपर अभी मैंने कुछ भी नहीं दिया इसको, तो ऑन प्रेस ही हटा देता हूँ मैं फ़िलहाल, ताकि बटन मुझे दिखे कैसा दिख रहा है। अच्छा, अब क्या दे दिया इसने ये, अच्छा बटन इम्पोर्ट नहीं है, सही है, बटन इम्पोर्ट हो गया भाई। अच्छा, बटन को इसने कलर को दिया हुआ है वाहियात, लेकिन मैं कलर हटा देता हूँ इसका, ताकि वो ब्लू जो इसका बेसिक जो कलर है उस पर आ जाए वो, और मैं यहाँ पे बोलूँ लॉगिन। सही है, लॉगिन का मैंने बटन बना दिया। अच्छा, इसकी जो विड्थ है वो मैं चाहता हूँ कि फुल विड्थ हो जाए इसकी, तो मैं उसके लिए क्या करूँगा, अच्छा ये मेरा जो व्यू है ग्रीन कलर का ये है, और टेक्स्ट जो है समहाउ मेरा टेक्स्ट जो है वो 100% इसकी वो नहीं है, विड्थ इसकी 100% नहीं है समहाउ, सही है 100% विड्थ कुछ इतनी ही थी, तो मैं क्या करता हूँ दोनों को ना विड्थ 100% डिफाइन कर देता हूँ। सही है, मैंने दोनों टेक्स्ट इनपुट की विड्थ 100% कर दी, और बटन पे भी आ गया ना, मैं कुछ इसी तरह की बात लिख देता हूँ कि भाई हंड्रेड परसेंट, अबे विड्थ क्यों नहीं हो रहा 100% इसका भाई, पैरेंट तो वही है इसका भी, ओके गॉट इट, बटन पे स्टाइल का टैग एक्सेप्टेबल नहीं होता, ये मुझे अभी याद आया, बटन पे जो है ना स्टाइल का टैग नहीं लग सकता, सही है बटन जो है वैसा ही रहेगा। अच्छा, ये फुल विड्थ कैसे होगा बटन, वो बाय डिफ़ॉल्ट ही फुल विड्थ होगा, अगर उसका जो पैरेंट है अगर फ्लैक्स स्ट्रेच विस्ट्रैच दिया हुआ है ना इसके पैरेंट को, मिसाल के तौर पर मैं अगर इसके पैरेंट पर आता हूँ बजाय इसको विड्थ 100% देने के ना, मैंने दोनों का विड्थ 100% हटाया, और आके जो पैरेंट है इसका, इसका मैंने अलाइन आइटम सेंटर बोला हुआ है ना, इसको अगर अलाइन आइटम में बोल दूं स्ट्रेच, अरे भाई तो ये तीनों स्ट्रेच हो गए, तो ये अपने पेरेंट की वजह से स्ट्रेच हो जाए तो वो बात अलग है, लेकिन वैसे स्टाइल का जो टैग है उसमें वो एक्सेप्टेबल नहीं है। लेकिन स्ट्रेच करने से देखो एक मसला हुआ है, मेरा जो इनपुट बॉक्स था ना ये उससे भी बड़ा हो गया, उससे बड़ा इस वजह से हुआ है क्योंकि इनपुट बॉक्स में मार्जिन लगा हुआ है 5-5 पिक्सल का, इसमें मार्जिन नहीं है, ये पूरा कोने तक गया है। ठीक है, तो बजाय शायद उसमें मुझे मार्जिन देने के मुझे इस ग्रीन वाले को पैडिंग देनी पड़ेगी अब, सही है, बजाय मैंने जो टेक्स्ट वाले को जो मार्जिन दिया हुआ है ये मार्जिन हटाना पड़ेगा मुझे, और इसका जो ग्रीन वाला जो ये डब्बा है, ये वाला जो ग्रीन डब्बा है, मुझे इसके अंदर आके क्या देनी पड़ेगी, पैडिंग देनी पड़ेगी। ठीक है, 5 कॉमा,
अरे भाई सही है। अच्छा पैडिंग देने से देखो क्या हुआ, इनपुट बॉक्स आपस में चपक गया, तो मुझे फिर दोनों इनपुट बॉक्स को मार्जिन बॉटम एटलीस्ट मुझे देना पड़ेगा ताकि आपस में दूर होंगे। ठीक है, तो देखो बटन का जो एलिमेंट है वो स्टाइल एक्सेप्ट नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी मैं स्टाइलिंग कर रहा हूँ। मिसाल के तौर पे मैंने मार्जिन देना है तो मैं बटन को नहीं दूंगा, इसके ऊपर वाले को दे दूंगा, तो वो अप्लाई हो जाएगा। नहीं, दूर करना मकसद है वो पूरा हो जाएगा। तो मैं आपके अब क्या करूँगा, यहाँ पे मैं बोलूँगा कि मार्जिन बॉटम 5, सही है, मार्जिन बॉटम 5 यहाँ दे दिया मैंने, और इसी तरीके से मैं यहाँ पे भी दे दूंगा मार्जिन बॉटम 5। सही है, तो देखो मेरा जो पर्पस था वो एक्चुअली अचीव हो गया। अच्छा इसी तरीके से बॉर्डर रेडियस देखो इस पे लगा हुआ है, लेकिन बटन पे नहीं लग सकता ये, क्योंकि बटन स्टाइल एक्सेप्ट नहीं करता। अब बटन क्या क्या एक्सेप्ट करता है वो यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, कि कलर क्या होगा बटन का, टाइटल क्या होगा, ऑन प्रेस पे क्या होगा, ठीक है, डिसेबल तो नहीं होगा कहीं, नेक्स्ट फोकस डाउन, ये अच्छा दो बटन का मतलब है, ग्रीन वाला एंड्रॉयड, ये वाला iOS, ये दोनों पे अवेलेबल है ये वाला, ठीक है, जिस पे कुछ नहीं लिखा हुआ वो भी दोनों पे ही अवेलेबल है, लेकिन देखो जिस पे सिर्फ iOS लिखा हुआ है ये एंड्रॉयड पे वर्क नहीं करेगा, देंगे आप तो एंड्रॉयड पे लेकिन कोई इम्पैक्ट नहीं होगा इसका, ठीक है। इसी तरीके से टच साउंड डिसेबल, एंड्रॉयड के अंदर सम टाइम बटन के क्लिक पे टक 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 ऐसे आवाज़ आती है ना, वो डिसेबल अगर करना है कि इसके क्लिक पे वो ना आए तो आपने डिसेबल इसमें पास करना है, ठीक है। तो अच्छा एक रिपल करके भी एक आ रहा है इसमें, रिपल करके भी एक था इसके अंदर कि वो एंड्रॉयड पे ना रिपल करेगा, कहाँ गया वो, गायब हो गया, पता नहीं, नहीं आ रहा अभी। अच्छा इसका जो दूसरा नया वाला मंजन है ना वो ये है प्रेसेबल, प्रेसेबल जो है वो क्या है, वो काइंड ऑफ एक डिव है, काइंड ऑफ एक व्यू है वो, जो उन्होंने कस्टम कुछ जुगाड़ गड़गड़ करके बनाया है, तो दिखेगा ये मतलब एक व्यू की तरह, एक टेक्स्ट व्यू की तरह दिखेगा। इसका बैकग्राउंड सेट करो आप, इसका बॉर्डर रेडियस लगाओ आप, इसके क्लिक पे कुछ काम करा दो आप, वो सारे काम इस पे होते हैं, लेकिन वो काइंड ऑफ एक कस्टम होता है, ठीक है, वो बटन जैसा उसको बनाना पड़ेगा आपको, वो खुद से बटन जैसा नहीं बन के आएगा। अच्छा जी, तो ये मेरे पास क्या हो गया, एक काइंड ऑफ लॉगिन की मेरे पास एक यूआई बन गई। अब मैंने अगला काम क्या करना है, इस लॉगिन के ऊपर जो मुझे टेक्स्ट का जो इनपुट है वो स्टेट में सेव करवाना है ऑब्वियसली। आज जो स्टेट बना लेते हैं, स्टेट में कहाँ से जुगाड़ करूँगा, स्टेट में उठाऊँगा रिएक्ट से, और मैं कहूँगा कि यार यूज स्टेट, सही है, ऐसे करके यूज स्टेट मैंने रिएक्ट से उठा लिया, और यूज इफेक्ट भी उठा सकता हूँ मैं चाहूँ तो। अच्छा अब मैंने यहाँ पे आके क्या बनाना है, एक स्टेट तैयार करना है, मैंने कहा कॉन्स्ट ईमेल इक्वल्स टू, सॉरी नॉट लाइक दिस, ईमेल कॉमा सेट ईमेल इक्वल्स टू यूज स्टेट, और शुरू में ये एम्प्टी स्ट्रिंग होगा, सही है। इसी तरीके से क्या होगा, एक अदद ये पासवर्ड होगा, सही है, पास और सेट पास, ये दो चीज़ें मैंने यहाँ पे लगा दी। अच्छा अब इन्हीं दोनों का मैंने क्या करना है, यहाँ पे ऑन टेक्स्ट चेंज करके जो इसने बताया हुआ था वो वाला काम करना है। आ जाओ देख लेते हैं टेक्स्ट चेंज इसने कैसे लगाया था, ये रहा टेक्स्ट इनपुट, चल जा भाई यार इंटरनेट भी आज कुछ मस्ती कर रहा है, टेक्स्ट इनपुट देखो ये ऐसे लगाया इसने ऑन टेक्स्ट चेंज, तो हम भी सेम ऐसे ही लगा देंगे, सेम वही रिएक्ट वाला हिसाब किताब है, कोई ज़्यादा कुछ ऐसा डिफरेंस नहीं है इसमें। ये मैंने ऑन टेक्स्ट चेंज यहाँ पे लगा दिया, और ऑन टेक्स्ट चेंज के ऊपर जो फंक्शन की डेफिनेशन है इसकी वो कहाँ गई, अच्छा ये यूज स्टेट इसने डायरेक्ट पास कर दिया, गुड यार सही है, तो बस ठीक है, यूज स्टेट डायरेक्ट भी पास कर सकता हूँ, ये मुझे नहीं पता था। तो मैं ऑन टेक्स्ट चेंज नहीं पास करूँगा इस पर, मैं सेट ईमेल पास करूँगा, राइट, ऐसे करके सेट ईमेल पास करूँगा मैं, सही है, सेट ईमेल यहाँ पे पास कर दिया मैं। अच्छा दूसरे वाले पे आके मैं सेट पास इस पर सेट कर दूंगा, सेट पास, ठीक है। तो अब इसका मतलब है यहाँ जब मैं लिख रहा हूँ तो क्या हो रहा होगा, वेरिएबल में स्टोर हो रहा है,
अच्छा इस वेरिएबल को अगर रियल टाइम में मुझे डिस्प्ले करवाना है तो मैं क्या करूँगा, बटन के नीचे ऐसे यहाँ पे मैं लगा दूँगा ईमेल कि जो भी ईमेल में वो मुझे डिस्प्ले करवा दो, ठीक है, जो भी स्टेट में था वो यहाँ पे डिस्प्ले हो गया फौरन फौरन। लेकिन मुझे एक्चुअली यहाँ पे डिस्प्ले उसको नहीं करवाना है, मुझे बटन के क्लिक पे उसको कुछ सेटिंग करनी है उसके साथ। अच्छा तो बटन पे जो है वो ऑन प्रेस करके फंक्शन लगेगा, ठीक है, मैं उसको कह देता हूँ कि भाई सबमिट हैंडल हैंडलर, सही है, सबमिट हैंडलर के नाम से एक फंक्शन ऊपर मैं बना देता हूँ, सबमिट हैंडलर इक्वल्स टू अ फंक्शन, सही है। और सबमिट हैंडलर में मैंने क्या करना है, अब यहाँ पे उसको मैं आगे एक्जियोस पे लेके जाना है, लेकिन मैं फ़िलहाल के लिए क्या कर देता हूँ, कॉन्सोल पे प्रिंट करवा देता हूँ, राइट, नहीं चलो अलर्ट करा देता हूँ। हाँ कॉन्सोल होता है इसके अंदर, उस कॉन्सोल को आप देख भी सकते हैं, लेकिन अभी वहाँ तक हम पहुँचे नहीं हैं, ठीक है, इसलिए उसको छोड़ देते हैं। तो मैं इसको कह देता हूँ कि भाई जो भी बंदे ने लिखा है ना यहाँ पे ईमेल और साथ में पास, सही है, यहाँ पे मैं लिखूँगा कि भाई यू एंटर ईमेल और साथ में पासवर्ड, इसको मैं डिस्प्ले करवा देता हूँ जस्ट टू मेक श्योर कि वो मुझे सही मिल रहा है। तो मैंने कहा abc@gmail.com और 123123, ये मैंने, अच्छा पासवर्ड वाला इनपुट जो है उसमें टेक्स्ट शो हो रहा है अभी तक, तो इसका कुछ करते हैं अभी, ठीक है, तो ये यू एंटर्ड में ये दोनों बातें यहाँ पे लिखी हुई आ गई मेरे पास, ठीक है, जो मैंने यहाँ पे कंसोल किया था वो यहाँ पे लिखा हुआ आ गया। अच्छा ये तो टेक्स्ट इनपुट में जाके हमें पासवर्ड में वो दिखाना पड़ेगा, अच्छा ऑटो कंप्लीट भी इसमें लगा देते हैं। ऑटो कंप्लीट से बेनिफिट क्या होता है वो आप लोग जानते हैं कि मोबाइल ऐप में जब कोई क्लिक करता है तो वो ऑटोमेटिक सजेशन देना शुरू कर देता है, तो वो करंट पासवर्ड होगा मेरा एक्चुअली ऑटो कंप्लीट, सही है। तो मैं क्या करूँगा, ये पासवर्ड वाले पे जाके मैं सबसे पहले तो ये लगा देता हूँ कि भाई ऑटो कंप्लीट इक्वल्स टू करंट पासवर्ड, ठीक है, और ऑटो कंप्लीट करंट पासवर्ड से जो है वो हिडन तो खैर नहीं हुआ, तो अब मैं आगे चलता हूँ और यार वो किस नाम से है, विजिबल पासवर्ड, हाँ कीबोर्ड टाइप भी तो मैंने देनी है ना कि इस पे जब खुले तो कीबोर्ड टाइप कौन सी हो, तो कीबोर्ड टाइप मैं नहीं, विजिबल पासवर्ड इज़ नॉट अ कीबोर्ड टाइप, वेल कीबोर्ड टाइप में सबसे पहले तो ईमेल डैश एड्रेस लगा देता हूँ, किस पे भला, ये जो मेरा ईमेल इनपुट है, ठीक है, कीबोर्ड टाइप में मैं लगा देता हूँ इसमें ईमेल डैश एड्रेस, सही है, ईमेल एड्रेस जैसे ही मैं लगाऊंगा तो ये ईमेल वाला कीबोर्ड खोलेगा। अच्छा ईमेल वाला कीबोर्ड अभी खुलता हुआ दिख रहा नहीं है, अभी वो भी देखते हैं कि वो कैसे दिखता है। अभी टेक्स्ट इनपुट में ज़रा ये पासवर्ड हाइड कैसे होता है वो जल्दी से ढूंढ के निकाल लेते हैं। टेक्स्ट अलाइन पासवर्ड रूल टेक्स्ट टेक्स्ट वैल्यू, हाँ भाई पता है किसी को पासवर्ड कैसे हिडन शो होगा, पासवर्ड रूल में जाके देख लेते हैं। नहीं ये तो कुछ और चीज़ है। अच्छा इसके टॉप पे कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं, अगर वहाँ पे इन्होंने कोई पासवर्ड बताया हुआ हो तो, पासवर्ड का जिक्र यहाँ पे भी नहीं है। हाँ टेक्स्ट इनपुट में लोगों ने सवाल पूछा हुआ है कि ये कैसे हाइड होगा भाई, यू नीड टू सेट सिक्योर टैक्स एंट्री प्रॉप, ठीक है, इसके प्रॉप का नाम है सिक्योर टैक्स एंट्री, ये रहा सिक्योर टैक्स एंट्री, अगर मैं इसको ट्रू कर दूंगा तो ये पासवर्ड फिर शो नहीं करेगा। आ जाओ ट्रू कर देते हैं,
सही है, ट्रू हो गया। अब ये पासवर्ड जो है वो पासवर्ड की तरह से शो होगा। तो ये हमारी जो स्क्रीन थी टैक्स लॉगिन वाली स्क्रीन, ये कंप्लीट हो गई है। अच्छा, जब मैं सबमिट का बटन लगाऊंगा इस पर मैं वैलिडेशन भी करूंगा कि भाई ये वाकई ईमेल मिला है मुझे या नहीं मिला, ठीक है, वो फॉर द रीज़न कि अगर किसी ने एक्सटर्नल कीबोर्ड लगाया वो। अच्छा, अब इसको मुझे एंड्रॉयड पे चला के देखना है कि एक्चुअली ये एंड्रॉयड पे दिखेगा कैसा। एंड्रॉयड पे क्लिक किया, टैप टू प्ले, ये एक्चुअल डिवाइस पे आपको चला के देगा। ये पीछे इन्होंने सिमुलेटर लगाया हुआ है, तो हमारा जो क्यू में पोजीशन है वो नंबर 2 है, तो हमें थोड़ा सा इसके लिए वेट करना होता है कि डिवाइस फ्री हो जाए। अच्छा, इतने में हम iOS ज़रा देखते हैं, iOS पे इसमें क्यू नंबर 3 है हमारा, ये ले भाई 4 पे आ गया। अच्छा, रन इट टू योर फोन करके मैं अपने फ़ोन में भी चला सकता हूँ अगर मेरे पास एक्सपो की ऐप इंस्टॉल है तो। वेल, मैं अभी उस तरफ जाना नहीं चाह रहा हूँ, मैं भी चाह रहा हूँ कि हम यहीं पर नहीं, ये अभी तो सिंपल रखना चाह रहा हूँ चीज़ों को। हाँ, वैसे तो ये डायरेक्ट डिवाइस पे चलती है। हाँ, एंड्रॉयड आपके कनेक्ट है तो एंड्रॉयड पे डायरेक्ट आप रन करोगे, यहाँ डिवाइस रखी हुई होगी, तार से कनेक्ट होगी, इधर चेंज करोगे डायरेक्ट डिवाइस पे चेंजेस दिखती है। ठीक है, ब्राउज़र ब्राउज़र का सीन नहीं है, एक्सपो के अंदर जो झोलझाल किया हुआ है ना ब्राउज़र पे चलेगा पहले, वो वाला सीन नहीं है। सही है, नहीं नहीं मतलब ऐसा नहीं है कि चलती नहीं है, लेकिन अगर आप iOS और एंड्रॉयड के लिए बना रहे हैं तो फिर आप ब्राउज़र पे क्यों चलाएंगे उसको। रिएक्ट नेटिव की जो अपनी CLI है ना, उसको ब्राउज़र पे नहीं चलाते हैं, उसको डायरेक्ट डिवाइस पे चलाते हैं। एक्सपो के अंदर ये उन्होंने दिया हुआ ऑप्शन के चलो यार वेब में ही चला लो आप। ये हमारी भाई ऐप एंड्रॉयड के ऊपर ना रन हो गई एक्चुअली। अब एंड्रॉयड पे जब रन होगी ना तो हमें एक्चुअली फिजिकल डिवाइस में दिखेगा कि वो कंपोनेंट कौन से इसके अंदर दिखा रहा है और क्या उसका बिहेवियर है, आया कि कहीं पे पैडिंग वैडिंग कम ज़्यादा तो नहीं हो गई है। नहीं, असल में तो ये सिमुलेटर है ना, वो वर्चुअल डिवाइस है एक तरह की, ये वर्चुअल डिवाइस ऑन होने में टाइम लगता है। बनी भी ऐप नहीं, अगर तुमने खुद बनाई है रिएक्ट नेटिव पे वो, तो रिएक्ट नेटिव पे वो एडिट भी होगी ज़ाहिर है। अरे ये क्या हुआ, अटक गई है यार ये ऐप तो। हाँ, US पे चला के देख लेते हैं पहले यार। क्या कर सकते हैं फॉर्मिंग देख लेना, आई एम नॉट श्योर। यार मैंने ना रिएक्ट नेटिव पे पिछले 2 सालों से काम नहीं किया। सही है, तो एक्सप्रेस पे तो देखो रिक्वेस्ट भेज रहे होते हैं ना, हम फ्रंट एंड से रिक्वेस्ट भेजते हैं हम एक्सप्रेस पे, तो एक्सप्रेस को तो ये नहीं पता होता फ्रंट पे क्या है। हाँ, रिएक्ट नेटिव से अगर तुम्हारा सवाल ये है कि क्या रिएक्ट नेटिव से हम फॉर्म डेटा की रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, इसका जवाब है हाँ भेज सकते हैं। देखो iOS पे चलते ही मुझे सबसे पहली चीज़ क्या पता चली कि ये मेरा जो आइकन है ना ये घुस रहा है नॉच के अंदर जाके। सही है, लॉगिन का बटन जो है वो कुछ लिखूँ इसके अंदर मैं, अलर्ट आ गया 2 दफ़ा, बहुत ही ज़्यादा स्लो फील करा रहा है ये। अब ये पता नहीं क्या चक्कर है, डिवाइस मुझे आधी पता नहीं क्यों दिखा रहा है ये। वेल, मैंने यहाँ पे कुछ ईमेल वीमेल लिखा और अब मैं पासवर्ड वाले में जैसे ही आऊँगा तो यहाँ पे मुझे पासवर्ड वाला दिखना चाहिए, बट मुझे ये ऐप ही इतनी ज़्यादा आधी करके दिखा रहा है। स्लो डाउन किया है, बिल्कुल बहुत स्लो डाउन किया। अच्छा, तो मुझे ना यहाँ पे वो सेफ एरिया वाला वो लगाना चाहिए। सही है, सेफ एरिया व्यू मुझे इसके अंदर लगाना चाहिए ताकि वो उस एरिए के अंदर ही वो करे जो भी उसने मंजन करना है। सही है, ये जो मेरा टॉप वाला जो व्यू है ना
इसके भी बाहर मैं क्या कर रहा हूँ, सेफ एरिया व्यू लगा रहा हूँ। ऊपर से इंपोर्ट नहीं हुआ भाई। सही है, सेफ एरिया व्यू लगाते ही ये बिल्कुल नॉच वॉच से दूर हो गया। यानी यहाँ से अब इसने शुरू किया है यूआई जो सेफ एरिया है। तो सेफ एरिया भी आप ऑब्वियसली समझ गए आपके क्या चीज़ है, ठीक है। इसी तरीके से एंड्रॉयड में भी आजकल नॉच वॉच आ रहे हैं काफ़ी सारे। तो वेल आपने क्या करना है, इस पर चला के देखना है क्योंकि इस पर ये बहुत ही स्लो चल रहा है, तो इसको हम फिलहाल यहीं तक रखते हैं। तो आज की क्लास में हमने क्या किया, हाँ बॉर्डर भी इसमें नज़र नहीं आ रहा, बॉर्डर भी इसमें नज़र नहीं आ रहा। अच्छा एंड्रॉयड पे भी चलो लगे हाँ, तो चला के देख ही लेते हैं हम। 3 है इसके अंदर अभी हमारा, अच्छा जितना भी हमने पढ़ लिया है कंटेंट, इतना पढ़ने के बाद आप लोगों के अंदर मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इतना कॉन्फिडेंस आ जाना चाहिए कि जो 3 स्क्रीन की ऐप हमने बनाई है रिएक्ट नेटिव, रिएक्ट पे लास्ट जो चैट ऐप, उसका यूआई तो इसमें बन जाएगा आपसे, सही है। अच्छा तो आपने क्या करना है, फौरी तौर पर जाके ये इधर इधर आपने ये कोड, अच्छा ये कोड सेम है, ये कोड एज इट इज़ उठा के पेस्ट करोगे ये चल जाएगा, इसमें कोई एरर नहीं आएगा। अगर यहाँ नहीं आ रहा तो वहाँ पे भी नहीं आएगा। नेटिव इस वक्त कंपोनेंट कोई आपको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, जो 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 अलग से है ना डायरेक्टरी वाला, नेटिव डायरेक्टरी, वहाँ से कुछ भी उठाने की फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। उधर से कुछ उठा लिया ना अगर अभी, तो बस फिर उसी में अटके रहोगे, फिर कुछ नहीं हो पाएगा, सब वहीं रुक जाएगा। तो अभी कोर कंपोनेंट को इस्तेमाल करते हुए जो चैट की स्क्रीन है, जो 3, 4, 5 जितनी भी स्क्रीन है, फॉरगेट पासवर्ड की, लॉगिन की, साइनअप की, डैशबोर्ड की, यूज़र का लिस्ट आता है, चैट की स्क्रीन आती है, उसमें टेक्स्ट बॉक्स वॉक्स आता है, वो सारा आपने इधर डिज़ाइन करना है। अच्छा वंस आप इधर डिज़ाइन कर लोगे ना, तो आपने फिर करना क्या है, ये वाला बटन देख रहे हो, इसको दबाओगे ना जब इस बटन को, तो ये सेव हो जाएगा कहाँ पर जाके, एक्सपो के अकाउंट में जाके सेव हो जाएगा। इसको ये इधर ही बनाओगे ऑफकोर्स, और कहाँ बनाओगे। भाई एंड्रॉयड तो चलने का नाम नहीं ले रहा। वेल मैं तुम्हें करके दिखा रहा हूँ कैसे करना है। क्लिक किया इसके ऊपर मैंने, इसको एक नए टैब में खोल दिया इसने, मेरे ही कोड को, वही कोड है ये। यहाँ पे बटन आ रहा है सेव का, यहाँ पे देखो नाम लिखा हुआ आ रहा है। मैंने कहा भाई लॉगिन स्क्रीन SMIT और सेव का बटन दबा दिया मैंने। क्या लिखा हुआ है, योर स्नैक वॉज सेव्ड, यू कैन नाउ फाइंड योर स्नैक इन योर प्रोफाइल। अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ जाऊँगा माई स्नैक्स में जाऊँगा, मैं वो टैब बंद कर दिया मैंने, ये देखो लॉगिन स्क्रीन SMIT, खोलूँगा इसको ये वहीं से खुलेगा, वेब पे क्लिक करूँगा ये स्क्रीन रन होके आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा देर में आ रही है वेल, लेकिन ये आ गई, ठीक है, थोड़ी देर में आई लेकिन आ गई। अच्छा तो मैं और स्नैक दिखा देता हूँ एक, मैं ये मैं वापस गया माय स्नैक्स, ये देखो यहाँ पे एक और स्क्रीन दिख रही है लॉगिन स्क्रीन के नाम से, ठीक है। ये मैं जब कल रात को प्रैक्टिस कर रहा था आप लोगों को पढ़ाने के लिए, तो मैंने ये स्क्रीन बनाई थी, ठीक है, जिसमें ये लॉगिन पे क्लिक करने से ये 1, 2, 3 हो रहा है। तो ये वही कोड है सेम। तो इस जगह पे रहते हुए आपने क्या करना है, जितनी भी स्क्रीन है जो चैट ऐप के अंदर मौजूद है, जो लास्ट हमने बनाई थी, वो सारी स्क्रीन आपने बना के लानी है अगली क्लास में, ठीक है। ताकि अगली क्लास में जैसे ही हम हेलो वर्ल्ड कंप्लीट करेंगे, तो आप में से किसी एक की स्क्रीन उठाऊंगा मैं, आप मुझे लिंक, ये पब्लिक होता है, लिंक भेजेंगे मुझे मिल जाएगा, आप में से किसी एक से मैं ये लूँगा लिंक, और ये 3-4 पेजेस एक ही झटके में हम बना देंगे। और जस्ट उसमें फिर हमने क्या करना है, एक्सपो लगा के, और बल्कि एक्सपो भी लगा पाओ, सिर्फ URL सेट करूँ मैं और डेटा चला जाए, है ना, यही होगा ना उसमें। तो जो सारा काम रिएक्ट में करते थे वो करने के काबिल हो गए हैं आप राइट नाउ। अभी जिन लोगों ने एक्सपो में बना ली थी है, वो तो डिवाइस में भी चल जाएगा वो तो, लेकिन एक्सपो में बहुत घनचक्कर है,
वो एक्सपो वाले असल में करते ही हैं, एक्सपो में जब आपको बिल्ड निकालनी होती है एपीके फाइल, तो वो कहते हैं कि पूरा का पूरा सोर्स कोड उठा के हमारे क्लाउड पे भेजो, हम आपको एपीके जनरेट करके देंगे, क्लाउड में हम कैसे करते हैं वो हमारा मसला है। सही है, रिएक्ट नेटिव की सीएलआई में ऑन अदर हैंड ऐसा नहीं होता, रिएक्ट नेटिव की सीएलआई में आपकी मशीन में कंपाइल होता है सब कुछ। तो एक्सपो अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो आपके पास फिर वो सम टाइम बॉटलनेक बनता है आपका इंटरनेट, अगर आपका इंटरनेट स्लो है या कोई प्रॉब्लम है ऐसी और आपको सबसीक्वेंट बिल्ड्स निकालनी पड़ रही है तो बड़ा प्रॉब्लम होता है। अगर रिएक्ट नेटिव की सीएलआई में कर रहे हैं तो आपका प्रोसेसर या रैम आपका बॉटलनेक बन सकता है, या आपका ऑपरेटिंग सिस्टम आपका बॉटलनेक बन सकता है कि भाई आप डिवाइस आपके लैपटॉप के अंदर बिल्ड हो रहा है लेकिन आपके लैपटॉप का प्रोसेसर स्लो है तो वो देर में बिल्ड कर रहा है बहुत, या रैम स्लो है तो वो क्रैश ही हो जा रहा है, बिल्ड हो ही नहीं पा रहा, इस तरह की भी सिचुएशन हो सकती है। तो दोनों के अपने अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। आमतौर पर रिएक्ट नेटिव के लिए जो सिस्टम स्पेसिफिकेशन जो है ना जो चाहिए होती है आपको, वो वाली चाहिए होती है जो एंड्रॉयड के ऐप डेवलपर के लिए एंड्रॉयड वालों ने बताया है और आईओएस के ऐप डेवलपर ने आईओएस के लिए जो बताया है। सही है, हाँ ये अच्छा सवाल है कि क्या बताया हुआ है। एप्पल वालों ने तो बताया हुआ है कि भाई मिनिमम पता नहीं 16 GB रैम होनी चाहिए, 8 GB पता नहीं, और उनका जो 2017 से ऊपर का मॉडल होना चाहिए, उससे पीछे वाले की सपोर्ट बंद कर चुके हैं वो 2017, अभी 2020 की भी बंद करेंगे ये इस साल, बोला नहीं है इन्होंने लेकिन सब लोगों का यही ख्याल है कि 2020 तक की अपडेट बंद कर देंगे। ठीक है, मेरा वाला ये 2020 है, हाँ तो हो इसकी तो खैर नहीं करेंगे, ये तो आर्म वाला है नया वाला, लेकिन 2020 में और 2021 में तक में इन्होंने इंटेल वाले मॉडल भी निकाले हैं, तो ये 2020 तक का जो इंटेल का मॉडल है ना उसकी सपोर्ट बंद कर देंगे मोस्ट प्रॉब्ली, या एक साल पीछे तक कर देंगे क्योंकि इंटेल से ये जान छुड़ाना चाह रहे हैं ना, 2 साल हो गए ना इनके पूरे, अभी अगस्त में 2 साल का ट्रांजिशन पूरा हो जाएगा तो ये इंटेल से कम्प्लीटली जान छुड़ाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो 2020 से पीछे M1 तो था ही नहीं, तो 2020 से पीछे सब बंद करा देंगे। वेल तो जो भी इनकी सिस्टम है स्पेसिफिकेशन उन्होंने बताई भी है। एंड्रॉयड में मेरा अपना एक्सपीरियंस ये है कि 16 GB रैम तक हो आपके पास तो सही चलता है, 8 GB रैम अगर है तो आपको पता है विंडोज 10 आजकल 8 GB तो वो पूरा खा जाता है, उसको चाहिए होता है पूरा। फिर गूगल क्रोम भी आपका साथ में अगर चल रहा है तो 8 GB विंडो 10 और गूगल क्रोम में पूरा हो जाता है, 100% हो जाता है, बाकी बच जाता है फिर आपके पास जो एंड्रॉयड स्टूडियो उसको कुछ नहीं मिलता। ठीक है, एंड्रॉयड स्टूडियो के साथ साथ आपके पास आता है एक वर्चुअल डिवाइस जिस पे आप रन कर रहे होते हैं, वर्चुअल डिवाइस एक मिसाल के तौर पे आप अगर मैं एक डिवाइस तैयार कर रहा हूँ वर्चुअल, मैंने कहा भाई 500 MB रैम ले लो आप, तो वो 500 MB रैम कैप्चर कर लेता है वो, तो जब 8 GB पूरा है तो उसको 500 MB कहाँ से दूंगा, मुझे कम से कम 2 GB रैम वाली एंड्रॉयड डिवाइस अगर बनानी है, 2 GB रैम तो नॉर्मल है ना, उससे कम तो किसी डिवाइस में नहीं होता, तो 2 GB वाली मैं वर्चुअल डिवाइस कैसे बनाऊंगा अगर मेरे पास 8 GB पूरा फुल है। तो अल्टीमेटली ये करना पड़ेगा मुझे कि या तो मैं गूगल क्रोम को बंद करूं, अदरवाइज होगा ये कि मैं जैसे ही गूगल क्रोम को छोड़ के हटूंगा मैं वापस जाऊंगा सारे टैब रिफ्रेश होने पड़ेंगे क्योंकि वो रैम से उड़ा देगा उसको। सही है, तो इस तरह के मामला आते हैं। प्रोसेसर जो भी नया वाला है बस वो हो, हाँ जो 11th जनरेशन है वो इसको असल में चाहिए होता है, जो नया वाला जो है। अच्छा वैसे बाय द वे जितने भी जो डेवलपर्स होते हैं जो नेटिव पे काम करते हैं खास तौर पे, क्योंकि वेब डेवलपर्स के तो मज़े हैं ना, कोड टू डू पे भी सब कुछ चल जाता है, ये मज़े किसी और जगह पे भी नहीं है। ठीक है, अभी जितने भी जो प्रोफेशनल बंदे थे वो मैक प्रो करके एक डिवाइस आती है वो यूज़ करते हैं, तो उसमें 64 GB तक रैम नॉर्मली लोग रखते हैं, हाँ डब्बा जो होता है तो 64 GB रैम तक नॉर्मली लोग रखते हैं। अभी इन्होंने जो नए वाले लैपटॉप है ना उसके अंदर 96 GB तक रैम अलाउ कर दिए, तो वो लोग जो मीडिया क्रिएटर तो ख़ास तौर पे 1 TB स्टोरेज और कम से कम 32 GB रैम से कम नहीं लेते वो। ठीक है, ये नॉर्मल डिवाइस की स्पेसिफिकेशन है। तो आप अगर 16 GB रैम वाली भी मशीन है आपकी तो एंड्रॉयड स्टूडियो जब आप कंटिन्यूसली चलाएंगे ना पूरा दिन तो वो कहीं ना कहीं आपको बोलेगा कि बस मेरी बस हो गई है। सही है, तो अब ये डिपेंड करता है, देखो ये डिपेंड करता है कि क्या आपने टोटली रिएक्ट नेटिव की तरफ जाना है। एक हमारे सर हैदर है जो आते हैं यहाँ पे, आप लोगों ने देखा होगा, तो वो टोटली रिएक्ट नेटिव की तरफ है, तो उन्होंने मैक प्रो रखा हुआ है अपने पास, पहले वो उन्होंने ये बनाया था हैकिंटॉश वैकिंटॉश पता नहीं क्या किया, लेकिन अल्टीमेटली उन्होंने तंग आके मैक प्रो ले लिया, मुझे एक्चुअल स्पेसिफिकेशन नहीं पता उसकी। तो अगर तो आपने टोटल इधर मूव होना है तो जाहिर है आप कहीं ना कहीं जॉब करेंगे,
तो वो आपको मशीन देंगे। अगर आपने फ्रीलांसिंग करनी है तो ज़ाहिर है आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, कुछ कमा रहे होंगे तो आप लगाने में फिर अच्छा लगता है, ठीक है। तो ज़्यादा अच्छी तो खैर नहीं, ये नहीं बोल सकते कि कोई भी नहीं है। ये मुश्किल सवाल पूछ लिया तुमने, ज़्यादा अच्छी कौन सी है। रिएक्ट कितने दिन से पढ़ रहे हो? 3-4 महीने हो गया ना। रिएक्ट नेटिव तीसरा दिन है आज, तीसरा भी नहीं आज तो पहला दिन है। यानी मैं जो पहले दिन पढ़ा रहा हूँ, तुम लोगों ने खुद से मैंने कहा था सेटअप कर लेना, तो 3 दिन से तुम लोग लगे हो। आज मेरे से पहले दिन पढ़ा है, पहले दिन में पूरी स्क्रीन बना ली, अब कह रहे हो बखेड़ा है। वो एक दफ़ा एनवायरनमेंट सेटअप करने की बात है, वो सारा सेट हो जाता है, ठीक है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। तो ये एक दिन में तो आप जज नहीं करो ना यार, एक दिन पढ़ा है आपने और आप कह रहे हो मुश्किल है। ये अगर 3 महीने इस पर भी लगा दो तो फिर बात बनेगी ना, फिर आप बोल सकते हो कि अच्छा यार मैंने 3 महीने इसको भी पढ़ा है, उसको भी पढ़ा है, और दोनों में मुझे ये वाला आसान लग रहा है। आसान तो ऑब्वियसली रिएक्ट आसान है, ऑब्वियसली रिएक्ट नेटिव मुश्किल है एज़ कम्पेयर टू रिएक्ट। रिएक्ट नेटिव के अंदर चीज़ें भी ज़्यादा हैं, देखनी पड़ रही हैं जो हमें, कि कीबोर्ड भी कौन सा खुल रहा है, किसमें क्या खुल रहा है, वो सब देखना पड़ रहा है। तो देखो भाई, जो काम ज़्यादा मुश्किल होता है उसके पैसे ज़्यादा होते हैं, सही है। तो अगर रिएक्ट नेटिव ज़्यादा मुश्किल है तो बाई डेफिनेशन इसके पैसे ज़्यादा हैं। लेकिन क्या रिएक्ट नेटिव का फ्यूचर बहुत ब्राइट है? मेरे ख्याल में इसका जवाब है नहीं, ठीक है। इससे पहले एक फ्रेमवर्क था आयोनिक, मैं उसका एक्सपर्ट था आयोनिक का, ठीक है, और आयोनिक पे मैंने बहुत ऐप्स बना बना के डिलीवर किए हैं। वो भी इसी तरह चलता था, लेकिन उसमें ये होता था कि वो एक मोबाइल ऐप होती थी, उसके अंदर एज टू एज ब्राउज़र खोल के ना, वेब व्यू खोल के, और वेब एप्लीकेशन चला देता था उसमें, ये करता था। लेकिन कॉर्डोवा के प्लगइन्स होते थे, नेटिव सारी कैपेबिलिटी वो भी देता था, कैमरा वैमरा सब उसके अंदर होता था, ठीक है। लेकिन वो अल्टीमेटली अब वो डाउन हो गई है रिएक्ट नेटिव के आने की वजह से। अच्छा, रिएक्ट नेटिव अब डाउन हो जाएगी फ्लटर के आने की वजह से। फ्लटर जावास्क्रिप्ट में होती है ना, रिएक्ट नेटिव नज़र भी नहीं आती है अभी, फ्लटर लेकिन जावास्क्रिप्ट में नहीं है, इसलिए रिएक्ट नेटिव की मार्केट अभी भी बनी हुई है, ठीक है। तो ये फ्रेमवर्क्स जो है ना, ये आते और जाते रहते हैं, ये आपको मार्केट में, अच्छा पहली बात तो ये, जो चीज़ एक बार आ जाती है वो कभी ख़त्म नहीं होती, एक तो ये भी बात है। अगर मिसाल के तौर पे कुछ ऐप्स अभी बन गई हैं रिएक्ट नेटिव पे, क्योंकि रिएक्ट नेटिव आज से तो नहीं है, 2-3 साल 4 साल हो गए हैं इसको कि लोग इस पे भरोसा कर रहे हैं। जो बड़ी ऐप्स इस पे बन गई हैं ना, वो तो अगले 20 साल तक इसी पे रहेंगी अब, ठीक है, जो प्रॉपर जिन्होंने सोच समझ के अच्छे से बना लिया है, क्योंकि बहुत टाइम लगता है और $50,000 लगते हैं एक छोटी सी ऐप बनाने में भी, ओवरऑल बहुत पैसा लगता है, तो वो फ़ौरन नहीं चेंज कर सकते उसको, पॉसिबल नहीं है। तो वो आपको पैसे देता रहेगा जब तक किसी और को नहीं आता, सिर्फ आप ही को आता है, तो आप जितना मर्जी उससे चार्ज करते रहो, ठीक है। लेकिन इवेंचुअली एक डेवलपर को टेक्नोलॉजी के साथ साथ इवॉल्व होना पड़ता है। अगर आप सोचोगे यार रिएक्ट नेटिव आपको आ गई है, रिएक्ट नेटिव में आपको जॉब भी अच्छी मिल गई है, आप चाहोगे नहीं यार मैं इसी को चलाता रहूँ, दैट इज़ नॉट पॉसिबल, इवेंचुअली ये चेंज होगा। अच्छा, अभी कराची या पाकिस्तान की मार्केट में बात करूँ तो मार्केट की सैचुरेशन जो है, मार्केट एक होता है ना सैचुरेटेड हो जाती है भाई, रिएक्ट के डेवलपर बहुत ज़्यादा हो गए हैं तो रिएक्ट की जॉब अब नहीं है, तो अभी कुछ और देखो, तो रिएक्ट नेटिव इज़ द अनदर ऑप्शन। लेकिन मसला ये है ना, बंदे रिएक्ट के हैं ना, नॉट जेएस के हैं ना, जावास्क्रिप्ट के हैं ना, रिएक्ट नेटिव के हैं ना, फ्लटर के हैं, किसी के बंदे नहीं हैं, सही है। बंदों की शॉर्टेज, हर जगह पे बंदे की शॉर्टेज है। तो जो आपको आता है ना राइट नाउ, उसकी जॉब पकड़ो और पैसे कमाने की करो भाई, पैसे कमाने से बनता है। ये सब सीख लेने से क्या होगा, सब ये भी सीख लिया, वो भी सीख लिया, वो भी सीख लिया, सो होगा क्या? तो पैसे कमाने की करो। मेरे, मैं अपनी बात बता रहा हूँ कि मैं उस बंदे को अप्रिशिएट करूँगा इस क्लास में जो पैसे ज़्यादा कमा रहा है, क्योंकि ये एक साल जो पढ़ा है आपने, इसका इसका मकसद पैसे कमाना है ना यार, ये सवाब तो नहीं मिल रहा रिएक्ट नेटिव पढ़ने से किसी को, पैसे कमाने के लिए किया। अच्छा, पैसा कमाना सवाब ज़रूर है, पैसा कमाना सवाब का काम है, हलाल कमा रहे हो आप मेहनत करके, तो ये सवाब का काम है। रिएक्ट नेटिव सीखना हलाल वो नहीं है, ठीक है। तो हाँ, ये अगर आप जैसे मुसलमान की तो नियत पे होता है ना सवाब, तो अगर आपने नियत किया है कि अच्छा यार मैं रिएक्ट नेटिव सीख रहा हूँ, इसको मैं इसको सीख के इससे मैं हलाल रोज़ी कमाऊँगा अपनी, तो ये सीखना भी आपका सवाब मिलेगा ऑफकोर्स। मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल ही माइनस नहीं है तो ये हमने सीखा है पैसे कमाने के लिए। तो
मेरे नज़र में मैं जो समझूंगा कि वो बंदा सक्सेसफुल है इस क्लास में, 1 साल के बाद, 1 साल पढ़ाई करने के बाद जो पैसे अच्छे कमा रहा है, ठीक है। टेक्निकल स्किल इज़ अनदर थिंग। अब अगला स्टेप आपके लिए क्या है, आपको सेल्फ ग्रूमिंग करनी है, अपना हुलिया ठीक करना है। ये जो तुम राधे बन के घूम रहे हो ना, यूँ बाल, ये नहीं चलेगा, सही है, इसको इम्प्रूव करो। बहुत सारे यहाँ पे हैं, ये शहजाद को देख लो तुम, अपना हुलिया इम्प्रूव करो, सही है। और अच्छा, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं कोई, मेरा हुलिया बहुत अच्छा है, मुझे खुद ग्रूमिंग की ज़रूरत है, ये देख लो। हाँ नहीं, मैं अपने अपनी नज़र से मैं बता रहा हूँ कि मुझे खुद ग्रूमिंग की ज़रूरत है, मुझे खुद अपने आप को जितना ग्रूम करना चाहिए मैं नहीं रख पाता, ठीक है। लेकिन कुछ अरसे पहले तक इससे भी बुरा हाल था, ये जैसे बैठा हुआ है ना, यही था मैं। अगर मेरी तुम 2010, 11, 12 की फोटो देखोगे ना, तो यही था मैं। हाँ, यही थी ना अभी तस्वीर थोड़ी देर पहले, वही था मैं। हाँ, फुल शबाटर। तो देखो, बंदा कुछ जाहिर ऊपर से तो सीख के आता नहीं है, यहाँ देखता है अपना खरबूजा, खरबूजे को देखता है और रंग पकड़ता है ना। तो खरबूजे को देखो और रंग पकड़ो, ठीक है। तो अपने आप को ग्रूमिंग, अच्छा, ग्रूमिंग करने का ये मतलब नहीं है कि भाई आप सिर्फ कोट पैंट से नीचे नहीं उतरना है। ग्रूमिंग का मतलब है कि आपका हुलिया ना अच्छा हो, साफ सुथरे हो, आप आपके हेयर ड्रेसिंग हुई भी हो अच्छी, सही है। दाढ़ी वैसे सुनना तो रखना, लेकिन आपके एक दाढ़ी इधर भाग रही है, एक उधर भाग रही है, पूरी मिट्टी भरी हुई है, तो दिस इज़ नॉट द थिंग, सही है। आप अगर दाढ़ी आपने रखी है तो वो साफ़ सुथरी होनी चाहिए, ठीक है। आपने अगर ग्लासेस लगाए हुए हैं तो आपने ग्लासेस को भी साफ़ सुथरा रखना है, ग्लासेस में जंग लगा हुआ वो नहीं है, ठीक है। तो जो भी आपने कपड़े पहने हुए हैं, जो भी पहने हुए हैं, कलर कॉम्बिनेशन, अब सॉफ्ट स्किल्स होती हैं, ये सीखने वाली चीज़ है। मिसाल के तौर पे अगर आपने सॉक्स पहनना है तो कैसे पहनना है, शूज़ कैसे पहनना है, बेल्ट कैसे लगाना है। अगर सॉक्स कौन से कलर का होना चाहिए, कोई बता सकता है? ट्राउज़र से मैच करना पड़ता है, सॉक्स का जो कलर है वो ट्राउज़र से मैच होता है, ठीक है। शूज़ से कुछ, अगर कोई शूज़ से मैच कर रहा है तो वो गलत कर रहा है। अगर ब्लैक शूज़ है तो ब्लैक सॉक्स नहीं, दिस इज़ नॉट द थिंग। ट्राउज़र का जो कलर है उससे मैच होगा, जीन्स या जो भी आपने पैंट पहनी हुई है उससे सॉक्स का कलर मैच होगा। शूज़ का कलर किससे मैच होगा? बेल्ट से मैच होगा आपके, आपका वॉलेट, शूज़ और बेल्ट, ये एक कलर के होने चाहिए, ठीक है। वॉच भी आप मैच कर सकते हैं चाहे तो बेल्ट के साथ अपने, ठीक है। वो लेदर वाला जो बेल्ट है उसी के साथ उसी कलर की आप वॉच लगा लें, हमेशा ये पॉसिबल नहीं होता, लेकिन ये सीखने वाली चीज़ें हैं। जो आपका बॉडी लैंग्वेज, चलने फिरने का, उठने बैठने का तरीका बहुत कुछ बता देता है, आपका कॉन्फिडेंस इन चीज़ों से इम्प्रूव होता है, ठीक है। तो ये आपने सीखना है। अब सॉफ्ट स्किल में आप बहुत सारी चीज़ें हैं, खाने पीने का तरीका है, सब बात करने का तरीका कि आप बात कैसे कर रहे हैं, ठीक है। आप लोगों से मिलें, जो कंपनी के सीईओज हैं, आप इंटरव्यूज़ देने जाते हैं सब लोग, तो अगर कभी कंपनी के सीईओ से आपकी बात हो ना, तो आपको उसकी बातों में ही फ़र्क नज़र आएगा। एक एचआर का बंदा, फटीचर, उससे बात करोगे, और कंपनी का जो ऑनर है उससे बात करोगे, हालांकि कंपनी का ऑनर, उसको टेक्निकल कुछ पता नहीं होगा, लेकिन वो जब बात करेगा ना, बोलेगा, तो वो लगेगा कि यार कुछ बात कर रहा है, ठीक है, कुछ दम है इसकी बात, ठीक है। वो शॉर्ट प्रिसाइज बात करेगा, बिला वजह लंबी नहीं करेगा, पहली बात, टू दी पॉइंट बात करेगा, और टू दी पॉइंट जवाब चाहिए उसको। आप भी लंबी करेंगे तो वो भाग जाएगा, फिर आपसे भाग जाएगा। तो ये सॉफ्ट स्किल्स हैं सारी, इसको आपने सीखना है। अब कहाँ से सीखना है? इंटरनेट से सीखो, दुनिया पूरी बहुत सारी है। गूगल पे जाके लिखो, सॉफ्ट स्किल के कोर्सेज होते हैं, कैसे इंप्रूव होती है सॉफ्ट स्किल, ठीक है। बोलने में क्या चीज़ अच्छी है, क्या चीज़, ह्यूमन साइकोलॉजी को स्टडी करना पड़ेगा इसके लिए। ये ह्यूमन साइकोलॉजी में इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत वैल्यू कर रहे हैं आजकल लोग, उसको इमोशनल इंटेलिजेंस सीखो कि कब कौन सी बात किसको बोलूँगा तो बुरी लग जाएगी। ये इमोशनल इंटेलिजेंस है कि आप क्या सामने वाले के इमोशन को समझते हैं। या मिसाल के तौर पे किसी बंदे को आपने कोई ऐसा उससे काम करवाना है जो वो करना नहीं चाहता, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से मौके पे मैं उसको बोलूँगा ना तो ये मना नहीं कर पाएगा। या ये समझ रहे हो, ये इमोशनल इंटेलिजेंस है। टीम, जब आप 10 लोगों की टीम को हैंडल करेंगे इंशाल्लाह इन फ्यूचर, तो 10 लोगों की टीम में कौन घर से लड़के आ रहा है आपको थोड़ी पता है। रास्ते में आते हुए क्या उसके साथ हुआ है इंसिडेंट, उसका मूड कैसा है,
उस मूड को कैसे हैंडल करना है. ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर इमोशनल इंटेलिजेंस, कि लोगों के इमोशंस को कैसे हैंडल करना है इंटेलिजेंटली. एक होता ना आई क्यू होता है, आई क्यू ये होता है कि किसी सिचुएशन को देख के डिसीजन लेना, वो आई क्यू होता है. एक है ई क्यू, इमोशनल इंटेलिजेंस, कि सामने वाले के इमोशन को देख के डिसीजन लेना. तो एक अच्छा टीम प्लेयर जो होता है उसका ई क्यू जब तक हाई नहीं होगा वो अच्छा टीम प्लेयर नहीं बन सकता. अच्छा, मेरा इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत हाई नहीं है, ठीक है, मुझे ये पता है. मुझे समटाइम नहीं पता चलता कि सामने वाले का क्या मतलब चल रहा है उसके, ठीक है. तो ये ऐसा नहीं है कि मैं वो चीज़ें बता रहा हूँ जो मुझे आती हैं, ये चीज़ें मुझे भी नहीं आती, मैं भी सीख रहा हूँ. सही है, तुम्हें कुछ पता चले तो मुझे भी सिखा देना, कोई ग्रुप बना लेना, उसमें कंटेंट शेयर कर दिया करना, मैं भी सीखता रहूँगा. हैं कभी ना कभी, लेकिन मैं वैसे सीन करता हूँ, फ़ौरन नहीं करता लेकिन कभी ना कभी करता हूँ, ठीक है. अपने आप को सेल करना सीखो, अपने आप को सेल करना सीखो. जॉब में सेल करोगे तो बिजनेस में भी सेल करना सीख जाओगे, ठीक है. आपको बहुत कुछ आता है, वो आपके अंदर है, जंगल में मोर नाचा किसी ने भी नहीं देखा. अपने आप को सेल कैसे करना है ये आज से इस पर मेहनत शुरू कर दो, क्योंकि जितना सीखना था वो तो अभी सीख लिया है. अभी तो सीखना तो खैर ख़त्म कभी भी नहीं होगा, वो चलता रहेगा. लेकिन अब जिस मैं आपको बता रहा हूँ कि अब आप, यानी अगले महीने जब ये कोर्स आपका ख़त्म हो जाएगा, आप अपने ज़िंदगी के सबसे मुश्किल दौर में दाखिल होने वाले हैं. और ये मुश्किलें वक्त के साथ बढ़ेंगी, ऐसा नहीं कि कोई फेज़ है उसको आप पार कर जाएंगे तो ख़त्म हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला. किसी ने भी आपको ये बोला है ना कि गोली कराइए अगर, कि ये कर लो तो सब सेट है, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला. इसके बाद आप मुश्किल एक दौर होगा ज़िंदगी का आपका जिसमें आप दाखिल हो जाएंगे, और वो मुश्किल वक्त के साथ साथ बढ़ेगी, और आपने उसी मुश्किल को हैंडल करना है, अपने आप को उसी मुश्किल में एडजस्ट करना है. और उन मुश्किलों के बावजूद पैसे कमाने पे फोकस रखना है. हाँ, नहीं मतलब समटाइम डिस्ट्रैक्शन आपको पैसे कमाने से हटा देती है, ये नहीं करना. चाहे जो भी होता रहे ज़िंदगी में, पैसे कमाने वाली जो चीज़ है ना, जो जहाँ से मेन स्ट्रीम पैसे के हैं, उस पर कोई आँच नहीं आनी चाहिए, ठीक है. मतलब कभी यार किसी ने कुछ बोल दिया, मूड अच्छा नहीं है तो यार छोड़ा, छुट्टी कर लेता हूँ, नहीं जा रहा, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है. जो भी मर्जी हो रहा है, जो आपका करियर है, जो जहाँ से आपके पास पैसे आ रहे हैं, चाहे वो नौकरी हो, चाहे वो बिज़नेस हो, चाहे वो फ्रीलांसिंग हो, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, ठीक है. बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी आप कहेंगे यार ये तो बड़ा मसला हो गया है, या आज मैं थक गया हूँ, या आज मूड नहीं हो रहा. कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये वो वही चीज़ है जिसको जब तक आप पकड़ के रखेंगे ना, तो आपके मामला सेट चलते रहेंगे. क्योंकि मर्द की इज्जत आपको पता है पैसे से होती है, ठीक है. और जिस दिन ये नहीं हुआ ना यार, इमेजिन करें ना, आप अपने घर वालों को किसी अच्छी सी जगह पे लेके जाएं, कबाब जीज में या कोलाची में, उनको अच्छा सा डिनर कराएं, 20-25 हज़ार उन पर लगाएं, आप कितना खुश होंगे. वो आपसे अच्छा होगा ही नहीं कोई. नहीं, वो तो मुंह से तो वो कहेंगे, लेकिन दिल से उनको खुशी होगी कि यार मेरे बच्चे ने मतलब इतना कमा लिया है, या वो इस काबिल हो गया है कि मुझे यहाँ ला सकता है वो आज, ठीक है. है ना. तो अपने छोटे भाई को आप कोई गिफ्ट ला कर दें, कितना खुश होगा वो. होगा कि नहीं होगा. अपने अब्बू को कोई कपड़े वपड़े ला के दे दें आप, गिफ्ट कर दें, होंगे ना खुश, या नहीं होंगे. तो मनी कैन बाय हैप्पीनेस, सर्टेन लेवल ऑफ हैप्पीनेस तो बाय कर सकते हैं ना मनी से. तो पैसे कमाने पे फोकस रखना है, ये फोकस हिलना नहीं चाहिए अपनी जगह से, ठीक है जी. तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आप आएंगे, ये 3-4 स्क्रीन जो है मेरी चैट एप्लीकेशन वाली, ये बना कर लाएंगे आप. और नेक्स्ट क्लास में हम हेलो वर्ल्ड करने की कोशिश करेंगे, और हेलो वर्ल्ड करके उसको बिल्ड चला कर देखेंगे हम डिवाइस पे, और कोशिश करेंगे कि पब्लिश वब्लिश के अंदर जो मामला, खैर पब्लिश करके तो नहीं देख सकते, लेकिन पब्लिश की जहाँ तक देख लेंगे कि क्या क्या सीन है. चलो भाइयों, अल्लाह हाफिज़.